देर आए दुरुस्त आए अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हेलो बच्चो हेलो जी हेलो हेलो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम होपिंग आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल सॉरी ये क्लास आज सुबह सात बजे नहीं हो पाई मैं साढ़े चार बजे की उठी हुई हूँ एम प्रिपेयरिंग दी स्लाइड्स एंड स्लाइड एंड स्लाइड लेट मी शो ऑल ऑफ यू दी स्लाइड्स देखो इस चैप्टर में ना डायग्राम्स बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है और फिर बाद में क्वेश्चन टाइप्स बहुत ज्यादा है तो उसको मैनेज करने में तुम्हारी दी को थोड़ी सी दिक्कत आ गई और वो मैनेज uh, नहीं कर पाई सो so, अभी जाके ये स्लाइड्स पूरी खत्म हुई है आज की क्लास के लिए बिकॉज टीचिंग इज लाइक बींग अ डायरेक्टर ऑफ ऑफ एन अमेजिंग मूवी जस्ट बिकॉज मान लो कि

में बिल्कुल सिंगल शॉर्ट फुल कवरेज क्लासेस होती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स डिस्कस होते हैं एनसीईआरटी पंप दिया जाता है और क्वेश्चन बांग दिया जाता है सो so, अभी इस इस चैप्टर में में क्लास हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं विच इज अ बुली चैप्टर ठीक है बुली चैप्टर है कि नहीं है बिल्कुल तुम लोगों को डरा देता है कि नहीं डरा देता है रोटेशन डराता है ना बड़ा चैप्टर है वो अलग बुली चैप्टर है वो अलग और फिर इंपॉर्टेंट भी है तो इट इज लाइक दिस इज दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ ठीक है तो वी वुड हैव टू डाउन एंड कम्पलीट रोटेशन सेट टाइट एवरी वन एंड लेटेस्ट बिगिन विद चैप्टर मैं फटाफट से तुम लोगों को एक बार जरा सा बता देती हूँ कि मैंने चैप्टर को किस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है तो सबसे पहले आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास पोजिशन और शिफ्टिंग दोनों बता दूंगी ये देखो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास देन शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मास फिर हम लोग थोड़ा सा रोटेशन लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आ जाएगा हमारा रोटेशनल कैनोमैटिक्स रोटेशनल कैनोमैटिक्स के बाद आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम देखो कितना बड़ा चैप्टर है एंगुलर मोमेंटम के बाद आ जाएगा टॉर्क टॉर्क के बाद आ जाएगा रोटेशनल डायनोमिक्स रोटेशनल डायनोमिक्स के बाद आ जाएगा एनर्जीज और फाइनली एनर्जीज के बाद आ जाएगा रोलिंग मोशन और फिर बाद में हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा ठीक है तो बिल्कुल डरना नहीं मैं हूं तो तुम्हें फिजिक्स में डरने की जरूरत नहीं है बस तुम्हें क्लास अटेंड करनी है जो क्वेश्चन बैंक मैंने uh, मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो बच्चों क्वेश्चन बैंक एक बार सॉल्व कर लेना और फिर बाद में कल सैटरडे है तो कल सैटरडे सेट डाउन तो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स डिस्कस करेंगे सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर तो मुझ पर विश्वास कर सकते हो ठीक है तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा क्लास के दौरान कोई भी बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा ठीक है आराम से बैठो और मुझे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में इंटरेक्शन दिखाओ मतलब ऐसा इंटरेक्शन कोई बाहर से आए ना मैं तुम्हें बार-बार बोलती हूं देखो क्लासेस लेजेंडरी हैं स्लाइड्स लेजेंडरी है बच्चों का इंटरेक्शन लेजेंडरी होना चाहिए डू यू अंडरस्टैंड मी और डू यू नॉट ठीक है तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी पांच मिनट के अंदर टाइम स्टैम्प भी ऐड हो जाएंगे सो इफ यू वॉन्ट टू रीविजिट सर्टन टॉपिक ठीक है सो लेट्स बिगिन with टॉपिक नंबर वन विच इज सेंटर ऑफ mass ठीक है कितने घंटे की क्लास होगी मैं बता नहीं रही ठीक है मुझे शांति से चैप्टर को शुरू करने दो तुम लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना ठीक है बच्चों शुरू कर रहे हैं let us बिगिन दिस एक्सट्रीमली लेजेंडरी क्लास आई promise यू ये बिल्कुल बाजी मस्तानी जैसे डायरेक्शन होगी बहुत प्यारी स्लाइड्स हैं और बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मैंने क्रिएट किया है पिछले चार घंटों में ठीक है टॉपिक नंबर वन इज सेंटर ऑफ मास देखो सेंटर ऑफ मास ना बड़ी जनविन सी चीज है इट इज लाइक कि मान लो अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हो ठीक है लेकिन हम स्कूल को एक क्लास सिर्फ एक ही बच्चे का रिजल्ट दिखाना तो ऑब्वियस बात है हम आ, उस बच्चे का रिजल्ट दिखाते हैं जहां पर मैक्सिमम मासड होता है या फिर मार्क्स मार्क्स होता है उसी तरीके से यहां पर मेरे पास एक बॉडी है तो अभी तक हम लोग मोशन ऑफ द बॉडी को अगर मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करूं वर्क एनर्जी पार्क की बात करूं कैनोमेटिक्स की बात करूं तो जनरली जो बॉडी मूव कर रही होती है वो पॉइंट साइज बॉडी होती है लेकिन अभी हम लोग पॉइंट साइज बॉडी नहीं लेंगे अभी हम एक रिजिड बॉडी लेंगे रिजिड बॉडी का मतलब वो बॉडी जिसके अंदर मास्क फैल

उसी तरीके से मान लो अगर बच्चों मैं रिंग ले लूं तो रिंग का अगेन सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में लाइ करेगा करेगा ना मैं रॉड ले लूं रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में लाइ करेगा सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास इट इज अ लोकेशन इट इज लोकेशन ऑन द बॉडी द एंटायर मास कैन बी सपोज्ड इट इज नॉट कंसेंट्रेटेड द एंटायर मास कैन बी सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड ताकि हम उसके रोटेशन मोशन को डिफाइन कर सकें ठीक है तो अब ये जो सेंटर ऑफ मास है गौर फरमाइएगा बच्चों सारी छोटी से छोटी चीज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ सो सेंटर ऑफ मास बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकता है इनसाइड भी लाई कर सकता है और ऑन दी सरफेस भी लाई कर सकता है आउटसाइड जैसे रिंग रिंग में जो भी मास है सिर्फ पेरिफे के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है तो रिंग के लिए ये वाला जो पोर्शन है वो भी आउटसाइड है रिंग के लिए ये वाला जो पोर्शन है वो भी आउटसाइड है तो देख रहे हो ना रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसके बाहर लाई कर रहा है उसी तरीके से मैं डिस्क की बात कर लूं तो डिस्क इज अ टू डिमेंशनल बॉडी तो अगर मैं बोल लूँ कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके बीच में भी लाइक कर रहा है तो वो बीच भी उसकी सर्फेस के ऊपर ही लोकेटेड है इतनी ज्यादा पतली बॉडी है सो इट कैन बी लोकेटेड ऑन दी सर्फेस एज वेल और अगर मान लो अगर मैं स्फीयर की बात कर लू

कि तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़े तुमने एक टेस्ट दिया फिर तुमने दूसरा टेस्ट दिया तुम्हारे दूसरे टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़े लेकिन तुम मुझे ये बोल दो बट दी हाउ इज इट पॉसिबल आप देखिए ना मेरे बायो में तीन मार्क्स बढ़े हैं तो मैं तुम्हें बता दूंगी फिर क्या हो गया देखो फिजिक्स में एक मार्क्स कम हो गया देखो केमिस्ट्री में दो मार्क्स कम हो गए तो आई कैन से दैट फॉर अ स्टूडेंट जिसके कॉन्स्टेंट मार्क्स आ रहे हैं तो उनका गेन और लॉस इन मार्क्स कॉन्स्टेंट है वही चीज यहाँ पर है कि अगर मैं बॉडी के मास को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड मानती हूँ सेंटर ऑफ मास बोल दिया ना तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी वजह से मोमेंट ऑफ मास कंजर्व होगा तो मोमेंट ऑफ मास टर्म याद रखना बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस रिपीटेडली मोमेंट ऑफ मास होगा मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस तो मोमेंट ऑफ मास एम इज गोइंग टू बी इट विल बी बैलेंस्ड अबाउट दी सेंटर ऑफ मास इट विल बी बैलेंस्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास अभी तुम लोग सोच रहे हो कि हाँ दी तो मतलब इससे क्या आप बोलना चाहती हैं ये हमें कैसे हेल्प करेगा देखो कैसे हेल्प करेगा मान लो ये मेरे पास चार के की बॉडी है दो के की बॉडी है दोनों के बीच में डिस्टेंस है दस मीटर मैंने तुम्हें बोला कि सेंटर ऑफ मास निकालो ठीक है अब तुम्हें लग रहा है कि यस यस वी नो सोच 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 सार्थक सोच, क्या था ऐसे नहीं करना है तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके बीच में लाइक करेगा मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाइक कर रहा है तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं मोमेंट ऑफ मासस देखूंगी कि अगर मान लो सेंटर ऑफ मास मेरा यहां पर लाइक कर रहा है तो ये वाले डिस्टेंस को मान लो मैंने क्या कर लिया ना ये वाले डिस्टेंस को मैंने x मान लिया और ये वाले डिस्टेंस को मैंने टेन माइनस एक्स मान लिया तो अब मैं ये बोलूंगी कि जितना मोमेंट ऑफ मास राइट हैंड साइड पे है ड्यू टू टू के उतना ही बच्चों यहाँ पर मोमेंट ऑफ मास लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ड्यू टू फोर के ऐसा क्यों ऐसा इसीलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास हमेशा बैलेंस रहते हैं तो ये तो तुम्हारे ही खा गई मैं नहीं कहा गई देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेफ्ट हैंड साइड में जितना मोमेंट ऑफ मास है वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास है वो मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस के ऊपर है फिर राइट हैंड साइड पे जो मोमेंट ऑफ मास है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है मल्टीप्लाइड की, की वैल्यू नहीं सत्रह जुलाई को भड़क नहीं रही <laughs> तुम कि माम हमने कुछ बोला है एस की वैल्यू ट्वेंटी बाई सी पॉइंट टू मेक यू डोंट नीड दी फॉर्मुलाजकोर्समुलाज विल ओनली मेक इट सिंपल फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू आर टेकिंग टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन वहां पर फॉर्मुलाज तुम्हारी हेल्प करेंगे वरना कंसेप्ट से हमेशा रोटेशन तुम्हारा हर एक रोटेशनल मकैनिक्स का बन जाएगा तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है ठीक है यू नीड टू बैलेंस द मोमेंट ऑफ मासस अबाउट द सेंटर ऑफ मास जैसे ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये कि मान लो जैसे कि मैंने मैं यहाँ पर क्या फंडा यूज कर रही थी मैं यहाँ पर ये फंडा यूज कर रही थी कि मोमेंट ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस होंगे तो बिकॉज आई वॉज यूजिंग द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास एज दी पॉइंट जहाँ से मैं डिस्टेंसेज मेजर कर रही हूँ जैसे कि मैंने यहाँ से दो के जी के मोमेंट ऑफ मास को निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस लिया मैंने चार के जी के मोमेंट ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए मैंने ये वाला डिस्टेंस लिया है ना लेकिन मान लो अभी अगर मैं किसी और पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करने लगती हूँ व्हाट इफ आई एम आई डोंट वांट टू बैलेंस द मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास व्हाट इफ अगर मैं किसी और पॉइंट से डिस्टेंस को मेजर करना चाहती हूँ तो फिर मैं ये बोल दूंगी कि बॉडी जो है बनी है पार्टिकल्स की बॉडी की जगह सेंटर ऑफ मास लीजिए पार्टिकल्स को एक साइड पर लीजिए तो उस लाइन के अबाउट जितना अब मोमेंट ऑफ मास आएगा सेंटर ऑफ मास की वजह से दैट इज द मोमेंट ऑफ मास रिलेटेड टू द बॉडी एंड इट ऑलवेज विल बी अ सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ड्यू टू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स सुनने की कोशिश करो क्योंकि बड़ी जनविन चीज बोल रही हूँ जैसे कि मोमेंट ऑफ मास भूल जाओ अगर मैं नॉर्मली मास लू तो मैं बोल सकती हूँ ना तुम्हारा जो मास है इट इज इक्वल टू मास ऑफ योर अपर बॉडी देन मास ऑफ योर मिडिल बॉडी देन मास ऑफ योर लोअर बॉडी बिल्कुल वही चीज यहाँ पर हो रही है बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है बहुत सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ मास निकालोगे उनको एड कर दोगे तो मोमेंट ऑफ मास तुम्हें किसका मिलेगा बॉडी का मिलेगा बॉडी का मोमेंट ऑफ मास बोले तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ मास की मान लो कि दिस इज द लाइन जहां से मैं जितने भी मोमेंट ऑफ मासेस है उनको मेजर कर रही हूँ तो

एक बार जरा सा देखो बच्चों यही है ना फॉर्मूला मास ऑफ दी बॉडी तो आ गया तुम्हारे पास एम वन प्लस एम टू की यहाँ पर बॉडी में इस सिस्टम में सिर्फ दो मासेस है तो यही फार्मूला रटते हो कि नहीं रटते रख, हो ये फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं जैसे ही बच्चों को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाता है बच्चों को लगता है उनको रोटेशन मैकेनिक आ गया ठीक है इसीलिए मैं तुम लोगों को गधा बोलती हूँ एक बार जरा सा देख लीजिए दिस इज द वेरी फेमस फॉर्मूला हमें इससे हमें इसको भाव ही नहीं देना है ये हमारे लिए फॉर्मूला नहीं है ये हमारे लिए कंक्लूजन है कंसेप्ट का तो हम कंक्लूजन के ऊपर थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम कंसेप्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और देखो कितने प्यारे तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन अब सॉल्व होंगे क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है विद रिस्पेक्ट टू दी लाइन ड्रॉन तो भाई ये है मेरे पास लाइन ड्रॉन अरे

कितने डिस्टेंस के ऊपर सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है वो हम लोगों को निकालना है तो ये वाले डिस्टेंस को मैं जरा सा यहाँ पर एक्स मान लेती हूँ अब मुझे मोमेंट ऑफ मासेस निकालने हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स के और उनको ऐड करना है तो सबसे पहले आया दो के जी जो लोकेटेड है दो मीटर के डिस्टेंस के ऊपर तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना आ गया टू मल्टीप्लाइड बाई टू उसके बाद एज यू ऑल कैन सी फिर है तुम्हारे पास छह के जी ये छह के जी कितने डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है दस मीटर के ऊपर लोकेटेड है देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आठ मीटर दो मीटर दस मीटर हुआ ना तो छह के जी की बॉडी दस मीटर के डिस्टेंस पर मैं आगे सॉल्व नहीं कर दी एक्स की वैल्यू निकालिए एक्स की वैल्यू निकाली यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो तुम लोग तो बड़ा सिर्फ दो चीज चीजों के बारे में बात कर रही हूं ठीक है पहला ये मोमेंट ऑफ मासस कैन ऑलवेज बी बैलेंस्ड अबाउट द सेंटर ऑफ मास 2 और किसी रैंडम लाइन के अबाउट अगर तुम लाइन से अगर तुम लोग डिस्टेंसेज मेजर कर रहे हो तो उस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ मास बॉडी का होगा उस लाइन के अबाउट वही मोमेंट ऑफ मास होगा जो तुम्हें इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ मास को ऐड करने से मिल रहा है ठीक है मैं सिर्फ इतनी बात बोलियो इसको आगे तुम लोग अप्लाई होते देखोगे तो तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी बाकी अभी के लिए आई कैन से दैट दिस शुड मेक सेंस टू यू दैट एक्स सी ओ एम कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू तो ये मैं एक्स के लिए लिख रही हूं तो y के लिए भी लिख सकती हूँ y सी ओ एम इज गोइंग टू बी इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ठीक है अभी इसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जैसे कि अभी हम लोग पार्टिकल्स पार्टिकल्स कर रहे थे थोड़ा सा बॉडीज लेके आते हैं तो ये मेरे पास दो रॉड्स हैं ठीक है मैं यहाँ पर थोड़े से कलर्स यूज करूंगी फिर मेरी जान खाओगे कि मैम ये अपने ऊपर वाले रॉड का लिया ये नीचे वाले रॉड का ये देखो ये हमारे पास ग्रीन वाला ये रॉड है और ब्लू वाले रॉड को मैं ऐसे मान के चल रही हूँ तो तुमसे पूछा हुआ है फाइंड द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो बात है तुम वहां पर एग्जाम में ये थोड़ी बोलोगे वहां पे है ठीक है तो ऑब्वियसली बात है एक पॉइंट को तुम्हें ओरिजिन मानना पड़ेगा और वो हमेशा एग्जाम में गिवन होगा तो एग्जाम में ये दे दिया दिस इज पॉइंट पॉइंट ओ ओ और के अबाउट अब तुम्हें पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो देखो दी ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू हेयर इज तुम्हें बॉडीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है तुम्हें बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को सिर्फ पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करना है सो वट इज द लॉजिक बिहाइंड इट हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज को तुम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करोगे और बॉडीज को गायब कर दोगे ठीक है इंडिविजुअल पॉइंट पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर दोगे और बॉडीज को गायब कर दोगे जैसे कि मान लो अगर मैं बच्चों तो तुम्हें ये बोलूं कि दिस इज पॉइंट ओ एक बार जरा सा देखना ये मेरे पास पॉइंट ओ है तो अभी ग्रीन वाले का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में लाई करेगा ये देखो ग्रीन वाला रॉड ग्रीन वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल बीच में लाइ करेगा ना यहाँ पे तो आई कैन से कि एक मास यहीं पर लोकेटेड है एम मास का ठीक है फिर बाद में अगर मैं अपने ये वाले रॉड की बात करूं तो ये वाला रॉड देखो एम मास का है लेंथ का है, अगेन इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर करेगा तो आई कैन से कि दूसरा पार्टिकल नीचे लोकेटेड है कितने डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है ये लोकेटेड है बच्चों एल बाई टू के डिस्टेंस पे तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है एक मास एम दूसरा मास एम तो दो जब तुम्हारे पास सेम मास होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में लाई करता है ना अगर मान लो मैं सीसो की ही बात कर लू तो यहाँ पर तुम बैठे हो तुम हो पांच केजी के जी के यहाँ पर तुम्हारा दोस्त बैठा है वो भी है पांच के जी का तो ऑब्वियसली बात है दिस इज गोइंग टू तो बी मेंटेन्ड ना वहां पर टॉर्क मेंटेन्ड होता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ मेंटेन्ड है तो आई कैन से कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है ऑब्वियसली बात है यहाँ पर लाइ करेगा ये यह देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाइ करेगा सेंटर ऑफ मास का मास कितना होगा पोजीशन क्या है ये वाली पोजीशन आ गई एल बाई फोर ये वाली पोजीशन आ गई एल 4 फोर तो मान लो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो आई कैन से देखो भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो है नहीं वाई कोऑर्डिनेट है नेगेटिव में है एल बाय फोर एक बार जरा सा यहां पर देख लीजिए so सुनते जाओ। देखो कितना प्यारे तरीके से होगा। अब मानलो मैं तुम्हें तुम्हारे आगे पास तीन रॉड है पहला रॉड आ गया ये ठीक है दूसरा रॉड आ गया ये और बच्चों तीसरा रॉड ये देखो व्हाइट से कलर करूंगी तीसरा रॉड आ गया ये अब तुमसे बोला हुआ है कि भाई देखो इसको ओरिजिन ले लो और बताओ कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे तो आराम से निकालो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे तो कि हटाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है उनकी को की ट्रीट कर लेना है नेगेटिव क्यों देखो आशुतोष अभी ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे चलेगा अगर ये मेरे पास ओरिजिन है दिस इज दी वाई एक्सेस दिस इज तुम नीचे जा रहे हो ना एल बाय फोर के डिस्टेंस है तो जब तुम एक्स एक्सेस से नीचे जाते हो तो वाई कोऑर्डिनेट को तुम हमेशा नेगेटिव में ही लेते हो

अभी अगर बच्चों में ब्लू वाले रॉड की बात करूं तो ब्लू वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लोकेटेड है ना समझ नहीं रहे हो देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया एल बाई टू ये वाला डिस्टेंस आ गया बच्चों एल बाई टू उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना आ गया एल तो वो लोकेटेड है यहाँ पे एम मास का यहाँ पर लोकेटेड है उसी तरीके से ग्रीन वाले रॉड की बात करूं तो देखो ग्रीन वाले वाई कोऑर्डिनेट कोई मास यहाँ पर लोकेटेड है तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए अब निकालते रहो कि ये एम मास है इसका कोऑर्डिनेट है जीरो जीरो ये तुम्हारे पास ऊपर वाला एम मास है इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया एल बाई टू वाई आ गया एल नीचे तुम्हारे पास M मास लोकेटेड है जिसका x कोऑर्डिनेट आ गया L बाई टू वाई कोऑर्डिनेट आ गया जीरो तो निकालो एक्स सी ओ एम वाई सी ओ एम देखो एक्स सी ओ एम की वैल्यू कितनी होगी तो M मास है जीरो पे फिर मेरे पास एक ma, M मास है L बाई टू पे फिर एक मास दोबारा से मेरे पास L बाई टू पे टोटल मास कितना है टोटल मास है थ्री एम देखो टोटल मास तुम्हारे पास कितना आया टोटल मास आया तुम्हारे पास थ्री अरे वाइट वाला यहाँ पर नहीं लोकेटेड होगा सॉरी बच्चों वाइट वाला एक्चुअली द डायग्राम इज नॉट लाइक दिस द डायग्राम इज लाइक दिस द डायग्राम इज लाइक दिस बच्चों ये तुम्हारे पास सिस्टम है अभी दोबारा से थोड़ी एक्सप्लेन करूंगी ये देखो व्हाइट वाला ऐसे लोकेटेड है ठीक है और यहाँ पर जो तुम्हारे पास मास है यहाँ पर तुम्हारे पास मास आ गया टू तो यहाँ पर भी आ जाएगा तुम्हारे पास टू एक बार जरा सा देख लो वाई सीओ एम की बात करो, आओ वाई सीओ एम की बात कर लेते हैं तो वाई सीओ एम की बात करूं, तो एम मास से जीरो के कोऑर्डिनेट के ऊपर लोकेटेड है फिर एम मास है एल के कोऑर्डिनेट के ऊपर लोकेटेड है ठीक है फिर बाद में टू एम मास से जीरो के कोऑर्डिनेट के ऊपर लोकेटेड है टोटल मास तुम्हारे पास कितना आ गया टोटल मास आ गया थ्री एम एक बार जरा सा देख लो बच्चों वाइट वाले रॉड को मैंने शिफ्ट कर दिया ना अभी दोबारा से थोड़ी मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगी दैट इज सिंपली गोइंग टू यू नो किल टाइम वी डोंट वांट टू किल टाइम ये तुम्हारे पास सिस्टम है ठीक है ये तुम्हारे पास व्हाइट वाला रॉड आ गया इसका सेंटर ऑफ मास यहीं लोकेटेड है तो मैंने बना दिया ठीक है ये ग्रीन वाला रॉड आ गया टू एम मास यहां पर लोकेटेड है बना दिया ये तुम्हारे पास ब्लू वाला रॉड है एम मास यहां पर लोकेटेड है बना दिया इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया एल बाई टू वाई को आ गया एल इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारे पास एल बाई टू वाई कोआर्डिनेट आ गया जीरो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को सब्सटीट्यूट करके हमने एक्स सी ओ एम निकाल लिया है वाई सी ओ एम निकाल लिया है ठीक है बिल्कुल सुनते जाओ सेम ही कंसेप्ट रिपीट होगा जैसे कि ये वाले क्वेश्चन आते हैं ये तुम्हारे पास ना एक डिस्क थी देखो ये तुम्हारे पास एक डिस्क थी किसी मास की थी जिसके रेडियस की वैल्यू थी टू आर अब तुमने खाली फोकट का तुम लोगों ने क्या किया जी एक बार जरा सा देखिए अरे यार छोड़ दिया करो ना अभी एक ही क्वेश्चन के ऊपर तीन चार करेक्शन हो गए चलो अभी एक बार यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास एक डिस्क है जिसके रेडियस की वैल्यू है टू आर अब तुम लोगों ने वापस आ जाएंगे अब तुम लोगों ने यहाँ से एक छोटी सी और डिस्क कट की जिसके रेडियस की वैल्यू है आर तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा ना एक बार तुम लोग जरा सा सोचो पहले तुम्हारे पास डिस्क था तो जैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड था यहाँ पर वैसे ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड था यहां पे तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में लाइक कर रहा था तो आई कैन से कि अगर मैं ये वाली डिस्क को करूं मैं हाईलाइट कर देती हूँ पूरी की पूरी डिस्क को कंसिडर करूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास कौन से पॉइंट के ऊपर लाइक करेगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है इसका सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट के ऊपर लाइक करेगा अब मैंने क्या करी अब मैंने करी बच्चों बदतमीजी मैंने क्या करा मैंने फालतू में ये वाली डिस्क को मैंने हटा दिया ये वाले डिस्क को मैंने हटा दिया तो ऑब्वियस बात है आई कैन से सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग यहाँ पर होगी ना सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड हियर बिकॉज सेंटर ऑफ मास हमेशा मास करता है अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मैम आपने क्या बोला है मैंने ये बोला है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मासज आर बैलेंस्ड मानते आई कैन से मोमेंट ऑफ आर बैलेंस्ड मोमेंट ऑफ मासेस आर बैलेंस्ड इसका मतलब एम मल्टीप्लाइड की वैल्यू बैलेंस्ड होती है अबाउट द सेंटर ऑफ मास तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास मास है मास है इसका मतलब एम की वैल्यू ज्यादा है तो एम एक्स को बैलेंस करने के लिए एक्स की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए देखो जैसे पीवी कॉन्स्टेंट है तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए तो अगर मैं बोल रही रूं मोमेंट ऑफ मास बैलेंस है सेंटर ऑफ मास के अबाउट

नियर नियर मास मास धीरे धीरे स्टोरी लाइन विल कम ठीक है जैसे कि मान लो बच्चों अगर मैं बैट बना दूं ठीक है कि ये मेरे पास इस तरीके से बैट है ठीक है बैट है एंड दिस इज द जियोमेट्रिक सेंटर ठीक है दिस इज द जियोमेट्रिक सेंटर जियोमेट्रिक सेंटर का मतलब समझ रहे हो जियोमेट्रिक सेंटर का मतलब ये है कि अगर ये वाले डिस्टेंस को मैं यहाँ पर एक्स ले लूँ तो मैं ये वाले डिस्टेंस को भी एक्स ले सकती हूँ अब मैं तुमसे ये पूछूं कि जो सेंटर ऑफ मास है इस बैट का कहां पर लाई करेगा जियोमेट्रिक सेंटर के ऊपर ही लाई करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा या फिर राइट हैंड साइड पे लाई करेगा तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें सोचना है कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट द मोमेंट ऑफ मास विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड तो मान लो अभी अगर मैं मान के चलती हूँ कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करता है मान के चलती हूँ तो यहाँ पर मास ज्यादा है यहाँ पर मास कम है लेकिन डिस्टेंस यहां पर यहाँ पर दोनों जगह सेम है सो so, वो हो ही नहीं सकता तो आई केन सेलवेज लाई टूवर्ड्स दी हेवियर मास मास तो ये heavier mass है ये लाइटर मास है इसीलिए जो सेंटर ऑफ मास है मास के lie करेगा तो आई कैन से सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा सो so, ये चीज तुम लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि, कि किस तरीके से जो सेंटर ऑफ मास है हमेशा हेवियर मास के अबाउट क्या करता है लाई करता है अब मैं चाहती हूँ इसी नॉलेज को तुम लोग अप्लाई करो यहाँ पे कि पहले तो मेरे पास डिस्क थी तो कोई हैवियर लाइटर मास नहीं था बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्क थी कि अगर मैं ये वाली लाइन की बात करूं तो जैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है राइट हैंड साइड पे अगर मैं ये वाली लाइन की बात करूं तो जैसे मास का ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है उतना वैसे ही मास का नीचे डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल तमीज से बीच में लाई कर रहा था अब मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया ना

अभी आई विल नॉट यूज एनी बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज बेसिक्स बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट अप्लाई करना चाहूंगी कि मेरे पास मैं ये क्यों नहीं बोल सकती कि मेरे पास एक पिंक डिस्क है मेरे पास एक पिंक डिस्क है जिसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं या फिर जिसके दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट है मेरे पास कट डिस्क जो राइट हैंड साइड पे लाइक कर रहा है राइट हैंड साइड पे कहा किसके अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट और एक है मेरे पास रिमेनिंग डिस्क रिमेनिंग डिस्क क्या कर रही है रिमेनिंग डिस्क बच्चों लाई कर रही है टूअर्ड्स देंड साइड ऑफ पॉइंट ओ तो मैं क्यों नहीं बोल सकती की अगर दोनों मिलकर पिंक डिस्क बना रहे हैं और पिंक डिस्क का सेंटर ऑफ मास ओ है दैन मोमेंट ऑफ मासस विल बी बैलेंस्ड अबाउट ओ पॉइंट Why can I not say this? अभी मैंने तुम पढ़ाया है कि दो पार्टिकल थे remember, दो पार्टिकल्स थे और हमें सेंटर ऑफ मास निकालना था तो हमने क्या किया एक रैंडम पॉइंट लिया उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस बैलेंस कर दिए अब यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि यहाँ पर ये यह जो मेरे पास रिमेनिंग डिस्क है ये और जो कट डिस्क है ये मिलकर ये सिस्टम बना रही है जिसका सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी लाई कर रहा है तो अगर मैं कट डिस्क और रिमेनिंग डिस्क को इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करूं तो उनका सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट के अबाउट लाइक कर रहा है ना तो आई कैन बैलेंस दी मोमेंट ऑफ अबाउट पॉइंट ओ देखो दिस इज देंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम तुम समझ पा रहे हो यहां पर सिस्टम का पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास लाइक कर रहा है तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बोलूंगी कि जितना मोमेंट ऑफ मास लेफ्ट हैंड साइड पे है ड्यू टू द रिमेनिंग डिस्क देखना जितना मोमेंट ऑफ मास लेफ्ट हैंड साइड पे है ड्यू टू द रिमेनिंग डिस्क उतना ही मोमेंट ऑफ मास राइट हैंड साइड पे है ड्यू टू ये वाली वैल्यू आ गई कोशिश कर रहा दिस शुड मेक सेंस कि ये जो तुम्हारे पास पूरी की पूरी पिंक डिस्क है दिस इज योर इंटायर बॉडी इसका सेंटर ऑफ मास लाइक कर रहा है यहां पर ठीक है अभी ये जो मेरे पास कट ये जो मेरे पास कट डिस्क है ठीक है कट डिस्क है उस तो जैसे मैंने तुम्हें बोला था यहाँ पर कंसेप्ट समझाया था कि अगर तुम बॉडीज को रिप्लेस करना चाहते हो तो बॉडीज को रिप्लेस करते उनके सेंटर ऑफ मास से तो अभी ये जो मेरे पास ग्रीन डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर लाइक कर रहा है ना तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी ये वाले पार्टिकल से दैट यहाँ पर मास ऑफ द कट डिस्क लाइक कर रहा है कितने डिस्टेंस के ऊपर लाइक कर रहा है आर के डिस्टेंस के ऊपर लाइक कर रहा है उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क कितने डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा यही वाली वैल्यू तुम लोग को निकालनी है हो गया, हो गया, एक बार सा तो जितना मोमेंट ऑफ मास है लेफ्ट हैंड साइड पे ड्यू टू मास ऑफ द रिमेनिंग लोकेटेड एट अ डिस्टेंस एक्स उतना ही मोमेंट ऑफ मास है राइट हैंड साइड पे मास ऑफ अ डिस्टेंस आर है ना? तो मेरे पास आया ना मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ द कट डिस्क मल्टीप्लाइड बाय आर आर तो ये तुम देखो नो no इस तरीके से देखो कहा है कहा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में वेर आर दमूलाज देर आर नो फॉर्मूलाज सिर्फ इतना है एग्जैक्टली माई पॉइंट अभी मेरे पास मासज नहीं है ठीक है अभी यहाँ पर दुविधा क्या क्या हुई है ना ये तो ठीक है कि मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क

एरियल डेंसिटी को मान लो बच्चों में यहाँ पर रो रखती हूँ ना तो आई कैन से uh, सॉरी सिग्मा रखती हूँ दिस कैन इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द रिंग डिस्क उसी तरीके से आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस्क ये निकाल सकते हो ये मत बोल रहे ना ये निकाल सकते हो तुम लोग तो तुम्हारे पास आ गया एरिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कट डिस्क मल्टीप्लाइड बाई आर विल डू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस और तुम्हें पता लगेगा कि कैसे ये क्वेश्चन को मजाक नहीं कर दी ये वाले क्वेश्चन को गिन के बीस से तीस सेकेंड में सॉल्व किया जा सकता है तो अभी एरिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क एरिया ऑफ द कट डिस्क निकालते हैं आ जाओ सबसे पहले फुल डिस्क की बात करते हैं तो फुल डिस्क का रेडियस कितना था टू आर एरिया आ गया तुम्हारे पास पाई टू आर का स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई फोर पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द कट डिस्क की बात करूं तो कट डिस्क का रेडियस कितना है कट डिस्क का रेडियस है आर तो यहाँ पर आ गया पाई आर का स्क्वायर तो फुल डिस्क है फोर पाई आर स्क्वायर की कट डिस्क है पाई आर स्क्वायर की तो रिमेनिंग डिस्क का एरिया कितना आ गया थ्री पाई आर स्क्वायर तो अभी चिपकाओ भाई ये जो remaining disk का एरिया है यहां पर चिपकाइए और ये जो तुम्हारे पास कट डिस्क का एरिया हैल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एक्स की वैल्यू आ गई आर बाई थ्री एक और क्वेश्चन और फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा देखिए हो गया ना ये तो हो गया ना ये तो सोल्व तो मैं ये बोल रही हूं, का अभी तो दो पार्टिकल थे तुमने एक पार्टिकल को खिसकाया सेंटर ऑफ मास ने शिफ्ट हो रहा है तो दूसरे पार्टिकल को कैसे खिसकाना पड़ेगा या फिर तुमने एक पार्टिकल को खिसकाया दूसरे पार्टिकल को कैसे खिसकाओ सच दैट तुम एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास के अंदर uh, शिफ्ट देख पाओ तो अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे लेकिन वो सब कुछ बेस्ड होगा मोमेंट ऑफ मास के कंसेप्ट के ऊपर तो बिल्कुल आराम से क्लास को अटेंड करो बच्चों टाइम बिल्कुल जैसे क्लास खत्म हो जाती है टाइम स्टैम्प ऐड कर दूंगी क्लास पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा लेट लेटस डू वन मोर क्वेश्चन ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आए अब की बारे में क्या करती हूँ ना बच्चों तो कलर्स uh, को वही रखती हूँ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन ये मेरे पास डिस्क है ठीक है ये मेरे पास बच्चों पूरी की पूरी डिस्क है और मैंने इसके रेडियस को अब की बार देखो क्या लिया मैंने अब इसके रेडियस को ले लिया थ्री आर समझे ये वाला जो रेडियस है ये मैंने थ्री आर ले लिया और अब मैंने इसके अंदर से एक डिस्क कट की वो देखो डिस्क कैसे कट की वो मैंने डिस्क कट की कुछ इस तरीके से मेरी डिस्क <laughs> रुको आ, रुको बच्चों ये आ, कभी कभी डिस्क कट करने में दिक्कत हो जाती है ठीक है तो ये है बच्चों मेरी डिस्क मैंने इस तरीके से डिस्क कट की इसके रेडियस की वैल्यू है आर अब तुमसे ये पूछा हुआ है कि ये जो तुम्हारे पास रिमेनिंग डिस्क है ये रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर लाइक कर रहा है इफ दिस इज ओ पॉइंट ये तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मैं रिमेनिंग डिस्क की बात करूं तो मान लो यहां पर लाइक करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क तो ये वाले डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ये पूछा हुआ है तो अभी अगेन बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे कि मैं यहाँ पर सिस्टम को कंसिडर करना चाहूंगी मेरा सिस्टम फुल डिस्क है और फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास लाइक कर है ओके ऊपर तो ये है मेरे पास पूरा का पूरा सिस्टम अभी सिस्टम के अंदर दो बॉडीज है एक है रिमेनिंग डिस्क एक है कट डिस्क डिस्क रिमेनिंग के सेंटर ऑफ मास को मैं उसके पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लूंगी कट डिस्क के सेंटर ऑफ मास को मैं उसके पार्टिकल की तरह ट्रीट कर, कर लूंगी तो अभी अगर मान लो मैं कट डिस्क की बात करूं तो कट डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करता है ना तो आई कैन से कट डिस्क के मास को मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगी एम सी अभी कितने डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है जरा सा देखो ये लोकेटेड है इस तरीके से टू आर के डिस्टेंस के ऊपर तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना आ गया टू आर अभी बच्चों अगर मैं कट रिमेनिंग डिस्क की बात करूं तो रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास लाइक कर रहा है यहां पर तो मैं रिमेनिंग डिस्क के मास को यहां पर कंसिडर करूंगी ये कितने डिस्टेंस के ऊपर लाइक रहा है वही वाली वैल्यू तो मैंने कहा नहीं है तो दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मेक इट सुपर इजी देखो तुम्हारे तुम्हें सॉल्व करने में भी मजा आना चाहिए रोटेशन मकैनिक्स बुली चैप्टर है लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड इट इट इज लाइक कि दिस इज एनी विच इज वेरी डार्क बट वेरी प्रोफाउंड उस तरीके से ठीक है तो तुम अब बोल दो दो कि इस सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं एक रिमेनिंग एक कट तो ओ uh, पॉइंट पे उनका सेंटर ऑफ मास लाइक कर रहा है तो आई विल सिंपली बैलेंस देंट दी मोमेंट ऑफ मास मैं बोल दूंगी की जितना मोमेंट ऑफ मास है ड्यू टू द रिमेनिंग डिस्क उतना ही मोमेंट ऑफ मास होगा ड्यू टू दी कट डिस्क तो तुम्हारे पास आया मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क मल्टीप्लाइड 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 बाई टू आर अभी निकालिए अब इसको बच्चों सॉल्व करो देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ द फुल डिस्क वैल्यू आ गई पाई थ्री आर का स्क्वायर वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई नाइन पाई आर स्क्वायर

फिजिक्स थोड़ा सा पेशेंस मांगता है द रीजन बींग मान लो बायो में या केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स में कैसे होता है इफ यू हैव वन स्लाइड तो इट विल बी लाइक कि क्या ये वाली स्लाइड का क्लियर है अगर ये वाली स्लाइड का क्लियर है तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं मैं फिजिक्स में किसी भी चैप्टर के लिए मैं ये नहीं बोल पाऊंगी आई आई कैन सिंपली आस्क यू कि जो कंसेप्ट अभी हम लोग पिछले आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं क्या वो पहले से ज्यादा क्लियर है तो वो पहले से ज्यादा क्लियर होना चाहिए आगे तुम लोगों को देखो ना आगे और भी क्वेश्चन है जितने क्वेश्चन उतनी क्लैरिटी ऐसे थोड़ी चार घंटे लग गए तुम देखो साढ़े बजे से मैं लगी थी साढ़े बजे तुम्हारी क्लास शुरू हुई है तो चार घंटे क्लास से पहले चार घंटे की मान लो अगर तीन और आधे घंटे भी लेके चलती हूँ ये इतनी लंबी क्लास तो उतना जाता है तुम्हारी एक चैप्टर की कवरेज के लिए ऐसे नहीं मैं प्राइड लेती अपने वर्क के ऊपर इतना काम जा रहा है एक चैप्टर की कवरेज के ऊपर सो यू कैन ब्लाइंडली रिलाई ऑन दीज क्लासेस एवरी थिंग इज टेकन इन अकाउंट नीट का बच्चा है क्रैक करना चाहता है इतने दिन रहते हैं सिर्फ इतना टाइम दे पाएगा कितना करवा सकती है तू तमन्ना समझे अभी इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते करते लेट इस टॉक अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी साइनर्जी ना तो यू कैन से सेंटर ऑफ मास इज अ बॉडी विच इज एन इक्विलिब्रियम समझे सेंटर ऑफ मास को रिलेट करना इट ये कोई लॉजिकल बात नहीं है बट फिजिक्स है प्यारी है हम हमेशा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप निकाल सकते हैं जब हमारे पास इतने फोर्सेस हैं उनको मैं अगर चार कैटेगरी कर सकती हूँ तो यहाँ पर भी क्यों नहीं ठीक है तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ बॉडी जो इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी के ऊपर फोर्सेज नहीं लग रहे हैं इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का नेट फोर्स नहीं लगेगा इसी बात पर वीडियो को लाइक करेंगे है ना वही चीज यहां पर है कि मान लो अगर

उसी तरीके से बच्चों ये आ गए तुम्हारे पास एम टू बॉडी अब ये वाला जो डिस्टेंस है समझने की कोशिश करना ये वाला जो डिस्टेंस है उसको जरा सा लीजिए ये वाले डिस्टेंस को जरा सा लीजिए तो अभी तक बिल्कुल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अभी तक कोई बांधा नहीं है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस बैलेंस हो रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक तो भाई एम टू एक्स टू इज इक्वल टू एम वन एक्स वन सारे के सारे मासेस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस हो गए लेकिन बच्चों मान लो अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है एंड इट इज शिफ्टिंग बाई अ डिस्टेंस ऑफ एक्स या फिर मान लो मैं तुम्हें ये बोलती हूँ कि इसको मैंने इस डायरेक्शन में खिसका दिया बाई डिस्टेंस ऑफ एक्स अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ वट इज शिफ्ट इन देंटर ऑफ मास ठीक है मैंने m1 को भी uh, मैंने m1 को बिल्कुल रेस्ट के ऊपर रखा मैंने m1 को नहीं खिसकाया ठीक है थोड़ा समझ आएगा ये वाली स्लाइड से ये दो क्वेश्चन करा दूंगी तभी क्रिस्पी क्रिस्पी, क्रिस्पी क्लियर हो जाएगा ठीक है तो मैंने एम वन को एज इट इज रखा मैंने एम टू को शिफ्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है इट इज लाइक कि तुमने राइट हैंड साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोर्स लगाया था वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है राइट हैंड साइड पे अब तुम लोगों ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है अब जो मोशन आएगा इट विल नॉट बी ड्यू टू द राइट हैंड साइड पे जो तुमने फोर्स लगाया है इट विल बी ड्यू टू राइट हैंड साइड पे अभी तुम लोगों ने कितना ज्यादा फोर्स लगाया है प्लीज समझने की कोशिश करो मान लो ये तुम्हारे पास बॉडी है ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है ठीक है तो यहां पर इस तरीके से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मान लो दो न्यूटन का इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा था दो न्यूटन का अब तुम लोगों ने खाली फोकट का क्या किया ना यहाँ पर और एक न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो अब जो नेट एक्सीलरेशन आएगा तीन न्यूटन की वजह से नहीं आएगा नेट एक्सिलरेशन ये वाले फोर्स की वजह से आएगा विच इज वन न्यूटन यही चीज मैं यहाँ पर भी बोलना चाहती हूँ कि m1 को मैंने नहीं छेड़ा तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा मैंने छेड़ा m2 को और m2 को मैंने राइट हैंड साइड पे छेड़ा जिसकी वजह से अब सेंटर ऑफ मास राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं बोल सकती कि जो मोमेंट ऑफ मास इंक्रीज हुआ है ऑफ द बॉडी ऑन द राइट हैंड साइड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सम ऑफ मासस जो इंक्रीज़ हो रहा है ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द राइट हैंड साइड अभी तक मैं सिर्फ मोमेंट ऑफ मास की बात कर रही थी अब मैं इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ मास की बात कर रही हूँ अभी तक यही मैं गुणगान कर रही अभी तक मैं यही प्रचार कर रही थी ना कि जो मोमेंट ऑफ मास बॉडी का होता है किसी भी लाइन के अबाउट इट इज गोइंग टू बी गिवन बाई समिजुअल पार्टिकल्स नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग कितना शिफ्ट आ रहा है राइट हैंड साइड पे इन द मोमेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इट इज गोइंग टू बी गिवन बाई समी इंक्रीज इन द मोमेंट ऑफ मास ऑन द राइट हैंड साइड ड्यू टू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स जैसे कि यहाँ पर अभी अगर मान लो मैं बॉडी uh, के मोमेंट ऑफ मास के इंक्रीज की बात करूँ तो मास तो है एम वन प्लस एम टू मान लो वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो रहा है बाई अ डिस्टेंस ऑफ वाई सो दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाई मोमेंट ऑफ मासेस कितने शिफ्ट हुए हैं राइट हैंड साइड पर ड्यू टू दार्टिकल्स तो एम वन की वजह से तो कोई शिफ्टिंग यहाँ पर आई नहीं है एम टू की वजह से शिफ्टिंग आई है और वो शिफ्टिंग आई है एक्स के डिस्टेंस के तो so, यहाँ पर तुम लोग वाई की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज इक्वल टू एम टू एक्स डिड बाई एम वन प्लस मत दिस इज अ कंक्लूजन कंक्लूजन ऐसे चेंज कर सकते हो इफ आई चेंज दिचुएशन सो यहाँ पर वाई हमें क्या देगा शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास सुनते जाओ जितने क्वेश्चन उतनी क्लैरिटी लेट अस डू टू क्वेश्चंस इन दो क्वेश्चन से देखो कितना ज्यादा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन यहां पर यह छह के जी आठ के जी का एक सिस्टम है उनका सेंटर ऑफ मास यहां पर बीच में कहीं पर लाइक कर रहा है अब यहां पर क्वेश्चन पढ़ना क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है आठ के जी को तुमने शिफ्ट कर दिया बच्चों दो मीटर से ये देखो आठ के जी में तुम लोग शिफ्टिंग ले दो मीटर से तो तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है बाई वॉट डिस्टेंस सिक्स के जी मास मस्ट बी मूव्ड सच दैट दी सेंटर ऑफ मास रिमेन एट द सेम स्पॉट सो इट इज लाइक ये वाली सिचुएशन ऑल ओवर अगेन कहाँ गई सिचुएशन कहाँ गई मेरी <laughs> मेरी सिचुएशन खो गई है नेट फोर्सेस वगैरह बनाए थे वो मैंने निकाल दिए क्या? Anyway, तो इट इज लाइक तुम्हारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम में तुम्हारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी तो इक्विलिब्रियम में क्यों है क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड है है अब तुमसे बोला हुआ कि अगर तुम राइट हैंड साइड में न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि बॉडी अब भी इक्विलिब्रियम में रहे तो तुम क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे छह न्यूटन का फोर्स लगा दोगे तो आई कैन से मान लो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं कराना चाहती हूँ दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द मैन प्लांट प्रॉब्लम अगर मैं चाहती हूँ कि सेंटर ऑफ मास सेम स्पॉट के ऊपर रहे तो मैं जितना मोमेंट ऑफ मास बढ़ा रही हूँ ऑन द राइट हैंड साइड मुझे उतना ही बच्चों ऑफ मास बढ़ाना पड़ेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने जो मोमेंट ऑफ मास राइट हैंड साइड पे बढ़ाया है कैसे बढ़ाया है मैंने आठ के जी के मास को शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड पे दो मीटर के डिस्टेंस से तो अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में छ के जी की बॉडी को शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ सर्टेन डिस्टेंस है तो इस x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई सोलह बाय मीटर मतलब मुझे इसको शिफ्ट कर, करना पड़ेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय एट बाय थ्री मीटर विच गिव्स अस द आंसर तो तीन बातें मोमेंट ऑफ मासेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड अबाउट द सेंटर ऑफ मास इसका मतलब जितना मोमेंट ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक डायरेक्शन में है उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगा दूसरी मोमेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी मोमेंट ऑफ मासेज ऑफ ऑल पार्टिकल तीसरी बात शिफ्ट इन मोमेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी इन डायरेक्शन इट इज गोइंग टू बी गिवेन बाय एडिंग द मोमेंट ऑफ मास इंक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स अब एक बार जरा सा देखिए ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पर यह है आठ के की बॉडी को तुमने दो मीटर से शिफ्ट किया अब तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है बाय व्हाट डिस्टेंस सिक्स के जी मास मस्ट बी मूव ताकि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाए राइट हैंड साइड पर बाय वन मीटर तो मैं यहां पर नहीं बोल सकती कि मैं बॉडी के सेंटर ऑफ मास को एक मीटर से शिफ्ट करना चाहती हूँ तो आई कैन से कि मैं जितना मोमेंट ऑफ मास में इंक्रीज लेके आ रही हूं ऑफ द बॉडी ऑन दी राइट हैंड साइड इट इज गोइंग टू बी गिवेन बाय मुझे मोमेंट ऑफ मास कितना बढ़ाना पड़ेगा पहली वाली बॉडी का ऑन द राइट हैंड साइड प्लस मैं मोमेंट ऑफ मास कितना बढ़ा रही हूँ दूसरी वाली बॉडी का ऑन द राइट हैंड साइड अभी मैं इसको और लाइक like, कैसे एक्सप्लेन करू मुझे बताओ इफ ऑल ऑफ यू हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन ये देखिए बस तो मैंने बॉडी का मोमेंट ऑफ मास मैं राइट हैंड साइड पे बढ़ा रही हूँ देखो आठ और छह चौदह के की बॉडी है चौदह के जी की बॉडी के सेंटर ऑफ मास को में शिफ्ट करना चाहती हूँ एक मीटर से तो उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन जाएगा 8 का कंट्रीब्यूशन गया है जब मैंने उसको दो के डिस्टेंस से जी का कंट्रीब्यूशन जाएगा जब मैं उसको एक्स के डिस्टेंस से खिसकाऊंगी आ गई एक्स की वैल्यू देखो x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास बच्चों 14 माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई माइनस वन बाई थ्री मीटर मतलब इसका मतलब क्या इसका मतलब तुम्हें इसको ये वाली डायरेक्शन में वन बाई थ्री मीटर से खिसकाना पड़ेगा एक बार जरा सा देखिए इज दिस थिंग क्लियर बच्चों कैसे ये वाले क्वेश्चन किए जाते हैं किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वील डू वन मोर वील डू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो, तो ये वाला माइनस में आया ना

तुमने इसको खिसका दिया यहां पर इस तरीके से दस मीटर से तुमने इसको खिसका दिया यहां पर इस तरीके से दो मीटर से अब तुमसे यहां पर ये यह पूछा जा रहा है वॉट इज शिफ्ट इन देंटर ऑफ मास द शिफ्ट इन देंटर ऑफ मास तो इस चैप्टर को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ एक सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड दूसरा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड तीसरा जिसमें मोशन आ जाता है तो ये हमारा पहला वन बाई थर्ड पोर्शन है सेंटर ऑफ मास वाला देखो व्हाट इज द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास तो मैं बोलूंगी ना कि शिफ्ट इन दी तो अगर जो मोमेंट ऑफ मास इंक्रीज आएगा ऑफ द बॉडी इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द सम ऑफ कितना मैं मोमेंट ऑफ मास को बढ़ा रही हूँ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ठीक है तो मोमेंट ऑफ मास जो मैं बढ़ा रही हूं बॉडी का इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास ऑफ बॉडी थ्री प्लस टू के जी ठीक है थ्री प्लस टू के जी मल्टीप्लाइड बाय कितने डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ मास बढ़ रहा है नाउ दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय कितना तुम मोमेंट ऑफ मास में इंक्रीज कर रहे हो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मैंने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो तीन के जी का मोमेंट ऑफ मास बढ़ाया दस मीटर से शिफ्ट करके फिर दो के जी का मोमेंट ऑफ मास बढ़ाया दो मीटर से शिफ्ट करके लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पास फाइव एक्स की वैल्यू तुम्हारे तो पास कितनी आ गई इट गिव्स यू थर्टी इट गिव्स यू गिवस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी थर्टी फोर नहीं, नहीं आएगा ना इन्हीं सब चीजों पर तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो विच इज वाई ये क्वेश्चन मैं सारी क्लास में करवा रही हूँ क्योंकि बुली चैप्टर है यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट नोइंग विल नॉट लीड यू टू एनी लीड यू एनी वेर इसलिए क्वेश्चन बैठ के तुम्हें क्लास में करवा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है पॉजिटिव नेगेटिव में तुम उलझोगे तुम तुमने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो वी आर बेसिकली जितना भी हम सॉल्व करें ये वाली डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं ठीक है तीन के जी का मोमेंट ऑफ मास बढ़ा है इस डायरेक्शन में कितने मैग्नेट्यूड से थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन से दो के जी से भी मोमेंट ऑफ मास में इंक्रीज आए राइट हैंड साइड पर नहीं आया चार का चेंज आए राइट हैंड साइड पर नहीं आया नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड पर आए तो नेगेटिव में गया अब तुम लोग यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास ट्वेंटी सिक्स बाय फाइव मीटर अब देखे, देखते जाओ तुम्हारे मान लगेंगे अब यहाँ पर क्या है ना ये है तुम्हारे पास मैन ये है तुम्हारे पास plank, बैठा है इस सिस्टम को कंसिडर करूं तो एक तो इस सिस्टम के अंदर मैन है दूसरा उस सिस्टम के अंदर प्लांक है तो अगर मैन प्लांक के ऊपर मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम नहीं शिफ्ट होगा It is like कि जैसे कि तुम लोगों ने ये वाला question देखा केजी के भी body move करी, केजी के भी body move करी, करी, नहीं नहीं हुआ, हुआ? हुआ, क्यों नहीं shift हुआ? इसलिए नहीं shift हुआ, क्योंकि केजी की body ने जितना राइट हैंड साइड पे मोमेंट ऑफ मास बढ़ाया ये छ के की बॉडी ने उतना ही मोमेंट ऑफ मास लेफ्ट हैंड साइड पे भी बढ़ा दिया तो जैसे यहाँ पर सिस्टम था आठ के और छ के का ना बच्चों यहाँ पर सिस्टम है मैन और प्लैंक का तो जब मैन प्लैंक के ऊपर मूव करेगा वो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की वजह से मूव करेगा इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास कभी नहीं एक्सिलरेट होता तो सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे था वो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा नहीं प्लैन असच है मैन असच है दोनों में से कोई नहीं मूव कर रहा सेंटर ऑफ मास है रेस्ट के ऊपर अब मैन मूव करने लगा तो ऑब्वियस सी बात है अब मैन मूव करने लगा प्लैंक भी मूव करेगा

लेफ्ट हैंड साइड एक बार देखिए है ना इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आती यार तुम समझो मतलब मान लो मैं गैस मॉलिक्यूल की बात करूं तो गैस मॉलिक्यूल अगर बीकर के बीकर से टकराता है वॉल ऑफ द बीकर से टकराता है ठीक है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा बीकर मूव नहीं करने लग जाता ना तुम्हारा जो बीकर प्लस गैस का सिस्टम है वो मूव नहीं करने लग जाता यहाँ पर तुम्हारे पास एक प्लांक है एक मैन है

तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा इसका मतलब जितना मोमेंट ऑफ मास बढ़ा है एक डायरेक्शन में तुमने उतना ही मोमेंट ऑफ मास बढ़ा दिए ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो अब जरा सा देखते हैं कि राइट हैंड साइड में मोमेंट ऑफ मास क्यों इंक्रीज कर रहा है तो राइट हैंड साइड में मोमेंट ऑफ मास इंक्रीज कर रहा है सिर्फ मैन की वजह से क्योंकि ये हमारा दो के का मैन है जो इस तरीके से दस मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर आ चुका है है ना लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है प्लैंक प्लैंक के ऊपर है मैन तो मैन भी तो जाएगा बताओ अगर मान लो तुम बस में आगे चल रहे हो लेकिन बस पीछे चल रही है तेजी से तुम मतलब तुम मतलब आगे जा रहे हो दो मीटर पर सेकेंड से बस के ऊपर बस ग्राउंड के परस्पेक्टिव से पीछे जा रही है दस मीटर पर सेकेंड से तो ग्राउंड के परस्पेक्टिव से तुम्हारा मोशन पीछे की डायरेक्शन में आठ मीटर पर सेकेंड हो गया ना तो यहाँ पर मैन आगे मूव कर रहा है नो डाउट लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के मोशन की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड मोशन प्लांक का है प्लांक के ऊपर मैन भी है तो आई कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मास जाता है इट इज मास ऑफ द मैन प्लस मास ऑफ द द्लांक कितने डिस्टेंस से जाता है वही तो मैं निकालना आ गया आंसर ये देखो आ गया आंसर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी बाई सिक्सटीन मीटर वेर आर द फॉर्मूलास प्लीज लेट मी नो वेर आर द फॉर्मुलाज गाइज मैं यहाँ पर नेगेटिव थोड़ी लेके आऊंगी देखो तुम फिर गलती कर रहे हो कभी भी हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो सिर्फ सीधा लेफ्ट और राइट की बात करो अगर तुम नेट फोर्स निकाल रहे हो जैसे हम लोग यहाँ पर नेट मोमेंट ऑफ मास निकाल रहे थे वो वाले केस में फिर भी पॉजिटिव नेगेटिव लाने की जरूरत है यहाँ पर मैं क्यों पॉजिटिव नेगेटिव लेके आऊंगी मैं सीधा सीधा बोलूंगी जितना मोमेंट ऑफ मास बढ़ा है राइट हैंड साइड पे उसका मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू कितना मोमेंट ऑफ मास इंक्रीज हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे उसका मैग्नीट्यूड एक और क्वेश्चन और देखो क्लियर हो जाएगा एक और क्वेश्चन ये मेरे पास मास मैन था एक के का प्लंक के ऊपर मूव किया बाय डिस्टेंस ऑफ टेन मीटर प्लंक का मास है इतना तो प्लंक पीछे कितने डिस्टेंस से मूव करेगा वो तुमसे पूछा हुआ है एक बार जरा सा देखिए वो तुमसे यहाँ पर पूछा हुआ है मैम टू आएगा कहाँ पर नहीं आएगा टू कहाँ पर टू आएगा दी सिक्सटीन नहीं टेन होगा कहाँ की बात कर रहे हो ओ

आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कंसेप्ट हेयर एज वेल और मैं पिछले अभी देख लो एक घंटे में वन बाय थर्ड पोर्शन हमारा चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रोटेशन मैकेनिक्स सेकेंड पार्ट जिसमें मोमेंट ऑफ एनर्जी या आंग्लर मोमेंटम टॉर्क आता है ठीक है आ जाओ तो मेरे पास सिस्टम है मैन और प्लान का इनिशियली दोनों नहीं मूव करे इनिशियली दोनों नहीं मूव करे तो आई कैन से दैट इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो ठीक है अभी किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा अगर दोनों मूव कर रहे हैं मैन मूव कर रहा है या प्लांक मूव कर रहा है वो इन दोनों की, uh, you know, की के यू नो एक्शन रिएक्शन पेर की वजह से सिस्टम के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा और अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा और इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो थी तो फाइनल वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की जीरो होगी अभी बच्चों इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट कितने न्यूमेरिकल कर लिए हम लोगों ने इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट तो अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा तो आई कैन से कि तुमने जितना मोमेंट ऑफ मास बढ़ा दिया है राइट हैंड साइड पे बी ए डार्लिंग एंड ऑल्सो इंक्रीज द मोमेंट ऑफ मास बाई दैग्नेट्यूड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड का तो सॉर्टेड है राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही इंसान मूव कर रहा है जो कि एक्चुअली में इंसान है हमारा ह्यूमन है तो हमारा ह्यूमन है एक के का राइट हैंड साइड पे पे मूव किया ये दस मीटर से राइट हैंड साइड पे देखो एक के का मेरे पास ह्यूमन बीइंग था और ये मूव कर गया दस मीटर से लेफ्ट हैंड साइड पे प्लांक गया तो अभी प्लांक लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है तो हमारा जो मैन है वो भी तो प्लांक के ऊपर ही है ना तो उसके अंदर भी आएगा लेफ्ट हैंड साइड का मोशन जेन्य नहीं है ये कि इंसान ये जो है आगे की डायरेक्शन में जा रहा है ड्यू टू इट्स ड्यू टू द मोशन जो उसकी मसल्स की वजह से है लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है क्योंकि प्लांक के ऊपर है और प्लांक पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है तो अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है वो हमारा मैन भी है और वो हमारा प्लांक भी है कितने डिस्टेंस से जा रहा है ये तुम लोगों ने निकाल लिया दोबारा से दो मीटर हो गए फॉर्मूलास खत्म बच्चों एक बार जरा सा देख लीजिए आई एम होपिंग अभी रिपीटेशन से जितने भी कन्फ्यूजन थे वो कंफ्यूजन uh, थे वो तुम्हारे क्लियर हो चुके इसके ऊपर आई कैन टेक वन मोर क्वेश्चन तुम लोग भी क्या ही याद रखोगे कि हमारी टीचर थी सच में मतलब इतना ही प्यार कर देती थी अभी देखो मानो यहाँ पर इंसान पूरा का पूरा डिस्टेंस नहीं चलता है ये दस मीटर की जगह सिर्फ छह मीटर चलता है और अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि बताओ भाई कि जो हमारा प्लांक है कितने डिस्टेंस के साथ शिफ्ट होगा तो दोबारा से लिखो सिस्टम हमारा मैन और प्लैंक का है Initially, दोनों रेस्ट के ऊपर कोई कोई नहीं 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 लगा, में आया, की थी तो final भी तो center of mass shift नहीं होगा. तो भी होगा, जितना moment of mass increase हुआ है राइट हैंड साइड पे उतना ही मोमेंट ऑफ मास इंक्रीज होगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो अभी जो राइट हैंड साइड पे जो मोमेंट ऑफ मास इंक्रीज हुआ है उसमें हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन है इस ह्यूमन बीइंग का है ह्यूमन बीइंग है हमारा एक के का ये move किया हैंड right साइड पे तो तो पर बार multiplication में आया left hand side की बात गया पे गया तो ये जो हमारा इसके ऊपर मास था हमारा ह्यूमन बीइंग था उसका भी तो मोशन आया ना लेफ्ट हैंड साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास मूव किया है इट इज वन प्लस फोर कितने डिस्टेंस से मूव किया है निकालो एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स बाई फाइव मीटर आई एम होपिंग नाउ दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ईच वन ऑफ यू देखो कितने न्यूमारिकल हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ठीक है एक दो रुको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए हॉली हॉली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो ये बताइनर्जी सेकेंड पोर्शन टोटल थ्री पोर्शन मैंने तुम्हें अभी बताया चैप्टर को कैटेगराइज किया जा सकता है वन बाय थर्ड पोर्शन अभी खत्म होने वाला है बस थोड़ी सी साइनर्जी देख लो क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं देखो साइनर्जी कैसे देख लो ना कि जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ कि एक्स सीओ एम इज इक्वल टू मान लो इट कैन बी रिटर्न टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू मानते हो ना बच्चों क्या बात है तुम्हारा रिएक्शन देख के मजा आया बाकी मैं काफी फोकस्ड हूँ तो कमेंट सेक्शन पे मेरा ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है ठीक है तो ये देख लो ये दिस इज समथिंग जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए है

ये मेरे पास दो के की बॉडी है ये दो के की बॉडी आ रही है मस्त छ मीटर पर सेकेंड से ऐसे मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो ये बिल्कुल वो बात है अगर मोमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे किसी एक पॉइंट के ऊपर बैलेंस हो रहे हैं वही है हमारा सेंटर ऑफ मास है तो यहां पर तुम लोग देख पा रहे हो जितना मोमेंटम राइट हैंड साइड पे है उतना ही मोमेंटम ऑफ लेफ्ट हैंड उतना ही मोमेंटम लेफ्ट हैंड साइड पे है तो कौन सा मोशन आ गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का नहीं मूव कर रहा सेंटर ऑफ मास देखो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एम वन मास आ गया तुम्हारे पास वेलोसिटी आ गई दो दूसरे के लिए मास आ गया तो दो लेकिन वेलोसिटी आ गई माइनस टोटल मास आ गया तुम्हारे पास आठ आ गया ना आंसर जीरो आ गया ना आंसर जीरो देखो अभी उसी तरीके से मान लो अगर एक क्वेश्चन में यहां पर भी इंपोज करूं तो बड़ी जेन्युइन मतलब ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चन क्लास में कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करेंगे

थोड़ा सा सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ जीरो ना देखो इट विल बी जीरो और नॉट मेरे पास दो मास हैं, दोनों का जो मोशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जीरो होगा कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दो जीरो होगा <laughs> इसीलिए तो क्वेश्चन करा रही हूँ जानती नहीं हूँ कि मैं तुम्हें क्या बोलती हूँ मान के चलो मैं तुम्हारे दिमाग में बैठी हूँ इट विल नॉट बी जीरो नो ट विल नॉट बी जीरो वी आर टॉकिंग अबाउट दी एक्सिलेशन ऑफ देंटर ऑफ मास मान लो अगर ये ग्राविटी के अंडर मूव कर रहे हैं तो तुम समझो ना इसका जो एक्सीलेशन है वो भी जी नीचे की डायरेक्शन में है इसका एक्सिलरेशन भी जी नीचे की डायरेक्शन में तो दोनों पार्टिकल्स का सेम एक्सिलेशन है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायेर नीचे की डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास का भी जो एक्सेलरेशन होगा इट इज गोइंग टू बी जी नीचे की डायरेक्शन में इसीलिए तो ये क्वेश्चन कराया मैं क्या जानती नहीं हूँ एक बार जरा सा देखिए हम ऑफेंड हो गए होते तो अभी मैं क्या करूँगी इसमें है अगर ऐसे इतनी जल्दी ऑफेंड हो गए तो लाइक कर दो जरा सा इस वीडियो को आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तुम अजीब बात करते हो बॉडी ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो नीचे की डायरेक्शन में है ना तो दोनों बॉडीज का सेम ग्राविटेशन एक्सिलरेशन है जी नीचे की डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास का भी सेम ग्राविटेशन एक्सिलरेशन होगा जी नीचे के डायरेक्शन में ना कि जीरो ठीक है ये मुझे पता है ना ये इसीलिए साइड में ये वाला क्वेश्चन भी रखा था तो आई वॉज बेसिकली इंड्यूसिंग समथिंग दैट समी ऑलरेडी ऑलरेडी प्रोडिक्टेड इज गोइंग टू हैपन ठीक है आगे मूव करते हुए तो ये हो गया बच्चों हमारा वन बाय थर्ड पोर्शन खत्म सेंटर ऑफ मास खत्म वी हैव यूज्ड स्लाइड्स इन द लास्ट वन आर ठीक है अच्छा ये तो मेरा चैनल है क्या ये पेड प्रमोशन वगैरह ऐसा तो है नहीं मोनेटाइजेशन ऑन क्लास को शुरू करेंगे दो मिनट में और बताए अभी सेकंड पोर्शन शुरू होने वाले सेकंड पोर्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क है थर्ड पोर्शन में उनके एप्लीकेशंस क्वेश्चंस और रोलिंग मोशन रेडबुल साढ़े चार बजे से उठी हुई हूँ मैं इसी डेस्क के ऊपर बैठी हुई हूँ सो आई वुड इट फॉर चैप्टर्स लाइक रोटेशनल फिर तुम्हारा रे रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स भी आएगा अभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा अभी तो तोड़ देंगे ये चैप्टर्स हमें विंग्स कहाँ है विंग्स ठीक है तो वो मुझे रेडबुल से नहीं मिले वो मेरे पास खुद के पर पीछे लगे हुए हैं तो आई एम नॉट अलाउड टू शो ठीक है चलो आ जाओ बच्चों नाउ लेट स्टार्ट तो ये तो तुम्हारा पूरा सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट था पूरा शिफ्टिंग ऑफ देंटर ऑफ मास मासन विलोसिटी फलाना ढमकाना ठीक है अब हम लोग शुरू करते हैं रोटेशन मैकेनिक्स के क्रूशियल बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन क्वेश्चन बैंक मैं दोबारा बोल रही हूँ मैं तुम्हें लाइक आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट टर्म और नॉट बट आई स्टिल गो फॉरवर्ड एंड गैम्बल अराउंड मैं तुम्हें सिर्फ सहानुभूति दे रही हूँ बार बार ये चीज बोल के कि क्लास में कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन फिर बाद में सैटरडे सेट डाउन के कुछ क्वेश्चन फुल कप आ जाइए तो अभी मैं चाहती हूँ कि नाउ दैट वी नो वॉट एग्जैक्टली इज ए कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास अब मैं चाहूंगी कि तुम ट्रांसलेशन मकैनिक्स को रोटेशन मकैनिक्स से लिंक करो जैसे कि बच्चों ट्रांसलेशन मोशन में मास आता है ना क्योंकि ये जो स्लाइड है ये तुम्हें ये बताएगी कि आगे का जो डिस्कशन होने वाला है वो क्यों और किस ऑर्डर में होने वाला है ट्रांसलेशन मोशन में देखो मास आ जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स में मास नहीं आता यहाँ पर जिस क्वांटिटी को हम लोग लेते हैं जैसे मास को लेते हैं ट्रांसलेशन मैकेनिक्स में उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब बच्चे वापस आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में इंटरक्शन रखेंगे कोई भी बच्चा कैसी बात नहीं करेगा विच नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट रिलेटेड टू टॉपिक एक बार देख लीजिए जैसे मास आ गया ट्रांसलेशन मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रोटेशन मैकेनिक्स में जैसे बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी आ जाती है उसी तरीके से यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आती है देखिएगा यहाँ पर आगे बच्चों एंगुलर वेलोसिटी उसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है वेलोसिटी वेक्टर है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है उसी तरीके से जैसे यहाँ पर एक्सिलेशन आता है उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट कर देते हैं अल्फा के साथ ठीक है अब आगे देखना तो ये तो हमारी मेन मेन क्वांटिटीज थी जैसे यहाँ पर मोमेंटम बनता है व्हाट इज मोमेंटम मोमेंटम इज पी p क्या होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मोमेंटम इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी यहां पर बच्चों एंगुलर मोमेंटम बनता है ध्यान से देखिएगा यहां पर बनता है एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको मैंने आई में ले लिया वेलोसिटी की जगह आ गया एंगुलर वेलोसिटी सो so, एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से डिनोट किया जाता है एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी उसी तरीके से अभी अगर मैं फोर्स की बात करूं जैसे यहां पर फोर्स आता है उसको एफ से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू मास इन टू एक्सिलेशन नेट फोर्स विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिलेरेशन उसी तरीके से यहाँ पर एंगुलर फोर्स आता है जिसको टॉर्क बोला जाता है टाउ से डिनोट किया जाता है दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय द दर एक्सिलरेशन सो लाइक नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सिलरेशन ठीक है उसी तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फोर्स इज गोइंग टू बी गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम उसी तरीके से यहां पर बोला जाता है टॉर्क इज इज गोइंग गोइंग टू 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 बी बी द रेट रेट ऑफ 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 चेंज चेंज एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम इट इक्वल जैसे यहां पर होता है कि अगर बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है देन लीनियर मोमेंटम इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड उसी तरीके से बच्चा पार्टी यहाँ पर बोला जाता है कि अगर कि, आ, किसी बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी उसी तरीके से बच्चों लास्ट में जैसे हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ एम वी हम यहाँ पर रोटेशनल हैं विच इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर तो ये जो बच्चों तुम्हारे पास ये स्लाइड है दिस इज गोइंग टू डिक्टेट एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर दी नेक्स्ट टू आवर्स की जैसे कि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ना तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग लेंगे फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे फिर एंगुलर मोमेंटम फिर टॉर्क फिर टॉर्क लगने से किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा वो फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अल्टीमेटली दी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द रोलिंग मोशन सो एग्जैक्टली इस तरीके से यहां पर तुम लोग देख लो ठीक है एक बार देख लीजिए तो ये हमारे पास आगे नॉर्मल आर दी, दी क्रूशियल बेसिक्स ऑफ इनके ऊपर बिल्ड करते हैं और नंबर वन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है उसको हम लोग क्लियर करते हैं इज इज मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा ना मैम ये लो एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो तो जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अब सब भूल जाएंगे ये वाली स्लाइड के ऊपर जितना कुछ भी डिस्कस करेंगे दिस इज एक्टली वॉट ये जो पूरे के जितने भी चीजें हैं इन सबको क्रिस्पी क्रिस्पी क्लियर करना है नेक्स्ट के दो घंटों में सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिस्कशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो मास जो है ज, जैसे कि मान लो आई हैव अ सर्टन मास ठीक है तो वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि मैम मैंने आपको वहां से चार मीटर के डिस्टेंस से देख रहा था तब तो आप दो के के लग रहे थे

ये जो मास है किस एक्सेस के अबाउट घूम रहा है उस बेसिस पे ये इनर्शिया प्रोवाइड करेगा तुम समझ पा रहे हो सो आई कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम

मैं पहले ये वाली एक्सेस कंसिडर करना चाहूंगी फिर ये बट दे नीड टू टीचर अभी यहां पर दम तोड़ देगी ठीक है एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए तो ये तुम ले लो ये जो तुम्हारे पास डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को ले लो बच्चों तुम लोग आठ मीटर ठीक है ये वाले डिस्टेंस को तुम लोग ले लो दो मीटर तो मैं के जी और चार के जी को ही रख रही हूँ बोला कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इनर्सिया है सब बच्चे वापस आएंगे तो जैसे मैंने बोला मान लो तुम्हारे पास एम मास है दिस एम लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम रोटेशन देन आई कैन से दैट द मोमेंट ऑफ दिस मास इज कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द रोटेशनल मोशन ऑफ दॉडी पहले अगर मान के चलू तो अगर मैं इसको अपना एक्सेस ऑफ रोटेशन मान के चलूंगी और अब अगर मैं लिखूं वट इज दोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस्टम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस्टम जैसे मास ऑफ द सिस्टम होता है मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स उसी तरीके से मोमेंट ऑफ सिस्टम होगा चार तो केजी, केजी का है अब चार के जी की बात करूं तो ये चार के जी तो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही बैठा हुआ है छ के जी की बात करूं तो ये जो छह के जी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दस के डिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है सॉल्व नहीं करूंगी इसको मैं आगे एक बार जरा सा देखिए उसी तरीके से मानू बच्चों अभी अगर मैं ये वाले एक्स की बात करूं तो मास की डायरेक्शन नहीं होती ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी थोड़ी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन नहीं होगी तो अभी अगर मैं ये वाली लाइन के अबाउट तुमसे पूछूं कि बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दि सिस्टम कंसेप्ट भी सेम रहेगा इट इज कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चार के जी का है प्लस कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया छ के जी का है अभी अगर मैं चार के जी की बात करूं तो चार के जी इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है देखो जरा सा ठीक है खा मत जाना ये लो आठ मीटर मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया कमिंग बैक टू दी पॉइंट ठीक है ये तुम्हारे पास आठ मीटर आ गया ना क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस तुम्हारे पास आठ मीटर का है कमिंग बैक टू दी पॉइंट अगर अभी मैं ये वाली एक्सेस खोलूँ तो ये वाली एक्सेस से जो चार के है छह मीटर के ऊपर लोकेटेड है जो 6 के जी है दो मीटर के ऊपर लोकेटेड है ठीक है तो आई कैन से कि जो मो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम के लिए होगा एक तो चार के जी की वजह से होगा क्योंकि वो छह मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और एक जी की वजह से होगा क्योंकि वो दो मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है एक बार जरा सा यहां पर देख लीजिए ठीक है तो ये तो आ गया दो एक्सेज के अबाउट सो आई एम नॉट चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास को छेड़ूंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा वो तो चलो बड़ी जेनविन सी बात है अभी हम बात करेंगे अगर मेरे पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो लेकिन मैं ऑफ रोटेशन छेड़ दूँ कि सबसे पहले मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा रही थी फिर मैं पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसे घुमाने लग गई अब मान लो कि मैं पूरे के पूरे सिस्टम को ये वाली एक्सेस के अबाउट रोटेट कराती हूँ सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल चेंज एक बार जरा सा देखिए कि अभी अगर मैं यहाँ पर मोमेंट

ऐसे थोड़ी होगा तो मास जब एक स्केलर क्वांटिटी है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी तो स्केलर क्वांटिटी होगा ना तो यहाँ पर डायरेक्शन वरेक्शन कुछ नहीं होता तो यू विल ऑलवेज यू नो अगर कभी भी तुम सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो यू विल ऑलवेज ऐड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू तो द इंडिविजुअल पार्टिकल्स किसी नेगेटिव यहाँ पर आ ही नहीं सकता इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैंने तुमसे पूछा, तो ये आगे हमारी लाइन, इसके निकालना है। अब बच्चों कहने को हमारे पास तीन पार्टिकल्स है आप गौर फरमाइएगा पहला पार्टिकल है ये दूसरा पार्टिकल है ये तीसरा पार्टिकल है ये निकालो मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ दिस्टम ऐसी क्या बात हो गई छे के तो बिल्कुल देख लो लाइन के ऊपर ही लोकेटेड है ये जो हमारा दो के जी है एक मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है फिर ये जो हमारे पास चार के जी है तीन मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है कभी जिंदगी में मैं इसको सॉल्व करके नहीं दूंगी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा अब मैं तुमसे दोबारा से, से मान लो ये पूछो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट दी लाइन ड्रॉन तो अगेन तुम्हारे पास दो मासेस हैं एक मास यहाँ पर आ गया दूसरा मास यहां पर आ गया तो आई कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इस कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो के जी की वजह से है तो दो के जी की का सिस्टम दो के जी की मेरे पास बॉडी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से चार मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है तो यहाँ पर आ गया फोर का स्क्वायर फिर आगे मेरे पास चार के जी की बॉडी एक मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है तो वन का स्क्वायर जिंदगी में इसको सॉल्व करके मैं तुम्हें क्लास में नहीं दूंगी ठीक है तो ये तुम्हें जनरल कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए दैट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किस तरीके से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा कि मान लो अगर मैं इसी एक्सेज को रखूं लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा दस के जी का मास ले आऊ यहां पर एक्स्ट्रा सौ के जी का मास ले लिया यहां पर आधी के जी का मास ले आऊ सो इफ आई चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेज ऑफ रोटेशन विल डेफिनेटली चेंज बट बट इफ आई डू नॉट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सिंपली इफ आई चेंज द एक्सेस ऑफ रोटेशन स्टिल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस एक बार जरा सा देख लीजिए दुल्हन बन गया था एक सौ एक रुपए दो तभी मुंह दिखाऊंगी ठीक है अच्छा

ये मेरे पास रिंग है मास पूरा का पूरा पेरिफेरी के ऊपर है ये मेरे पास डिस्क है मास पूरा का पूरा, इस एरिया में है। तो अब की अपनी मम्मी को मम्मी एक चूड़ी दे दो अपनी ठीक है तो इट इज लाइक ये है एक रिंग दिस इज रोटेशन एंड आई एम रोटेटिंग इट लाइक दिस तो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन को मैं क्या बोलूंगी ये वो एक्सेज ऑफ रोटेशन है Which is is passing through the the center of of mass and perpendicular to to plane ring. ring You need to understand that. If this is my ring, na, अगर ये मेरे पास है, this is the, plane of the ring. तो ये जो मेरे पास एक्स ऑफ रोटेशन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास को कट कर रहा है फॉर द रिंग एज वेल एज द डिस्क तो ये अभी तुम्हारी याद करने वाली बातें हैं ठीक है तो ये तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है बच्चों एम आर स्क्वायेर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम आर by टू देख लो फिर रोग so, कौन सी एक्सेस है ये वो एक्सेस है जो सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है रिंग के और डिस्क की और उनके प्लेन के एक्सैक्टली exactly परपेंडिकुलर है फिर उसी तरीके से आ जाता है सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर तो सॉलिड सिलेंडर बिल्कुल थिक डिस्क की तरह बिहेव करेगा होलो सिलेंडर एक थिक रिंग की तरह बिहेव करेगा अगर मैं इसको अपना एक्सेस ऑफ रोटेशन मान के चलती हूँ तो इट इज लाइक के आ, ये ले लो मान लो दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर

लंबी और थिक डिस्क की तरह बिहेव करेगा अगर होलो सिलेंडर है तो वो रिंग की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क वाला आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू और यहां पर आ गया तुम्हारे पास एम आर स्क्वायर तो ये याद करने वाली बातें हैं। एक बार जरा सा देख लीजिए फिर उसी तरीके से अभी अगर मैं सॉलिड सॉलिड स्फीयर और होलो की बात करूं तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है तो एक स्फीयर है अगर तुम अगर तुम्हारे पास एक स्फीयर है एंड यू वॉन्ट टू रीच देंटर एंड दैट विल ऑलवेज बी अलोंग द डायमीटर तो तुम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो दिस इज एन एक्सेस विच इज कटिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड होलोस्फियर या फिर तुम लोग ये बोल सकते हो दैट दिस इज एन एक्सेस विच इज अलोंग डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड द होलोस्फिर इनके अबाउट अगर तुम रोटेट कराते हो तो ये तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है यहाँ पर कितना सॉलिड स्फेयर के केस में टू बाई थ्री एम आर स्क्र ठीक है तो बच्चों ये रटने वाली वैल्यूज है इसलिए मैंने पहले बोल दिया दैट दीज आर दी वैल्यूज टू रिमेंबर अब बच्चों अगर मैं रॉड की बात करूं तो ध्यान देना ये मेरे पास इस तरीके से एक रॉड है मैं इसको ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रही हूँ लाइक दिस इज माय रॉड ठीक है ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं मिलेगा दिस इज माय रॉड

थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारा किसके ऊपर जोर है तो हम यहाँ पर दो तरीके के थेरम्स के बारे में बात करते हैं एक तो आ गया परपेंडिकुलर आक्सिस थियरम और फिर आ गया हमारे पास पर रिलैक्सिस थेम तो बच्चों ये जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आक्सिस थियरम है हम इसको अप्लाई करते हैं सिर्फ टू डिमेंशनल बॉडीज के ऊपर और इन्हीं टू डिमेंशनल बॉडीज को लैमिनर बॉडीज भी बोला जाता है तो लैमिनर बॉडीज लिखा हो टू डिमेंशनल बॉडीज लिखा हो तो उसी तरीके से परपेंडिकुलर एक्सेस हम सिर्फ उन्हीं एक्सेज ऑफ रोटेशन के अबाउट लगा सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास को कट कर रहे हो जैसे कि मान लो अभी मैं हाउ डू आई नॉट हैव एनीथिंग कैसे भाई

दूसरी है दो जो बात करता है तीनों एक्सेस सेंटर ऑफ मास को कट, कर so कट करेगी बस एक एक्सेस परपेंडिकुलर होगी प्लेन की जो कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने ब्लू में हाईलाइट करा है कलर्स हैं तो कलर्स बहुत प्यारी चीज है हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्लासेस में देखो ये वाली एक्सेस की मैं बात कर रही कि ये वाली जो एक्सेस है इस तरीके से सेंटर ऑफ़ मास को कट बच्चों दो हमारे पास वो है, जो भी सेंटर है। ऐसा नहीं है ये भी बुरी नहीं है लेकिन ये इन प्लेन लाइ करके सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है तो परपेंडिकुलर थ्योरम सिर्फ इतना बोलता है Which is cutting the center of mass of a laminar body perpendicular to its plane, it is going to be given by the sum of the moment of inertias about other two axes, which are also perpendicular to each other, but lying in the plane of the body. Okay, but lying in the plane of the body. Some I'll repeat myself one more time. There are only three axes, all of them are cutting the center of mass. Two are perpendicular to each other, lying in the plane.

बट लाइंग इन दी प्लेन जो यहाँ पर क्या आ गया आई एक्स प्लस आई वाई दोबारा से मैं डिस्क के लिए बोलूंगी सिर्फ इतना है। इससे कुछ नहीं है इसकेशन इसके तो भी नहीं है सिर्फ रिंग और डिस्क के लिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं डिस्क में दोबारा से रिपीट करूंगी अब की बार मेरे पास जो डिस्क है एक्स जेड प्लेन में लाइक कर रही है मतलब आई एक्स तुम्हारा प्लेन में है आई जेड प्लेन में है और अब की बात आई वाई परपेंडिकुलर है तो मैं बोलूंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is cutting the center of mass perpendicular to the plane of the disk which is iy it is going to be given by the sum of two moment of inertias about two axes lying in the plane also cutting the center of mass also perpendicular to each other jo ye wale case mein kya aa gaya iz plus ix एक बार जरा सा देख लीजिए इसको रंग देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और clear हो जाए बाकी बड़ा जेनमेन है Only this, ना तो इससे बड़ा कुछ है ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है ऑस्वर्ल्ड में वो आता है ना पेंगविन वो बोलता है two marshmallows, ना कम ना ज्यादा बिल्कुल वही वाली बात है सिर्फ इतना तो अभी ज़रा सा बच्चो लेटेस्ट टॉक अबाउट ये वाला सी बास्ट टॉक अबाउट ये वाला केस तो ये मेरे पास डिस्क थी तो मेरे पास दो एक्सेस दो थे जो सेंटर ऑफ mass को कट कर रही थी और प्लेन में ही लाई कर रही थी तो हम यहाँ पे डिस्क को कंसिडर कर रहे हैं ना तो तुम समझो ना कि किस के अबाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ मास हो मास होगा वही के अबाउट है तो ये दोनों सेम हो गए ना ये दोनों सेम हो गए ये वाले केस में उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों भी सेम हो गए ये वाले केस में तो आई कैन से आई जेड आई जेड की वैल्यू मैंने याद करवा दी है एम आरस

यहाँ पर तुम्हारे पास आई जेड या फिर आई एक्स की वैल्यू आ गई एम आर बाय फोर मैम बहुत घटिया पढ़ाते हो बिल्कुल कुछ नहीं समझ आया समझने की कोशिश करना ठीक है देखो आई नो यहाँ पर थोड़ा सा ना कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है समझो ये मेरे पास रिंग है तो आई यू एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं ना अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं वो मेरे पास एम आर है वो मेरे पास एम आर है लेकिन मान लो अभी अगर मैं उसको ऐसे घुमाऊं तो वो एम आर स्क्वायर बाय टू है कैसे घुमाऊं देखना कि ये मेरे पास इस तरीके से एक रिंग थी ठीक है ये मेरे पास इस तरीके से एक रिंग थी मैं इसको ऐसे घुमा रही हूं तो ये मेरे पास एम आर स्क्वायर बाय टू है समझे वही चीज जो रिंग के लिए तुमने विजुअलाइज कर ली तो डिस्क के लिए विजुअलाइज कर ली इस ये कौन सी एक्सेस है एक्सिस सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है परपेंडिकुलर टू प्लेन है इस एक्सिस की बात करूं ये भी सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है लेकिन अब की बात ये इन द्लेन है ठीक है इसको आगे बहुत बार अप्लाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा तो आई एम होपिंग नाउ दिस इज क्लियर कि किस तरीके से अगर तुम रिंग को ये वाली एक्सिस के अबाउट घुमाओ या फिर डिस्क को ये वाली एक्सिस के अबाउट घुमाओ यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है एम आर स्क्वायर बाय फोर

जिसकी हेल्प से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे वो जो तुम्हारे पास इज मान लो अगर समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉजिकल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर है तो मैं बोल दूंगी कि अगर मास जितना ज्यादा दूर करेगा दूर लाई करेगा फ्रॉम रोटेशन उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा

आईसीओ एम ले लिया उसी को मैंने आई नॉट ले लिया ठीक है तो मतलब जब तक मैं मेरे पास एक बॉडी है उसको मैं घुमा रही हूँ एक ऐसे एक्सेस के वॉर्ड जो सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है तो ये बॉडी मिनिमम मोमेंट ऑफ एनर्जी दिखाएगी लेकिन मान लो वॉट इफ आई एम नॉट टेकिंग एन एक्सेस विच इज कटिंग देंटर ऑफ मास What if I am taking an axis which is not cutting the center of mass but it is parallel to the axis which is cutting the center of mass? So, I have now I am taking another axis. okay? Now I am taking another axis. This another axis is not cutting the center of mass. This another axis is not cutting the center of mass but this is parallel to the axis. parallel to the axis which is cutting the center of mass which is cutting the center of mass मान लो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो आई शुड बी एबल टू से ना दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लॉजिकल नहीं है ये कि अगर मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एक्सेस हो और बॉडी एक ऐसी एक्सिस के अबाउट घूमे जो सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इन, इनर्शिया मिनिमम आना चाहिए आई नॉट मान लो अभी एक रैंडम एक्सेज है इसको बहुत बार अप्लाई करेंगे जो यहां से नहीं क्लियर होगा आगे की पांच छह स्लाइड से क्लियर हो जाएगा क्लियर होगा मैं पढ़ा रही हूँ ठीक है तो मान लो अभी मैं कोई दूसरी एक्सेस लेती हूँ जो सेंटर ऑफ मास को नहीं कट कर रही है लेकिन पैरेलल है

You will be able to experience the minimum moment of inertia about this axis. But if you are not making the body rotate about the axis cutting the center of mass,

क्वेश्चन आने तो दो स्टेटमेंट से जितना क्लियर हो सकता था अगर हो जाना था तो अभी तक हो जाता और सारी चीजें तो तुम्हारे क्वेश्चन से हो जाएगी जैसे कि ये दो क्वेश्चन यहीं पे आ गए कि मैं रिंग को मेरे पास एक रिंग है तो मैं अच्छे से पता है अगर मैं रिंग को ये वाले आक्सेस के अबाउट रोटेट कराऊं तो ये वो आक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास को कट करती है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा मिनिमम होगा विच इज इक्वल टू वॉट एम आर स्क्वा अब मुझे है त्रास आई एम लाइक नहीं मैं रिंग को घुमाना चाहती हूँ तो लेकिन कोइंसाइड नहीं कर रही है इस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आज सो आई विल बी एबल टू से ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना था प्लस एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मास ऑफ दी बॉडी दोनों एक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर सेम रिपीट करती हूँ ये वाली साइड के ऊपर मान लो आपकी बार मैं रिंग ही लेती हूँ लेकिन अब बार मैं रिंग को ये वाली एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही हूँ सो दिस एक्सेस इज नॉट पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास

जो डिस्टेंस है उसका स्क्वेयर बहुत लॉजिकल है अभी तुम लोग को पता लग रहा होगा कितना लॉजिकल है जितने क्वेश्चन बच्चों उतनी क्लैरिटी आ जाएगी जैसे की ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन क्यों लिखा है मैंने ये वाला क्वेश्चन देखो

तो दिस इज दैट वी आर कंसिडरिंग मुझे अभी वही एक्सेस ढूंढनी है जो इसके पैदल है और सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है तो वो हो जाएगी ये वाली एक्सेस तो एम आर स्क्र बाई टू क्या क्यों वो तो हम ऑलरेडी इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि रिंग का ये वाली एक्सेस के अबाउट एम आर स्क्वाय टू होते हैं तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एम आर स्क्वे बाई टू एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा देखो कितना हुआ एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मास ऑफ द बॉडी दोनों आक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आर बाई टू का स्क्वायर निकालते रहो देखो निकालते रहो और अप्लाई कर लो आपकी बार उसको डिस्क वाले केस में। तो मैं डिस्क को रोटेट कर रही हूँ ये वाली के अबाउट फिर मैं डिस्क को रोटेट कर रही हूँ ये वाली एक्सेस के अबाउट सो ऑन द बेसिस ऑफ मैं कौन सी के अबाउट रोटेट कर रही हूँ उसी हिसाब से मैं आईसीओ एम भी लूंगी जैसे कि पहले वाले केस में मेरे पास दिस इज गोइंग टू बी आईसीओ एम क्योंकि दोनों का पैरेलल होना जरूरी है so this is the axis which is cutting the center of mass pink wali this is the axis uh, cutting the center of mass parallel to the blue, blue axis and this is the axis which is cutting the center of mass again parallel to the blue axis to bas tumhe abhi likhna kya hai यही to likhna hai I parallel is going to be equal to center of mass के about कितना है plus extra moment of inertia तुम कितना जोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारी axis center of mass को नहीं कट कर रही है ये तो easy है दी मैं तो जानती हूँ मैं तो जानती हूँ ना बस

उसी तरीके से अभी आ जाओ ये वाली के निकालते हैं। तो ये प्लस एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तुम लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी को नहीं कट कर रही है ये है ना तो अब की बार दिस इज कटिंग थ्रू सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क तो ये आ गया एम आर तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया एम आर स्क्वाय टू एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में जो डिस्टेंस है है उसका स्क्वायर ठीक जितने क्वेश्चंस उतने क्लैरिटी उसी तरीके से सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर के लिए भी बना लेते हैं कि ये वाली एक्सेस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ये वाली एक्सेस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो तुम क्या करोगे ऐसी एक्सेस ढूंढोगे जो इस एक्सिस के पैरेलल है लेकिन सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है जैसे कि ये वाले केस में आ गई ये वाली एक्सेस ये वाले केस में आ गई ये वाली एक्सेस तो अभी इनके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए ना दिस इज टू बाई फाइव एम आर स्क्र फॉर सॉलिड स्फेयर एंड इट इज इक्वल टू टू बाई थ्री एम आर फॉर हलो स्फियर तो अभी लिखिए अभी क्लियर हो गया होगा हुई ना क्वेश्चन से क्लैरिटी क्वेश्चन से क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई जो तुम लोग पहले रो रहे थे कि मैम रिपीट कर दो ये कर दो वो कर दो रिपीटेशन से नहीं क्लियर होता ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन रिपीट करो कंसेप्ट को विद अ बेटर वे तो आई कैन से ये इनर्शिया है इट इज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख पाते हैं? अगर ऑफ मास को कट कर रही होती प्लस एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ सेम चीज मैं यहाँ पर भी बोल सकती हूँ अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ओ एम गया यहाँ पर टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर

उसका स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई फाइव बाई थ्री एम आर लिए देख लो कि देखो ये तो वो वाली है जो सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है इसके अबाउट इनर्शिया होता है एम एल स्क् ये वाली एक्सेस ले लूं सो दिस पैरल टू पिंक वाला आक्सेस और इसको क्या बोलूंगी इसको मैं बोलूंगी कटिंग दॉड कटिंग द

सेंटर ऑफ़ मास को कट नहीं कर रही है तो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में डिस्टेंस है एल बाई टू तो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू का स्क्वायर हुआ ना दि दिमाग चमक रहा है दिमागी चक्रा खुल गया क्या बात है मानसी तुम्हें दिक्कत हो रही थी ना पहले यहाँ पर अभी देखो हुआ ना क्लियर अभी मानो मैं ये वाली एक्सेस के अबाउट बोलूं तो ये वाली एक्सेस के अबाउट अगर मैं बोलूं तो मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू एल बाई थ्री तो मैंने मैं इस एक्सेस को क्या बोल दूंगी बोल दूंगी कटिंग द रॉड कटिंग थ्री फ्रॉम सेंटर ऑफ द रॉड फ्रॉम सेंटर ऑफ द रही होती प्लस कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स्ट्रा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास कोट नहीं कर रही है तो ये वाली वैल्यू आगे तुम्हारे पास एम एल स्क् एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ एनर्शिया मास ऑफ दी रॉड दोनों एक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर देखो आई एम होपिंग नाउ दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर टू ऑल ऑफ यू एक बार देखो ऐसे ये आ, दिख रहा है ना ये देखो, दिख रहा है तुम लोगों को? कहानी लग रही है तो that is the whole point जितने क्लैरिटी ठीक है अलाउ मी वन मिनट अभी बीच में ब्रेक भी लेंगे, एट ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट खत्म करो रोटेशनल कैनमेटिक से पहले ब्रेक ले लेंगे जस्ट अलाउ मी टू अ लिटिल ब्रेक ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट का नहीं प्रिया वो वाले मेथड से नहीं जाना तुम्हें ठीक है ट्वेल्व कैसे आया देखो ये सारे क्वेश्चन तो नहीं आंसर होंगे अगर आप क्लास में बिल्कुल शुरू से बैठे आपको हर चीज क्लियर होगी आई डू नॉट टेक इन टू अकाउंट दैट ऑल ऑफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन मोर देन वॉट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू इन लेक्चर जितना मैंने बताया उसी के बेसिस के ऊपर बिल्ड कर रही हूँ ठीक है ठीके? सब बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू आर इन्जॉइंग दी लेक्चर कैसा लग रहा है इतना अच्छा लग रहा है अच्छा तुमने पहले ही बोल दिया तुम्हारे बोलने के बाद मैंने सवाल पूछा एक बच्चा बोल रहा है यू लुक लाइक आंटी मामा भी बाल खोल दूंगी आई बी लुकिंग लाइक मिस वर्ल्ड तो वो कोई स्ट्रेस नहीं है आई शुड बी दी स्मार्टेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन यू हैव गोल ठीक है ठीक है आ जाओ सो लेट इज नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन कर लो इससे मोमेंट ऑफ एनर्जिया का कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन यहाँ पर ये यह है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द लाइन ड्रॉन तो यहां पर तुम्हारे पास तुम देख पा रहे हो इस सिस्टम में तीन चीज है जैसे कि पहले हम लोगों ने जो सिस्टम देखा था या तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स थे फिर हमने जो सिस्टम देखा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉडीज थी अब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पार्टिकल्स भी है बॉडीज भी है और तुम्हें ये बताना है बस करो आप ठीक है अभी तुम्हें ये बताना है कि ये वाले एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जिया कितना होगा तो अगेन कंसेप्ट थोड़ी बदलता है यहाँ पर सिस्टम में ठीक है सिस्टम में तीन चीजें हैं तो आई कैन से दैट द मोमेंट ऑफ इनर्जिया अबाउट द सिस्टम इट इज गोइंग टू बी कितना तो यहाँ पर पार्टिकल की वजह से है मोमेंट ऑफ इनर्जिया प्लस बच्चों कितना मोमेंट ऑफ इनर्जिया यहाँ पर डिस्क की वजह से है प्लस कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की वजह से अब बोल मत देना कि ये सारी चीजें तुम्हें आती नहीं ठीक है अब सब बच्चे वापस आ जाऊंगे हाँ भाई मेरी तारीफों में तुम लोग खत चिट्ठियां लिख देना ठीक है अभी लेकिन वापस आ जाओ ये देखो 6 के जी की बॉडी एक मीटर के ऊपर लाइक कर रही है तो पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया तुम्हारे पास स्टॉप इट यहां पर आ जाइए 6 के जी की बॉडी है एक मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इतना अभी बच्चों अगर मैं डिस्क की बात करूं तो ये है हमारी मोहतरमा देखो तो अभी ये जो है देखो कैसे कट कर रही है डिस्क को को सेंटर ऑफ मास कट कर रही है लाइंग इन दी प्लेन ऑफ द दूमेंट ऑफ एनर्जी एम आर स्क्वाई फोर आएगा ना तो एम आर स्क्वायर बाय फोर आ गया टू मल्टीप्लाइड बाई वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर उसी तरीके से अल्टीमेटली अगर मैं बच्चों रॉड की यहां पर बात करूं तो so, ये वो एक्सेस है जो सेंटर ऑफ द रॉड को कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ मोमेंट ऑफ आ गया तो इनर्शियाल स्क्म स्क् मतलब फोर मल्टीप्लाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बारह सॉल्व करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार तुम्हें ये बोला हुआ है वॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द लाइन डॉन तो गौर फरमाइएगा दिस इज द लाइन ड्रॉन अभी इस लाइन ड्रॉन में तुम देख पा रहे हो दो बॉडीज है एक हमारे पास रिंग है दूसरा हमारे पास रॉड है ठीक है रुको एक तो हमारे पास बच्चों रिंग है और दूसरा हमारे पास रॉड है तो सबसे पहले अभी मान लो अगर मैं रिंग को कंसिडर करूं तो ये कौन सी एक्सेस है ये वो एक्सेस है विच इज लाइंग इन द्लेन ऑफ द रिंग बट टेंजेंट टू इट टेंजेंट टू इट तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर टू इसके अबाउट हो हो जाएगा का क्लास में ये चीज़ डिस्कस चुकी है तो जो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की वजह से आ रहा है वो कितना आ रहा है थ्री एम आर स्कू वैल्यू कितनी आ गई थ्री टाइम्स ऑफ फोर मल्टीप्लाइड बाई वन का अलावा हमारे पास ये रॉड भैया भी है तो कुछ मोमेंट ऑफ एनर्शिया यहाँ पर ऑब्वियसली बात है रॉड की वजह से भी होगा तो अभी देखना दिस इज दाइन विच इज कटिंग देंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड ठीक है बच्चों दिस इज द लाइन विच इज कटिंग देंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाना था इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाना था एम आर स्क्वायर बाय बारह लेकिन मेरी एक्सेस ये नहीं है मेरी एक्सेस ये है क्सेस तो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रॉड का तो ऑब्वियसली बात है इट इज गोइंग टू बीवल टू जरा साइ ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ये वाले डिस्टेंस का स्क्वेयर तो समझो ये तुम्हारे पास आठ मीटर है ठीक है ये तुम्हारे पास आठ मीटर है ये तुम्हारे पास चार मीटर है ये तुम्हारे पास छह मीटर, मीटर है तो ये दो मीटर आ गए तो ये वाला डिस्टेंस आ गया दो मीटर तो यहां पर आ गया टू का स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी रॉड आ गया तुम्हारे पास कितना स्क्वायर बाय का स्क्वायर तो ये आ गया देखिए बच्चों ऑलरेडी पैरल एक्सिस थ्योरम कर चुके हैं यार

ये तुम्हारा अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए अच्छा यहाँ पर मैं बच्चों एक बार रेडियस ऑफ गाइरेशन को डिफाइन करना चाहूंगी छोटा सा टॉपिक है रेडियस ऑफ ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली जैसे कि अभी तक रेडियस ऑफ गायरेशन देखो क्या है सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है अभी तक हम लोगों ने देखा है कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू मान लो किसी भी बॉडी का किसी भी बॉडी का तो वो आ जाएगा सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ठीक है उसी तरीके से अगर मैं मान लो किसी भी तरीके का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखू किसी भी बॉडी का इट इज ऑलवेज मास मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो जो सर्टेन डिस्टेंस है ना वही हमारा रेडियस ऑफ गाइरेशन है वही हमारा रेडियस ऑफ गाइरेशन है जैसे कि इफ आई गिव एन एग्जाम्पल मान लो ये तुम्हारे पास ऐसे एक डिस्क है, ठीक है रुको, <laughs> क्या हो रहा है? ये मान लो तुम्हारे पास एक डिस्क है ये ऐसे रोटेट कर रही है टेढ़ा बना ना ये मौत रुको मान लो बच्चों ये तुम्हारे पास मान लो ये तुम्हारे पास एक डिस्क है ये रोटेट कर रही है ऐसे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग एम आर स्क्वायर बाई टू लिखते हो ना सो दिस एम आर स्क्वायर बाई टू कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ गाइरेशन का स्क्वायर तो यहाँ से तुम्हारे पास रेडियस ऑफ गाइरेशन कितना आ गया r डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू एक एग्जांपल दे दिया एक एग्जांपल दे दिया नाउ आई एम होपिंग दिस इज क्लियर एक और एग्जांपल दे देती हूँ ठीक है मान लो ये तुम्हारे पास इस तरीके से एक एक विनट. अभी ब्रेक की जरूरत है अभी ब्रेक की मुझे भी जरूरत है मान लो ये तुम्हारे पास एक रॉड है इस रॉड का मास है एम लेंथ है एल तो तुम लोगों ने देखा होगा डिस्कस्ड दिस मान लो अगर मैं दो एक्सेस को लेती हूँ ये वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जिया हमारे पास एम एम एल स्क् होता है ये वाली आक्सिस के अबाउट एम एल होता है है कि नहीं तो आई कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर बोथ दी बुद्ध तो यहाँ से देखो किस तरीके से रेडियस ऑफ गाइरेशन भी डिपेंड करता तो है ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और एक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन भी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और एक्सेस के अबाउट डिपेंड करेगा तो ये आ गया मास मल्टीप्लाइड बाई ये वाली एक्सेस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वेर तुम्हारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ट्वेल्व उसी तरीके से ये वाली आक्सेस के अबाउट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ का स्क्वायर तो यहां से तुम्हारे पास जो रेडियस ऑफ आए इट इज एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री आई एम होपिंग रेडियस ऑफ गाइरेशन का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो चुका है ठीक है एक बार जरा सा देख लो दूसरी चीज बस अभी के लिए इतना काफी है ठीक है लेट अस नाउ टेक अ ब्रेक फिर रोटेशनल काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे ठीक है रेड में लिखूंगी क्लास ब्रेक क्लास बादाम ब्रेक क्लास बादाम यार मेरी हैंडराइटिंग कितनी प्रिटी है बादाम ब्रेक क्लास कब रिज्यूम होगी कल टेन ओ टेन वन जीरो पे टेन वन जीरो इज नॉट पॉसिबल टेन थ्री वन पे ठीक यहीं पे बैठे हुए मैं तो कहीं नहीं जा रही खड़े होने की मत साढ़े दस घंटे हो गए मुझे रोटेशन मकैनिक्स के साथ इज सिक्स आवर्स लॉन्ग ठीक है We have used 43 slides.

हेलो थोड़ा बड़ा दे देती हूँ तुम यार रो रहे हो ये लो क्या देख इतना बड़ा प्रेज़ दे दिया अब ठीक है hmm, कुछ बनाना चाहती हूँ योर मॉम लाइक्ड माय ड्रेस ए लॉट हाँ ये मैं उदयपुर से लेके आई थी देवर्स मार्केट वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एंड वहां पर बहुत ड्रेसेस प्रिटी, प्रिटी भी थी आपने तो कहा था अवेलेबल कब मेरे मुंह अवेलेबल मतलब मैं यहाँ पर अपना पूरा यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ एंड दैट विल बी पॉसिबल बाई नॉट मेकिंग अवेलेबल द रिकॉर्डिंग वाहक काइली जनर ने मेकअप बना दिया सेल नहीं करे सेल ना करे वो मैम मेरे भाई से शाद आई शुड रीड दमेंट फर्स्ट देन से अच्छी लगी क्या क्लास नाइस एक सो रहा होगा और क्या ही का, काम है उसके पास वी ऑलवेज डू विधि वी ऑलवेज डू जब रिक्वायरमेंट होती है आप मेरी बड़ी बहन होती काश मैं

थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू चलो लेट्स डू दिस लेट्स डू दिस लाइक वी मीन इट वी डू फिर भी ठीक है चलो आना एक बार बच्चों रोटेशनल कैनमेटिक्स कर रहे हैं देखो रोटेशनल कैनमेटिक्स में इट इज लाइक कि नॉर्मल कैनमेटिक्स में जो इक्वेशन यूज होती है ना हम उसको मॉडिफाई करने वाले हैं सब बच्चे बच्चों का अटेंशन अब मुझे बिल्कुल क्लास के ऊपर चाहिए ठीक है आओ लेट स्टार्ट बच्चों वी आर बिगिनिंग ठीक है कितने बच्चे कितने बच्चे लुढ़ के कितने बच्चे हैं आ जाओ नाउ वी आर बिगिनिंग विद रोटेशनल कैनोमैटिक्स ठीक है तो रोटेशनल कैनोमैटिक्स इज बेसिकली इफ यू ऑल रिमेंबर ना तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बनाई थी जिस स्लाइड के अंदर डिफरेंस था बिटवीन ट्रांसलेशनल मकैनिक्स एंड रोटेशन मकैनिक्स अभी उसी तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंस देखने वाले हैं या फिर साइनर्जी देखने वाले हैं दैट इज अ मोर प्रिसाइज वे टू से इट बिटवीन द इक्वेशन जो हम लोग ट्रांसलेशनल कैनोमैटिक्स में यूज करते हैं जिसके ऊपर हमारी दो पिछली क्लासेस बेस्ड थी और आज की क्लास बेस्ड है ठीक है जैसे कि वी राइट दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी है ना हम यहां पर लिखते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम उसी तरीके जैसे, उसी तरीके से जैसे यहां पर होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू एस यहां पर हो जाता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर डिस्टेंस जिस तरीके से यहां पर होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी बच्चों वैसे यहां पर क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ ऑफ द एंगुलर एक्सिलेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर सो दीज सो दिस इज रोटेशन कैनमैटिक्स बट बिफोर वी प्रोसीड टू दी एप्लीकेशन ऑफ दीज इक्वेशन जो बड़ा ईजी पार्ट है अप्लाई करके आंसर करना है ना ऑफ दीज थ्री इक्वेशन जो हमने रोटेशनल कैनमैटिक्स की पढ़ी है अप्लाइंग दीज फार्मूलाज एंड गेटिंग टू द आंसर इज वेरी ईजी हमें यहाँ पर कंसेप्चुअल कवरेज करनी है मैं बेसिकली तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू द द एंगुलर 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 डिस्टेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सो लेट अस गो वन स्टेप एट अ टाइम सबसे पहले एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर जरा सा देखना बच्चों एंगुलर डिस्टेंस इज वॉट एंगुलर डिस्टेंस को हम थीटा से डिनोट करते हैं एस आई यूनिट क्या होती है एंगुलर डिस्टेंस की एस आई यूनिट हो जाती है रेडियन ठीक है आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस कन्वर्जन दैट 180 degree डिग्री इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन एटी डिग्री इज गोइंग टू बी इक्वल टू बाई रेडियन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये बात सबको पता होनी चाहिए अभी बच्चों समझना कि अगर मैं एंगुलर डिस्टेंस की बात करूं तो ये आ गया एंगुलर डिस्टेंस के बारे में अभी इसको विजुअलाइज करूं तो मैं ऐसे विजुअलाइज करवा सकती हूं कि मान लो मेरे पास इस तरीके से एक रोटेटिंग बॉडी थी ठीक है कोई भी मास को कंसिडर कर सकती हो मान लो यहाँ पर एक एम लोकेटेड था ठीक है टाइम इज़ इक्वल टू जीरो पे एम लोकेटेड था बॉडी घूमी बॉडी घूमी और बॉडी घूमते घूमते मान लो यहां पर आ गई तो अब यहाँ पर ये यह जो मेरे पास एम मास है वो टी टाइम के ऊपर यहाँ पर लोकेटेड है मानो देर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन तो जब एक्सेलरेशन uh, नहीं होता स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो आई विल बी एबल टू से दैट एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम तो यहाँ पर अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को लिखू तो इट इज गोइंग टू बी कितने की एंगुलर कवरेज शो की है टी टाइम में डिवाइडेड बाई टी टाइम एक बार जरा सा यहाँ पर देख लो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये बड़ा इजी है एंगुलर डिस्टेंस दिक्कत आती है बच्चों को इन अंडरस्टैंडिंग वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी समझना मान लो दिस इज अ रोटेटिंग बॉडी दिस इज अ रोटेटिंग बॉडी एंड यहाँ पर दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉडी यहाँ पर एक पार्टिकल है दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज द पार्टिकल नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड मान लो बच्चों अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन की बात करूं तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही हूँ अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की बात करूँ तो मेरे अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं बड़ी जेन सी बात है ना इफ देर इज अ बॉडी नॉट शोइंग रोटेशनल मोशन जस्ट सिंपली शोइंग ट्रांसलेशनल मोशन

हर एक पार्टिकल जो इस बॉडी को कंस्टिट्यूट करके बना रहा है कि अगर मैं फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करूं या फिर सेकंड वाले पॉइंट की बात करूं तो मान लो ये जो मेरी बॉडी है ये ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है तो आई विल बी एबल टू सेन इज आल्सो गोइंग टू इक्वल टू ओमेगा एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट टू इज आल्सो गोइंग टू इक्वल टू ओमेगा तो अभी यहाँ पर बच्चों हमें जानना है द रिलेशनशिप बिटवीन द दंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ दी पार्टिकल्स एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बोथ दी पार्टिकल्स बिकॉज तुम लोग समझो ना कि अभी ये जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है इसकी भी कुछ लीनियर वेलोसिटी वी वन होगी इसकी भी कुछ लीनियर वेलोसिटी वी टू होगी ये जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर वन के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है और ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर टू के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है ठीक है तो मैं अभी यहाँ पर बच्चों ये बोल रही कि ऑलवेज नो दिस एंगुलरसिटी इज इक्वल टू लीनियर विलोसिटी डिवाइडेड बाई दर्पेंडिकुलर डिस्टेंस कि अगर मैं पॉइंट वन की बात करूं अब पॉइंट वन से एसोसिएटेड एक तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है पॉइंट वन से लोकेटेड दूसरी चीज है लीनियर वेलोसिटी

तो हर एक पार्टिकल के लिए v बाय आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम दी बॉड व्हेन यू मूव व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम पॉइंट ओ व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम पॉइंट ओ आर की वैल्यू बढ़ रही है v की वैल्यू भी बढ़ेगी लीनियर वेलोसिटी द लीनियर वेलोसिटी

मैं बोल दूंगी कि तीनों के तीनों पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम है उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अभी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं ठीक है इफ थर्ड के लिए मैक्सिमम है वन के लिए मिनिमम है तो जो लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो ये पार्टिकल्स प्रोजेस कर रहे हैं वो भी क्या होगा वो भी थर्ड के लिए मैक्सिमम होगा उसी तरीके से फर्स्ट के लिए मिनिमम होगा सबसे पहली वाली चीज एक बार जरा सा देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों जो मैंने तुम्हें अभी बताया है ठीक है दूसरी चीज बच्चों ये मान लो इफ आई टॉक अबाउट पार्टिकल्स इफ आई टॉक अबाउट पार्टिकल्स लाइंग ऑन रोटेशन लाइंग ऑन दी एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन पे जितने भी पार्टिकल्स लाइक like कर रहे हैं नंबर वन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे है ना अगर axis of rotation के ऊपर ही कोई particle like कर रहा हो तो वो uh, moment of inertia में contribute नहीं करेंगे तो सबसे पहले नो कंट्रीब्यूशन इन दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नो कंट्रीब्यूशन इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों दूसरी चीज ये देर वी जीरो

जैसे कि पंखे की रोटेशन एक मिनट ठीक है राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड स्टेशनरी एक्सेस जो हमारी यहां पर ओ पॉइंट के अबाउट लाइक like कर रही है जब स्टेशनरी एक्सेस फिक्स्ड नहीं रहेगी वो क्या होगा वो हमारा रोलिंग मोशन हो जाएगा तो रोलिंग मोशन के ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे अभी हम लोग डिस्कशन को सिर्फ यहीं तक सीमित रख रहे हैं। कि अगर मेरे पास एक्स ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स लाइक करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ी ही वो कंट्रीब्यूट करेंगे इसके ऊपर तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं ठीक है दूसरी चीज मैं तुम्हें यहाँ पर ये यह बताना चाहती हूँ कि ऑब्वियस बात है कि इन ये आर के डिस्टेंस के ऊपर नहीं है हम जैसे जैसे ओ पॉइंट से दूर जा रहे हैं लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना तो जो पार्टिकल यहीं पे लाइ करेगा उसकी कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है सो दे विल बी देस्ट डायरेक्ट ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में अब अगर मान लो मैं डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी की बात करूं कि मैग्नीट्यूड की टर्म्स में अभी हम लोग समझ रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को किस तरीके से लिखा जाता है अभी बच्चों अगर मैं डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो बिल्कुल ध्यान से देखना रोटेटिंग बॉडी देखो ऐसे भी रोटेट कर सकती है और ऐसे भी रोटेट कर सकती है ठीक है अगर मान लो इफ आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो तुम्हें अपना राइट right हैंड लेना है राइट right हैंड की जो फिंगर्स है उनको कर्ल कर देना इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सो आई टुक माई राइट हैंड मैंने क्या किया सबसे पहले नंबर वन अपना राइट right हैंड लिया ठीक है राइट हैंड लेके जो फिंगर्स है फिंगर्स को कर्ल कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो बच्चों यहां पर जो थंब है ना थंब वो मुझे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा जैसे कि मैंने राइट right हैंड लिया पहले वाले केस में देखना दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा अंदर की डायरेक्शन में आया तो तुम देख पा रहे हो किस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू तो बी अंदर की डायरेक्शन में दूसरे वाले केस की बात करूं सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी बाहर की डायरेक्शन में होगा सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी तो ये चीज अभी सब बच्चे याद रखेंगे कि किस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है बच्चों ठीक है पहला क्या कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं इट इज परपेंडिकुलर टू इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन टू प्लेन ऑफ रोटेशन नंबर वन दूसरी चीज ये दैट इट इज अलोंग द ऑफ रोटेशन इट इज अलोंग द ऑफ रोटेशन क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन ही हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है जैसे कि मान लो ये मेरे पास डिस्क है मान लो ये मेरे पास डिस्क है ये डिस्क कैसे घूम रही है दिस इज द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन तो एंगुलर वेलोसिटी या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी सो इट इज अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन और परपेंडिकुलर टू तो दी प्लेन ऑफ रोटेशन ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं इतना पता होना चाहिए बच्चों एंगुलर वेलोसिटी के बारे में अब एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिस्कशन हो गया अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर ठीक है नाउ लेट अस हैव अ लिटिल डिस्कशन ऑन एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे एंगुलर वेलोसिटी था बच्चों तुम्हारे पास वी डिवाइडेड बाय आर एंगुलर एक्सिलेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर पर पेंडिकुलर लेट मी मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस देखो सबसे पहले अगर मानो मैं मैग्नेट्यूड की टर्म्स में बात करूं तो ये मेरे पास रोटेटिंग बॉडी है ये रोटेटिंग बॉडी का ओ सेंटर है ठीक है और यहाँ पर मैंने दो पॉइंट ले लिए एक पॉइंट मैंने ये ले लिया दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया

ये इस तरीके से आर वन के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है फ्रॉम एक्सिस ऑफ़ रोटेशन और ये इस तरीके से आर टू के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है फ्रॉम एक्सिस ऑफ़ रोटेशन तो आई कैन दैट इज़ गोइंग बी इक्वल टू टू फिर फ्रॉम पॉइंट ओ फ्रॉम पॉइंट ओ

इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं ये है हमारे पास आ गया एंगुलर एक्सिलेशन विच एंग्लिकेशन आएंगे जब हम आगे रोटेशन डायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब एक बार बच्चों डायरेक्शन सॉर्ट आउट कर लो डायरेक्शन देखिएगा तो मैं यहाँ पर चार फिगर्स बनाऊंगी ठीक है लेट मी ड्रॉ फोर फिगर्स ये तो मैग्निट्यूड के टर्म्स में आ गया क्या कर रही हूं मैं ठीक है सांस ले लेता सांस ले लो प्लीज ये देखो मान लो बॉडी ऐसे घूम रही है यहां पर भी बॉडी ऐसे घूम रही है यहां पर बॉडी ऐसे घूम रही है यहां पर भी बॉडी ऐसे घूम रही है लेकिन ये वाले केस में इट इज अप ठीक है ये वाले केस में इट इज स्पीडिंग डाउन यहां से और क्लियर हो जाएगा स्पीडिंग अप और ये वाले केस में इट इज स्पीडिंग डाउन उसी तरीके से मान लो बच्चों ये वाले केस में इट इज स्पीडिंग अप उसी तरीके से मान लो बच्चों ये वाले केस में इट इज स्पीडिंग डाउन देखिएगा तो अंडरस्टैंड काइनोमैटिक्स हम लोग अभी करके हटे हैं मैंने काइनोमैटिक्स में तुम्हें कराया था एक्सिलेरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इन वेलोसिटी मान लो अगर वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में velocity support हो रही है उसी डायरेक्शन में मोशन सपोर्ट हो रहा है लेकिन अगर एक में में है और उसके मोशन सपोर्ट हो रहा है बॉडी पहले वाले केस में देखा पहले वाले केस में बॉडी घूम रही है ऐसे बॉडी ऐसे घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ गया अंदर की डायरेक्शन में अभी इट इज स्पीडिंग अप मतलब एंगुलर वेलोसिटी अंदर की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है इसका मतलब हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी अंदर की डायरेक्शन में आ गया यहाँ पर आइए स्पीडिंग अभी स्पीडिंग डाउन हो रहा है तो बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों अंदर की डायरेक्शन में आएगी लेकिन अब की की स्पीडिंग डाउन मतलब मतलब ये डिक्रीज कर रही है मतलब अंदर डायरेक्शन में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके मोशन को रेजिस्ट किया जा रहा है मतलब ये वाली बाहर की डायरेक्शन में जो एंगुलर मोशन है वो सपोर्ट हो रहा है इसका मतलब बाहर की डायरेक्शन में आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन नीचे देखना बॉडी ऐसे मूव कर रही है, नीचे दोनों में, बाहर है तो यहां पर भी इंक्रीज तो हो रही है यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी बाहर है इट इज स्पीडिंग डाउन तो ये डिक्रीज हो रही है थर्ड वाले केस में एंगुलर वेलोसिटी बाहर है और इंक्रीज हो रही है तो बाहर की डायरेक्शन में ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा लास्ट वाले केस में वेलोसिटी बाहर है, लेकिन इट स्पीडिंग डाउन मतलब वेलोसिटी बाहर है, लेकिन एक बार जरा सा देख लो अब क्या करेंगे ये जो रोटेशन काइनेमेटिक्स है इसके ऊपर लेटे न्यूमेरिकल्स देन विल टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ठीक है चलो ये क्वेश्चन देखो

अरे ये लो ठीक प्रॉब्लम फिक्स्ड सॉरी बच्चों रुको मैं दोबारा से करवा देती हूँ ये ये लो I'm hoping अब, अब नहीं है कोई दिक्कत लेट सी बाहर बाहर अंदर अंदर ठीक है ठीक है ये देख लो हो गया पहले एक बार जरा सा यहां पर बता दो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे दो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन अभी दोबारा से थोड़ी समझाऊंगी ऑब्वियस ही बात है <laughs> ये जरा सा देख लीजिए नाउ आई एम होपिंग प्रॉब्लम इज फिक्स ठीक है आगे बढ़ते हुए ये वाला क्वेश्चन देखो तो तुमसे रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटी पूछा हुआ है तो लीनियर वेलोसिटी में तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी मान लो ये ए पॉइंट है दो मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है ये बी पॉइंट है चार मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है तो दोनों पॉइंट के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है तो आई कैन से वी ए बाई आर एज इक्वल टू वी बी बाई आर बी है ना VB by RB, तो तुम्हारे पास आया VA by VB, जो कि तुम्हें निकालना है खत्म बच्चों तुम्हारे पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एक फैन है इट इज शोइंग सिक्स रेवोल्यूशन पर सेकेंड्स इट स्लोस डाउन टू टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड इन सिक्स सेकेंड्स वॉट इज देंगुलर डी एक्सिलरेशन तो इसमें क्या बड़ी बात है एक बार जरा सा देखो पहले वो छवल्यूशन पर सेकेंड शो कर रहा था अब वो दो रेवल्यूशन पर सेकेंड शो कर रहा है ये घटना हुई है छह सेकंड में तुम्हें एंगुलर या फिर बताना है तो सबसे पहले देखो छूशन पर सेकेंड का मतलब क्या है इसका मतलब ये सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू पाई रेडियन पर सेकेंड तो ये तुम्हारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ गई ट्वेल्व पाई रेडियन पर सेकेंड बाद में दो रेवल्यूशन पर सेकेंड दो रेवल्यूशन पर सेकेंड तो एक रेवल्यूशन में टू पाई रेडियन होता है दो रेवल्यूशन में हो गया पास radian, तो टू टू टाइम्स ऑफ पाई रेडियन तो पर तुम्हारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई इट इज इक्वल टू फोर पाई रेडियन पर सेकेंड ये दुर्घटना कितनी टाइम में घटी है छह सेकेंड में घटी है तो जो तुम्हारे में सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहां पर आएंगे तो आई कैन से ना 4 पाई इज इक्वल टू 12 पाई प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टाइम 4 पाई इज इक्वल टू 12 पाई प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 6 अल्फा की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई ये वाली वैल्यू आ गई -8 पाई बाय सिक्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर देखो बिल्कुल क्वेश्चन क्वेश्चन अब एक ये देख लो फैन है छ रेवल्यूशन पर सेकेंड शो कर रहा था अब दो रेवल्यूशन पर सेकेंड में इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी गई छ सेकंड में अब की बार क्वेश्चन ये है आफ्टर शोइंग हाउ मेनी रेवल्यूशन हैज दिस हैपेंड कि जब तक वो छ रेवल्यूशन पर सेकेंड से दो रेवल्यूशन पर सेकेंड तक गया है तुमसे ये पूछा हुआ है कि कितने रेवोल्यूशन उसने शो किए तो इट इज लाइक तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी फाइनल दे 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 टाइम और डिस्टेंस पूछे तो सबसे पहले तुम लोग एक्सेलरेशन निकालते हो ना सबसे पहले तुम लोग एक्सेलरेशन निकालते हो तो अल्फा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है दोबारा से डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं ये वाली वैल्यू है माइनस फोर पाई बाई थ्री रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो हाउ मेनी रेवल्यूशन नहीं निकाल सकते तुम क्या करोगे तुम एंगुलर डिस्टेंस निकालो फिर बोल दो कि एक रेवोल्यूशन में टू पाई रेडियन है तो इतने रेवल्यूशन में इतने रेडियन हुए तो तुम लोग एंगुलर डिस्टेंस निकालोगे इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देखो कितनी थी ट्वेल्व पाई थी तो यहाँ पर आ गया ट्वेल्व पाई टाइम कितना हुआ है छ प्लस हाफ ऑफ अल्फा अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई माइनस फोर पा बाई थ्री टाइम कितना है 6 का स्क्वायर ये बच्चों तुम्हारे पास थीटा आगे तुम लोग लिख सकते हो अगर तुम्हारे पास एक रेवोल्यूशन है तो वहां पर टू पाई रेडियन आया है तो अगर मान लो यहां पर एक्स रेवोल्यूशन है तो यहां पर थीटा रेडियन आया है तो x रेवल्यूशन कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू थीटा बाय टू पाई रेवल्यूशन एक बार जरा सा देख लीजिए कितनी स्लाइड्स हो गई फिफ्टी वन स्लाइड हो गई ठीक है बच्चों देखो ये मत करो कितनी और देर कितने वो देर तुम एहसान थोड़ी कर रहे हो मेरी क्लास लेके ना तो तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो मेरी क्लास लेके ना तुम किसी और पे एहसान कर रहे हो ये तुम्हारे सिलेबस का है सो दी ओनली पर्सन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट हेयर

एक बार जरा सा देखे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आओ यार तुम्हारा ही सिलेबस है मेरा सिलेबस थोड़ी है अब यहाँ पर यहाँ पर ये यह हो गया हमारे पास रोटेशनल कैनोमैटिक्स तो रोटेशनल कैनोमैटिक्स के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया बच्चों वो नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम तो देखो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट बच्चों ऐसे किया जाता है तो ऑब्वियसली बात है ये एक वेक्टर है इसको हम लोग लिखते हैं मोमेंट ऑफ एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एंगर वेलोसिटी तो आई कैन से दैट इट विल बी इन दी डायरेक्शन ऑफ दुलर वेलोसिटी इट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ठीक है उसी तरीके से मान लो अगर तुम्हें एक बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करना है जैसे कि तुमने अभी जब एक बॉडी रोटेट कर रही थी तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की लीनियर वेलोसिटीज को तुमने रिलेट किया था एंगुलर वेलोसिटी से फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को तुम लोगों ने रिलेट किया एंगुलर एक्सिलरेशन से अभी मान लो कि अगर तुम्हें एंगुलर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेट करना है तो याद रखना एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है इट विल ऑलवेज बी लीनियर मोमेंटम का मैग्नेट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उसको समझने के लिए ये वाला क्वेश्चन है बाकी एक बार जरा सा यूनिट्स एंड डिमेंशन की बात कर लेते हैं यूनिट क्या आ गया लीनियर मोमेंटम के लिए आ गया बच्चों के जी मीटर पर सेकेंड एक और डिस्टेंस आ गया यहाँ पर मीटर का तो यूनिट आ गया तुम्हारे पास के जी मीटर स्क्वेर पर सेकेंड उसी तरीके से मान लो अगर मैं बच्चों डिमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या आगे लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज बेसिकली टी माइनस अब इसके ऊपर बिल्ड करते हैं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम है इतना ही क्या समझ आया तुम्हें ना तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो ना इसीलिए टाइम लग रहा है क्लास में बिकॉज मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ बिठा के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ तो अगर क्लास के एंड तक तुम पचास क्वेश्चन कर जाते हो

तो बच्चों तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास लीनियर मोमेंटम आ गया इस डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू एम अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एंगुलर मोमेंटम निकालो लेकिन एंगुलर मोमेंटम कौन से पॉइंट के अबाउट निकालो तो एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट निकालो ए पॉइंट के अबाउट निकालो बी पॉइंट के ऊपर निकालो लैग हो रहा है वेट करो हो जाएगा कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए मुझे क्लास एंड करनी पड़े वेट करो I'll drink some water by then. हो गया ना ठीक है अपनी तरफ से रिफ्रेश कर लो मेरी तरफ से सब सॉर्टेड है अच्छा अब मैं ये बोल रही थी अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन ये जो गंदी सी इक्वेशन है जरा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि, कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड टू अर मोमेंटम अबाउट इज गोइंग टू बीवन बाई दिसन ठीक है तो अभी यहां पर यह मेरे पास बॉडी है इसके पास लीनियर मोमेंटम है एम वी का इस लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है तो अभी तुम्हें यह बताना है दट वॉट इज दर मोमेंटम अबाउट डिफरेंट पॉइंट जैसे कि अबाउट पॉइंट ओ कितना है अब अबाउट ए ए कितना है एंड अबाउट पॉइंट बी कितना है निकालते हैं वन स्टेप एट अ टाइम सबसे पहले ए पॉइंट के लिए निकालते हैं तो ये आ गया मेरे पास ए पॉइंट मैंने ए पॉइंट को पकड़ा कि आओ भाई ए पॉइंट तुम्हारे अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो मैंने क्या करी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ये लाइन चलेगी शुरू होगी फ्रॉम ए पॉइंट और खत्म होगी बॉडी की पोजीशन के ऊपर सो दिस इज आर ए एज यू ऑल कैन सी कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इट इज कंप्लीटली पैरल टू दिनियर मोमेंटम मैंने यहां पर परपेंडिकुलर लिखा है मतलब एंगुलर मोमेंटम का मेन फॉर्मूला ये है इट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पर मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो उस पॉइंट से शुरू हो रहा है जहां से मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहती हूँ और बॉडी के ऊपर आके खत्म हो रहा है ये पोजिशन वैक्टर पूरा का पूरा पैरल है लीनियर मोमेंटम के अबाउट तो आई कैन से लीनियर मोमेंटम ए पॉइंट के अबाउट है एंगुलर मोमेंटम नहीं है और समझ आ जाएगा बी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू कि मान लो ये मैं अभी इसको अपना बी पॉइंट मान लो ये अभी मुझे सेम बॉडी है सेम लीनियर मोमेंटम है लेकिन मैं एंगुलर मोमेंटम बी से देखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी बी पॉइंट से लेके एक लाइन खींचूंगी जो बॉडी तक जाएगी सो दिस इज माई आर बी अब मुझे ये देखना है इसका कौन सा कंपोनेंट है जो लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है तो कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है ना ये देखो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है एक बार जरा सा देखिए पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है तो मुझे फिर यहां पर दिक्कत की बात ही नहीं आई कैन से जो एंगुलर मोमेंटम के अबाउट होगा इट इज लीनियर मोमेंटम एम बी एक बार जरा सा देख लो और फिर बाद में आरबी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर ऑलरेडी क्या है ए है देखो व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू ए ही है ना देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा बच्चों अगर मैं ओ पॉइंट ले लूं कि मैंने बोला कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट अब तुमने क्या करा ओ पॉइंट से एक लाइन खींची जो बॉडी के ऊपर जाके खत्म हो रही है तो यहां से एक लाइन खींची और इस तरीके से बॉडी के ऊपर जाके खत्म हो रही है ये मेरे पास आ गया आर ओ लेकिन मुझे आर ओ नहीं चाहिए मुझे आर ओ का वो कंपोनेंट चाहिए जो मेरे लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है तो अभी अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो लीनियर मोमेंटम तो इस डायरेक्शन में है ना तो मुझे पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो मेरी लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर हो तो ऑब्वियस ही बात है दिस इज गोइंग टू बी द आर परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर की वैल्यू दोबारा से आ गई ए तो यहां पर क्या आया लीनियर मोमेंटम एमवी मल्टीप्लाइड बाय ए ये और क्लियर होगा अगर तुम ये वाला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास यहां पर ये है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जब वो उसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर है कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट के ऊपर है उसके पास कुछ लीनियर मोमेंटम होगा उस लीनियर मोमेंटम की वजह से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो तो सबसे पहले थीटा बीटा हम कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे तो अभी यू की वेलोसिटी से मैंने थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में हुआ ना एम यू कॉस ऑफ थीटा देखो

जो ओ पॉइंट से लेके बॉडी तक जाए तो ये आ गया मेरे पास पोजिशन वेक्टर लेकिन मुझे ये पोजिशन वेक्टर नहीं चाहिए मुझे इसका वो कंपोनेंट चाहिए जो मेरे लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर हो तो दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक बार जरा सा देखिए दिस इज परपेंडिकुलर तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ दी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ इट इज लीनियर मोमेंटम विच इज एम थीटा मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज मैक्सिमम हाइट आ गया आंसर खत्म तो वैल्यू कितने हुआ ये आ गया एमयू कॉस थीटा और ये तुम्हारे पास आ गया यू स्क्सर थीटा बाई टू जी इसको आगे नहीं सॉल्व करना है दिस गिव्स यू द द आंसर लीनियर मोमेंटम भी जीरो एट पॉइंट नो इट विल नॉट बी लास्ट की क्लासेस जाके देखो हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं होती लेकिन एक्सट डायरेक्शन में होती है विच इज यू कॉस थीटा तो हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है एम यू कॉस ऑफ थीटा का एक बार जरा सा देखो और क्लैरिटी आ जाएगी ये वाले क्वेश्चन की हेल्प से तुमसे ये पूछा हुआ है व्हाट इज द द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जब वो ग्राउंड को हिट करता है ठीक है जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो मैंने बॉडी को यू की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है एट एन एंगल थीटा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा यू की वेलोसिटी से ही हिट करेगा तो यहाँ ये वाले पॉइंट पे इसका मोमेंटम कितना आया एम यू देखो मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर तीन क्वेश्चन करे फिर ये क्वेश्चन करा उसी के ऊपर मैं दोबारा से रिपीट कर रही करी टॉर्क में डिटो सेम चीज करेंगे हम लोग तो टॉर्क के क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी यू विल ऑल फील कि एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन हो रहे हैं तो अब की बार तुम्हें ये बताना है कि जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करता है तो उस समय व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो सबसे पहले मैंने लीनियर मोमेंटम देखा अब मैं क्या करूंगी अब मैं पोजिशन वैक्टर बनाऊंगी तो ये आया मेरा पोजिशन वेक्टर और मैं इस पोजिशन वेक्टर से खुश नहीं हूं क्यों खुश नहीं हूं बिकॉज दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू माई लीनियर मोमेंटम तो मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे न? मुझे इसका सिर्फ वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो लीनियर मोमेंटम के तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ये देखो रुको ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिस इज आर परपेंडिकुलर अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना तो तुम यहां पर ये वाला ट्राइंगल देखो इतनी कोई बड़ी बात नहीं कर दी ये मेरे पास ट्राइंगल है ठीक है थीके? तो थीटा की हेल्प से तुम्हें ये वाली साइड को और ये वाली साइड को रिलेट करना है थीटा की हेल्प से तुम लोगों को ऑपोजिट और ऑपोजिट uh, और हाइपोटेनियस रिलेट करना है साइन थीटा लीजिए थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाई दाइपोटेनियस जो कि यहाँ पर क्या है <coughs> तो आर पर आ गई रेंज मल्टीप्लाइडर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट होगा ना इट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम आ गया तुम्हारे पास एमयू मल्टीप्लाइड बाई दर्पेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी वैल्यू आ गई रेंज मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा

तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में एम का लेती मतलब अगर तुम लोग को नहीं समझ आयो कि यार दी लास्ट में क्या बोले आप लास्ट में मैंने डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच के बारे में बात की देखो डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच के बारे में कैसे बात की ना रुको डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच के बारे में कैसे बात की कि अभी तक हम लोग लीनियर मोमेंटम को एज इट इज रख के हम लोग पोजिशन वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे थे अब की बार मान लो मैं पोजिशन वेक्टर को रेंज ही रहने देती हूँ पोजिशन वेक्टर को रेंज ही रहने देते लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढ लेते तो क्या आया ये आया ना साइन थीटा बात तो एक ही होगी बात तो एक ही होगी कि जो एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट होगा अब की बार वो वाली वैल्यू आ गई पोजिशन वेक्टर को एज इट इज रखा लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढ लिया एक बार जरा सा यहां पर देख लो यहां पर कौन सी दो चीजें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुई है यहां पर ये वाली चीज इससे ये वाले केस में मल्टीप्लाई हो गई थी इससे ये वाले केस में ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो गई थी इससे ठीक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए वी आर बेसिकली एक को फिक्स रख के दूसरे का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो यहाँ पर हमने लीनियर मोमेंटम को फिक्स रखा पोजिशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया यहाँ पर मैंने वेक्टर को एज इट इज रखा तो लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया ठीक है एक बार जरा सा देख लीजिए बता दिया बता दिया मैंने जितना कुछ भी था अभी मैंने मल्टीपल क्वेश्चन की हेल्प से करवा दिया अब यहाँ पर और समझते हुए ये वाला क्वेश्चन देखो अब की बार बॉडी रोल कर रही है ठीक है या अब की बार बॉडी रोल कर रही है उसके पास एक तो आई ओमेगा का एंगुलर मोमेंटम है ड्यू टू तो इट्स रोटेशन और साथ में ये लीनियर मोशन भी ये शो कर रही है मान लो इसके मास की वैल्यू है एम और ये बी की वेलोसिटी से मूव करती है अब सब बच्चे वापस आ जाएंगे सब बच्चे वापस आ जाएंगे जो भी तुम्हारे डाउट रह गए हैं उसको टॉर्क के लिए छोड़ दो जैसे क्वेश्चन तो मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन टॉर्क के लिए करवाऊंगी तो जो यहां से नहीं क्लियर हुआ आगे क्लियर हो जाएगा क्योंकि आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरी क्वेश्चन आई हैव रिपीटेड माई सेल्फ ट्वाइस सो आई दर यू कैन रीविजिट द सेम एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन और यू कैन बी पेशेंट अंटिल आई रीच टॉर्क एंड आई मेक ऑल ऑफ यू सॉल्व क्वेश्चन ऑन टॉर्क अभी के लिए सारे बच्चे ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे तो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है दोनों के बीच में डिफरेंस है जैसे कि ये अच्छा क्वेश्चन है जेनुअन क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने एक और इंटेलेक्ट लेवल ऐड कर दिया कि यहाँ पर बॉडी सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन शो कर रही थी तो तुम जो एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन की वजह से था अब की बार यहाँ पर क्या है यहाँ पर सिर्फ लीनियर मोशन था यहाँ पर जरा सा देखिए यहाँ पर सिर्फ लीनियर मोशन था तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ लीनियर मोशन की वजह से आ रहा था यहाँ पर बच्चों लीनियर मोशन तो है ही है साथ में यहाँ पर रोटेशन मोशन भी है तो एंगुलर मोमेंटम आपकी बार लीनियर मोशन की वजह से भी आएगा और रोटेशन मोशन की वजह से भी आएगा कैसे लेट मी मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हियर द क्वेश्चन इज देंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट ए अबाउट पॉइंट ओ एंड अबाउट पॉइंट बी तो सबसे पहली बात तो ये देखो सबसे पहली बात ये मैंने तुम्हें दो फॉर्मूलाज लिखाई हैं एंगुलर मोमेंटम के दिस इज ड्यू टू दी रोटेशन दिस इज ड्यू टू दी रोटेशन ये तुम्हारा पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा की वॉट इज देंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यू टू दोटेशन वो डिपेंड करेगा कि मैं कहा से देख रही हूँ नहीं लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो लीनियर मोशन की वजह से होगा वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर uh, डिपेंड करेगा सो दिस इज ड्यू टू दीनियर मोशन अभी इसका क्या मतलब है बच्चों क्वेश्चन की हेल्प से समझोगे तो वो तुम्हें ज्यादा क्लियर uh, होगा कि अगर मैं लिखना चाहू व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट एंड इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी पॉइंट तो सब में उसके रोटेशन की वजह से जो कंपोनेंट है या फिर रोटेशन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है इट विल बी फिक्सड इट विल बी फिक्स कि यहां पर भी तुम्हारे पास आई आए, ओमेगा आएगा देखो यहां पर भी आई आए, ओमेगा आएगा यहाँ पर भी आई ओमेगा आएगा यहाँ पर भी आई ओमेगा आएगा बिकॉज ये वो एंगुलर मोमेंटम है जो रोटेशन ऑफ द बॉडी की वजह से है और रोटेशन ऑफ द बॉडी की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी पोजिशन वैक्टर दैट विल नॉट डिपेंड ऑन दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस दैट इज तो जो आंग्लर मोमेंटम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है दैट इज दंगल मोमेंटम ड्यू टू दिनियर मोशन ड्यू टू दीनियर मोमेंटम तो अभी अगर मैं वो वाले कंसेप्ट के ऊपर आऊं तो यहां पर देख लो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है तुम्हारे पास एम वी क्योंकि अभी मुझे उसी की कंट्रीब्यूशन लिखनी है तो अगर मैं ए पॉइंट से शुरू करूं देन दिस इज द दोजिशन वेक्टर आप देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे से पैरेलल है परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन ही नहीं सकते यहां पर आ गया जीरो बी पॉइंट के ऊपर बात करूं तो बी पॉइंट के लिए तुम देख पा रहे हो पोजिशन वेक्टर बच्चों तुम्हारे पास ये है इट इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर इट इज इक्वल टू ए तो कंट्रीब्यूशन आ गया लीनियर मोमेंटम एम वी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए अभी अगर मैं अबाउट बात करूं दिस इज दिन करूंगी मैं, मैं सिर्फ वो component consider करूंगी जो मेरी linear momentum के perpendicular है. This is our perpendicular A. तो यहां पर कंट्रीब्यूशन आ गया एम वी मल्टीप्लाइड बाई ए सो दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से जितने क्वेश्चन उतनी क्लैरिटी तुमने यहां पर दो फॉर्मुलाज देखे दो फॉर्मुलाज है एंगुलर मोमेंटम के एक है ये फॉर्मूला एक है ये फॉर्मूला दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अगेन दिस इज डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम दिस इज द एंगुलर मोमेंटम दैट अ बॉडी इज प्रोसेसिंग बिकॉज इट इज रोटेटिंग दैट विल नॉट डिपेंड ऑन योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बॉडी रोटेट कर रही है उसको कहीं से भी देख लेना उसका आई ओमेगा का एंगुलर मोमेंटम उससे एसोसिएटेड होगा अब मैं ये बोल रही हूँ कि एक एंगुलर मोमेंटम स्पेशल एंगुलर मोमेंटम होता है जो एसोसिएटेड होता है किसी एक के कि तुम वो हो, वजह से, से कर रहे हो जो कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि आई ओमेगा तीनों में है बिकॉज दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द बॉडी दिस इज ड्यू टू द लिनियर मोशन ऑफ द बॉडी दिस इज ड्यू टू दिनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विच विल डिपेंड ऑन योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है अब आ जाओ बच्चों टॉर्क के ऊपर अब आ जाओ टॉर्क के ऊपर उसी तरीके से अभी अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क को बच्चों ऐसे किया जाते हैं। तो टॉर्क होता है हमारे पास मोमेंट तो तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना ले ले फोर्स को रख के आर का परपेंडिकुलर ले लेना ले ठीक है

तो अभी तक हम लोग लीनियर मोमेंटम और पोजिशन वैक्टर ले रहे थे अब हम फोर्स और पोजिशन वैक्टर लेंगे तो तुमसे ये क्वेश्चन है कि जब बॉडी हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर है सब बच्चे सुनते जाएंगे ठीक है सब बच्चे सुनते जाएंगे कोई भी बच्चा स्पैम करेगा इट विल बी ब्लॉक चाहे तुम मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर इनरेगुलर स्टूडेंट हो नो वन इज अलाउड टू स्पैम इन द कमेंट सेक्शन अभी यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है तुमने बॉडी को यू की वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका अब तुम्हें तो बोला हुआ है कि जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो तुम सबसे पहले यहां पर फोर्स लोगे तो देखो फोर्स मेरे पास क्या आ गया? आ गया गया फोर्स मेरे पास MG. अब बच्चों पोजिशन वेक्टर लोगे तो ये आ गया मेरे पास पोजिशन वेक्टर अब मुझे क्या करना है इस पोजिशन वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो मेरे फोर्स से परपेंडिकुलर है एंड वॉट इज दैट कंपोनेंट इट इज दिस कंपोनेंट दिस इज आर परपेंडिकुलर ट ऑफ दर जो इससे परपेंडिकुलर है विच इज इक्वल टू वॉट रेंज डिवाइडेड बाई टू जरा सा देखिएगा इसी कंसेप्ट को और क्लियर होते हुए ये वाले क्वेश्चन की हेल्प से अब की बार तुमसे पूछा हुआ है अगेन

तो जो टॉर्क पॉइंट के आया है इट इज इक्वल टू कितने फोर्स की वजह से आया है अब इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है पोजिशन वेक्टर का विच इज सिंपली सिंपली रेंज आई एम होपिंग नाउ दिस इज क्लियर ठीक है रेंज डिवाइडेड बाई टू कैसे है आप भी देखो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो लास्ट वाली क्लास देखो यही बोल सकती हूँ मैं ठीक है सो अंडरस्टैंड दी बॉडी वॉज नॉट रोटेटिंग एयर यू नीड मतलब मैं यही चीज तुम्हें बताना चाहती हूँ चाहे मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं बच्चों या टॉर्क की बात करूँ ठीक है एंगुलर मोमेंटम जो रोटेशन की वजह से होता है इट इज दिस एंगुलर मोमेंटम जो तुम फोर्स की जो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की वजह से होगा इट इज दिस उसी तरीके से जो टॉर्क तुम डिफाइन कर रहे हो इन दर्म ऑफ एंगर एक्से रोटेशन इज दिस और जो टॉर्क तुम फोर्स की वजह से निकाल रहे हो वो ये वाले फॉर्मूला से पता लगेगा जितने क्वेश्चन उतनी क्लैरिटी ठीक है अभी जैसे इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराना चाहूंगी रुको कहाँ पर है वो क्वेश्चन जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखना ये क्वेश्चन देखो मैंने तुमसे यहां पर ये क्वेश्चन पूछा कि इस तरीके से तुम्हारे पास एक डिस्क था इस डिस्क का मास है एम और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई दे दिया इसका आर का रेडियस है ठीक है तो अब मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ व्हाट इज दी लीनियर एक्सिलेशन प्रोड्यूस एट पी पॉइंट अगर पी पॉइंट पे मैं एफ फोर्स लगा रही हूँ तो तुम लोग देख पा रहे हो ना पी पॉइंट पे जब तुम लोगों ने एफ फोर्स लगाया नंबर वन टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो स्टेप नंबर वन टॉर्क प्रोड्यूस हुआ टॉर्क तो किस पॉइंट के अबाउट प्रोड्यूस हुआ ओ पॉइंट के अबाउट प्रोड्यूस हुआ तो जो टॉर्क ओ पॉइंट के ऊपर ओ पॉइंट के अबाउट प्रोड्यूस हुआ इट इज इक्वल टू तुमने कितना फोर्स लगाया मल्टीप्लाइड बाय कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर सो दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है अब इसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा एंड दिस एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट पॉइंट ओ इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ तो वो वाली वैल्यू तुम्हारे पास आ गई एफ डिवाइडेड बाई तो ये तुम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस निकाल लिया अब तुमसे ये नहीं पूछा हुआ है तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एट पी पॉइंट तो आई कैन से ना एंगुलर एक्सेलरेशन इज द लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एट पी पॉइंट डिवाइडेड बाय आर पी अभी आज के क्लास में तुम्हें कराया तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया एफ डिवाइडेड बाय आई लीनियर एक्सेलरेशन पी पॉइंट के लिए निकालना है पी पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है कैपिटल आर के डिस्टेंस के ऊपर है तो तुम देख पा रहे हो एपी की वैल्यू आ गई एफ आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है <coughs> एक बार जरा सा यहां पर देखिए <coughs> उसी तरीके से एक बार ये वाला क्वेश्चन भी देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है कि ये तुम्हारे पास एक रॉड था ठीक है ये तुम्हारे पास एक रॉड है ये रॉड वेट की वजह से गिरा दिस इज द पॉइंट ऑफ हिंजिंग और अब वो जो रॉड है ये वाली पोजीशन में आ चुका है सच दैट रॉड हैज फॉलन बाय एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ थीटा तो ये वाली पोजीशन में इस रॉड के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है निकालो या तो फोर्स को एज इट इज रख के डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो ये डिस्टेंस को एज इट इज रख के फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो तो मैं अभी सबसे पहले फोर्स देखूंगी कि ये वाली पोजीशन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इट इज इक्वल टू mg जो लगा ऐसे ये आ गया मेरे पास mg उसी तरीके से बच्चों ये आ गया तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर जरा सा देखो ये तुम्हारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर क्योंकि तुम्हें टॉर्क निकालना है अबाउट दिस पॉइंट जब वो ये वाली पोजिशन में है तो ये वाली पोजिशन में फोर्स लगाया फोर्स निकाला पोजिशन वेक्टर देगा अब मुझे पोजिशन वेक्टर नहीं आ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्यों नहीं लग रहा बिकॉज ये परपेंडिकुलर नहीं है मेरे फोर्स के तो मुझे इसका वो कंपोनेंट चाहिए जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो विच इज गोइंग टू बी ये वाला कंपोनेंट दिस इज आर परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो? आ जाएगी आर नॉट कॉज ऑफ थीटा देखो ना ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा यहाँ पर एक ट्राएंगल बना ना दिस इज द दाएंगल तुम लोग देख पा रहे होगे गे यहाँ पर इस तरीके से दिस इज ट्रायंगल दिस इज थीटा दिस इज आर दिस इज मान लो आर नॉट विच इज बेसिकली एल बाई टू दिस इज आर परपेंडिकुलर तुम समझ पा रहे हो दिस इज आर परपेंडिकुलर पेंडिकुलर विच इज इक्वल टू आर नॉट कॉस ऑफ थीटा और विच कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू एल बाई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा तो किसी बच्चे ने अगर रटा होगा तो ऑब्वियसली बात है अगर उसको कॉस दिख गया इक्वेशन में उसको लगेगा गलत है कि नहीं टॉर्क में तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन ही आना चाहिए तो रट के मत बैठो सिचुएशन विल डिसाइड तुम्हारी जो कंक्लूजन है वो किस तरीके के नजर आ रहे हैं तो आर परपेंडिकुलर हो गया है ये देखो एम लग रहा है ऐसे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई टॉर्क की वैल्यू आ गई फोर्स की मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए सो दिस इज दी टॉर्क और ये वाला जो टॉर्क है किस पॉइंट के अबाउट हमने निकाला है ये वाला टॉर्क हमने निकाला है ये वाले पॉइंट के अबाउट समझे एक बार जरा सा देखो आई एम होपिंग अभी तुम्हें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है ठीक है तो वी आर फेजिंग इन इन फेज नंबर थ्री में हम लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं ठीक है अब बिफोर वी डिस्कस की और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है लेट इस टॉक अबाउट दंजर्वेशन ऑफ देशन ऑफ मोमेंटम आई नो बच्चों तीन घंटे हो चुके तीन घंटे uh, अभी छह मिनट में होने वाले एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग कंज्यूम्ड इवन आई एम एज वेल बट दैट इज नो रीजन टू गिव अपने ट्रेनर ये चीज बोलते थे और मैंने कहीं और से भी सुनी थी कि अगर तुम दस पुशअप लगा रहे हो तो दस पुशअप लगाना इज नॉट अ बिग डील वो ग्यारहवा पुशअप मैटर करता है फिर बारहवा पुशअप उससे ज्यादा मैटर करता है तेरवा पुशअप उससे ज्यादा मैटर करता है और जितना ज्यादा पुश करते जाओगे तुम कितने अमाउंट से पुश कर रहे हो वो मैटर करेगा 600 मार्क्स ले आएगा कोई भी मेहनती बच्चा 600 से 620 तक जाना मतलब मुश्किल है 620 से 640 तक जाना उतना ही उससे ज्यादा मुश्किल है छह से छ और ज्यादा मुश्किल छ से छ और ज्यादा मुश्किल so there is no other way i did not ask you to uh, be a doctor you did not ask me to be a teacher but we have decided you have decided to be a doctor i have decided to be a teacher so let us do this like it should happen take okay. a conservation of linear moment uh, conservation of angular momentum लेटेस्ट फिनिश ऑफ विद एंड ऑन नोट हमारा आखिरी क्लास है वीक ऑफ डे कोर्स का मुझे पता है बहुत मुश्किल हो रहा है लेकिन बच्चों मैं भी तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना और तुम लोग कमेंट सेक्शन में बैठे हो तो मैं तुम्हें दिखती ही रहूंगी तुम्हारे कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में दिखते रहेंगे सो वी विल यू नो शो दैट रिलेशनशिप वेयर वन इज हेल्पिंग द अदर एंड द अदर इज हेल्पिंग द फॉर्मर ठीक है Let us begin. Conservation of angular momentum. तो देखो अभी पर ना बातें बातें नहीं है. बाते कैसे नहीं कैसे कि अगर तुम के ऊपर लगाओ, उसका मोमेंटम चेंज होता है तो अगर तुम बॉडी के ऊपर टॉर्क लगाओगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो आई कैन से मान लो अगर बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मानते हो ना तो उसी तरीके से आई कैन से कि मान लो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चों सिस्टम का द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन दिस इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड कोई बड़ी बात नहीं करी है मैंने बड़ी जेन्युइन सी बात की है बस बच्चों ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ना दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ ये देखो बस ये टॉपिक खत्म क्वेश्चंस शुरू दिस इज दंजर्वेशन ऑफ एंगल मोमेंटम टॉपिक खत्म ठीक है अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे ना क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज मैटर करती है लेटक अबाउट देशन ऑफ एंग ठीक है ना अब सबसे पहले कंसेप्चुअल चीज बताती हूँ तुम्हें ठीक है ये एनसीआरटी में गिवन है और इससे बहुत प्यारे तरीके से तुम्हारा क्लियर होगा तो बच्चों क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि मान लो जितने भी तुम्हारे आइस कैप्स हैं नॉर्थ पोल पे हैं साउथ पोल पे हैं मान लो पिघल जाते हैं तो अगर मान लो आइस कैप्स जो पोल्स के ऊपर हैं मान लो बच्चों अगर वो मेल्ट कर जाए तो इसकी वजह से जो हमारा दिन का टाइम है जैसे कि अभी 24 घंटे का दिन होता है तो फिर बाद में टाइम ऑफ द डे इज गोइंग टू इंक्रीज टाइम ऑफ द डे इज गोइंग टू डिक्रीज और विल रिमेन कांस्टेंट तो वील सिंपली टॉक अबाउट द एक्चुअली आइस का पोल्स के ऊपर मेल्ट पानी बन गए फैल गए मास ऑफ दिस्टम रिमेन सेम ठीक है पहले जितना मास था मास उतना ही है बस पहले मास था अर्थ का बर्फ बर्फों का अब मास है बर्फों का अर्थ का और जो तुम्हारा थोड़ा सा आइस कैप की मेल्टिंग की वजह से पानी बन गया कांस्टेंट है ना मास कैन नाइटर बी क्रिएटेड लेकिन अभी जो मासन से दूर जा रहा है तो आई कैन से क्या हुआ मोमेंट ऑफ एनर्शिया हुआ इनक्रीज मोमेंट ऑफ एनर्शिया हुआ इंक्रीज विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क बच्चों को एक्सटर्नल टॉर्क थोड़ी लगा था वॉज नो एक्सटर्नल टॉर्क और बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के मोमेंट ऑफ एनर्शिया कर गया इनक्रीज तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है एंग्लो मोमेंटम कंजर्वड है एंग्लो मोमेंटम कंजर्व है मतलब आई मल्टीप्लाइड बाईगा कॉन्स्टेंट है तो बच्चो सोचो ना अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज करो आई कैन सेमेगा डिक्रीजेस अगर ओमेगा बच्चों डिक्रीजेस तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है टाइम पीरियड इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस मतलब ओमेगा डिक्रीज हो गया जिस जितने तेजी से अर्थ घूम रहा था वो डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है दिन का टाइम बढ़ गया जो कि तुम लोग चाहोगे ठीक है अभी तुम लोग गंदे भी ऐसे हो कि क्या पता प्रे करने लग जाओ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग नीट का एग्जाम सत्रह जुलाई को है बट हमें दिन में चौबीस घंटों से ज्यादा चाहिए तो तुम प्रे कर रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाए

तो तुमसे ये पूछा हुआ है कि जब ये बुलेट मान लो यहां पर इसी तरीके से एम्बेड हो जाए तो अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है पॉइंट के वेलोसिटी से घूमेगा? क्वेश्चन समझ गए? ये तुम्हारे पास रॉड है यहां से इस तरीके से एक बुलेट आए अब यहीं पे एम्बेड हो गए तो घूमेगा ना तो कितनी वेलोसिटी से घूमेगा बच्चों बस तुम्हें यही वाली बात बतानी है तो तुम लिखो तो तुम देखो अगर सिस्टम कंसिडर करोगे रॉड को तो रॉड के ऊपर टॉर्क लगाए बुलेट ने दिया उसी तरीके से अगर तुम बुलेट को कंसिडर करोगे बुलेट के ऊपर टॉर्क लगेगा क्योंकि वो रॉड के अंदर एम्बेड हो गया और अब रॉड घूम रहा है तो मैं सिस्टम को ना तो बुलेट मान के चलूंगी ना रॉड मान के चलूंगी समझना मैं यहां पर सिस्टम को मान के चलूंगी बुलेट बुलेट और रॉड तो अगर मैं इसको अपना सिस्टम मान के चलूं तो यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है इसका मतलब बच्चों जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व रहेगा तो देखो अभी मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे बोलू कि मार्क्स कितने आ रहे हैं तुम बोलो कि हमारे सब हमारे पूरे साल जीरो मार्क्स आए हैं सो तो इट डज नॉट मैटर कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट को उठा के तुमसे पूछ लूं तो अभी अगर तुम बोल रहे हो कि जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम था पहले वही बाद में भी है तो तुम उसको कहीं से भी देख लो जितना पहले था उतना बाद में ही होगा तो मैंने सोचा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि ऐसे करो ओ पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर दो मोमेंटम तो मैं बोल दूंगी कि जितना ओ के था मोमेंटम था इनिशियली उतना ही एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट होगा फाइनली भी बड़ी जेन्युइन सी बात है कि अबाउट जितना एंगुलर मोमेंटम था इनिशियली उतना फाइनली भी होगा अभी अगर मैं इनिशियल केस की बात करूं तो इनिशियल केस में मेरा रॉड तो बिल्कुल ही थी। तो मैं बुलेट के पास गई मैंने बुलेट को बोला बुलेट तुमने कितना एंगुलर मोमेंटम दिया था तो उसने बोला कि देखो दी मेरे पास लीनियर मोमेंटम का था एमयू का इनिशियल केस की बात हैं मेरे पास लीनियर मोमेंटम था एमयू का

पॉइंट के अबाउट उसने बोला L था मैंने कहा ठीक है तो तुमने मतलब लीनियर मोमेंटम एम की वजह से एंगुलर मोमेंटम दे दिया एम वी मल्टीप्लाइड बाई एल

रॉड घूम रहा है ऐसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वजह से आ गया एम एल बुलेट की बात करूं तो बुलेट यहां पर लोकेटेड है कितने डिस्टेंस के ऊपर एल डिस्टेंस के ऊपर ये वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम एल स्क् खत्म देखो एक बार जरा सा बच्चों ये हो गया तुम्हारे पास खत्म ये आ गया मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ द बुलेट

लेकिन यहाँ पर जो बुलेट है नीचे आके नहीं हिट कर रही है यहाँ पर अगर मान लो ये रॉड तुम्हारे पास चार मीटर का है ना तो बुलेट यहाँ पर इस तरीके से तीन मीटर पे आके भीड़ रही है और फिर बाद में यहाँ पर ये एम्बेड हो जाती है और फिर ऐसे घूमती है तो तुमसे ये पूछा हुआ है कि जब ये पूरा का पूरा सिस्टम घूमेगा तो मान लो अगर वो ओमेगा की एंगुलर विलोसिटी से घूम रहा है सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एंगुलर वेलोसिटी दिस इज योर क्वेश्चन तो बोलो कि जो मेरे पास सिस्टम है जिनको भी पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट हुआ है यहां पर आ जाओ सेम क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ अच्छी तो बात ठीक है यहां पर तीन आएगा तुम्हारे पास ठीक है ये यह देखो यहाँ पर डेफिनेटली तीन आएगा आओ एक बार जरा सा वही डिस्कशन यहां पर कर लेते तो मैंने बोला कि भाई देखो मेरा जो सिस्टम है ना सिस्टम के अंदर रॉड भी है सिस्टम के अंदर बुलेट भी है तो बुलेट जो फोर्स लगाएगा रॉड के ऊपर उसकी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ सकता रॉड जो फोर्स लगा रहा है बुलेट के ऊपर उसकी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ सकता तो आई कैन से कि यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का इट इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व मैंने उसको बच्चों कंजर्व कर दिया ओ पॉइंट के अबाउट मैंने इसको कंजर्व कर दिया ओ पॉइंट के अबाउट और लिख दिया कि भाई देखो सिस्टम का जितना एंगुलर मोमेंटम था ओ पॉइंट के अबाउट इनिशियली सिस्टम का उतना ही एंगुलर मोमेंटम होगा ओ पॉइंट के अबाउट फाइनली ठीक है एक बार जरा सा बच्चों यहां पर देख लीजिए मैंने ये वाली बात बोल दी तो तो इनिशियली मेरा रॉड रॉड रेस्ट के ऊपर था ने कुछ नहीं करा ये जितना भी करा है, बुलेट करा है। और बुलेट घूम रही है इसीलिए एंगुलर मोमेंटम नहीं लेके आई है बुलेट के पास लीनियर मोमेंटम था इसीलिए वो ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेके आई है तो देखो दिस इज द लीनियर मोमेंटम एम वी जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है छे तो छे का लीनियर मोमेंटम है ये आ गया तुम्हारे पास पोजिशन वेक्टर तुमने पोजिशन वेक्टर का वो कंपोनेंट ले लिया जो लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है तो ये लीनियर मोमेंटम छ ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट तीन कितना एंगुलर मोमेंटम अठारह कितना एंगुलर मोमेंटम बच्चों अठारह है ना तो ये आ गया तुम्हारे पास एम मल्टीप्लाइड बाय थ्री विच इज बेसिकली कितना विच इज बेसिकली अठारह अब इसकी वजह से दोनों घूमेंगे जो रॉड है वो भी घूमेगा जो बुलेट है वो भी घूमेगी तो दोनों एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेंगे वही ओमेगा की वैल्यू तुम्हें बतानी है तो लिखो यहाँ पर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंट ऑफ ऑफ द रॉड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा यही वो ओमेगा है जिसको निकालने के लिए तुम इतना माथा अपना पीट रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ फिनर्शी ऑफ द रॉड मोमेंट ऑफ फेनर्शी ऑफ द रॉड आ गया तुम्हारे पास एम एल स्क् तो ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितनी मैं नहीं करूंगी मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ द रॉड आ गया ये ठीक है बुलेट की बात करूं तो तुम देख पा रहे हो बुलेट यहां पर ऐसे एम्बेड हो गई ना ऐसे एक केजी की बुलेट एम्बेड हो गई तीन मीटर के डिस्टेंस के ऊपर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बुलेट सबस्टिट्यूट एन सोल्व चाउच एक बार जरा सा देख लो ठीक क्या ये चीज क्लियर एम वी की वैल्यू सेवेंटी टू कैसे हो गए भाई मास तुम्हारे पास वन है बी की वैल्यू छ है ये आ गया अच्छे छे और तीन तुम्हारे पास कितना अठारह है ना फिर की दे रहे हो फालतू में ठीक है एम एल स्क्वायर स्क् क्योंकि रॉड ये वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना हम एंगुलर मोमेंटम ये वाले पॉइंट के अबाउट निकालने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो यही वाले पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो ये वाले पॉइंट के अबाउट रॉड का रोटेशन ऐसे है एम एल स्क्वायर बाई थ्री बुलेट एक के जी की है ये वाले पॉइंट से तीन मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एम स्क्वायर ठीक है अब ये क्वेश्चन देखना तुम्हारे पास बिल्कुल मस्त सी एक डिस्क थी मास और रेडियस गिवन है दस रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी अब मान लो अगर यहाँ पर आके दो के जी का एक बच्चू पार्टिकल और दो के का एक बच्चू पार्टिकल आके चिपक जाता है व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बांधा नहीं भाई अब की बार दोबारा से इट डिपेंड ऑन दी सिस्टम ढंग से देखो यहाँ पर system मेरे पास एक तो डिस्क है पहले वाला पार्टिकल है, दो केजी का और दूसरे वाला पार्टिकल है, दो का. तो external यहां पर कुछ नहीं हुआ. दी रॉड की लेंथ चार या तीन रॉड की लेंथ तो चार है ना यार क्या कर रहे हो मतलब वी डिस्कस्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानते हूँ अभी बहुत लंबी क्लास हो गई तो थोड़ा सा बैरिकेड आ रहा है बट स्टिल ट्राई टू थिंक लेंथ इज फोर मीटर तो यहाँ पर एल में चार जाएगा लेकिन मैं बुलेट की बात कर रही हूं ना भाई तो बुलेट तो यहाँ पर है ना लास्ट वाले केस में बुलेट बिल्कुल पर 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 आके एम्बेड एम्बेड हुई हुई थी बुलेट हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ मीटर तो यहाँ पर बुलेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री का स्क्वायर लोगे ना क्या कर रहे हो आ जाओ आगे वापस आ जाओ तो अब की बार सिस्टम में डिस्क है और दोनों के दोनों बच्चू पार्टिकल्स हैं तो तुमसे यहां पर बात है मैं सीधा सीधा ये बोल सकती हूँ अपने ऊपर ध्यान दोगे खुशी तो आई कैन से कि जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो कितना है इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ ऑफ द डिस्क बाय फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है इट इज मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द डिस्क प्लस दो केजी के जी के बच्चों पार्टिकल की वजह से कितना मोमेंट ऑफ एनर्जी है तो दो के जी का पार्टिकल है दो के डिस्टेंस पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वजह से कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड तो पर आ गया एक बच्चों पार्टिकल की वजह से आठ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर दूसरे बच्चों पार्टिकल की वजह से आठ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी ओमेगा एफ की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है यही तो तुम्हें निकालना है तो तुम्हारे पास आया ना टेन टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क

देखो ये वाली वैल्यू भी तुम्हारे पास कितनी बन रही है आठ तो टेन टाइम्स ऑफ एट इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस एट टाइम्स ऑफ ओमेगा एफ ओमेगा एफ आएगा ठीक है ये मैं लूंगी सैटरडे से एकदम ठीक है अब आगे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन है आगे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन है रोटेशनल डायनामिक्स इज नथिंग इट इज की अगर मान लो तुम्हारे पास एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है इट विल ब्रिंग एन एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको तुम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आई कैन एनी डायरेक्शन मान लो एक्सटर्नल टॉर्क जो तुम्हारे पास आई कैप में आ रहा है ऐसे नहीं लगते ठीक है ये जरा सा एक बार जरा सा देख लो इसी के ऊपर एप्लीकेशन रोटेशन डायनामिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है उसी तरीके से मान लो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है ठीक है इसका मतलब कैन से पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है नो टॉर्क इज प्रेजेंट नो टॉर्क इज प्रेजेंट एक बार जरा सा देख लीजिए बच्चों दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है दैट दी टॉर्क्स आर बैलेंस्ड, टॉर्क्स आर बैलेंस्ड इसी को क्या बोला जाता है इसी को बोला जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसी को क्या बोला जाता है इसी को बोला जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम उसी तरीके से बच्चों में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करूंगी व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होगी जहां पर बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का नेट फोर्स नहीं लग रहा है क्वेशंस ही क्वेशंस हैं लेट अस डू सम क्वेश्चंस ताकि ये चीज और क्लियर हो फिर एक टॉपिक हमारे पास रह गया रोलिंग मोशन का सो दिस इज 69th स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू ठीक है अभी क्वेश्चन देखना ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास आते दिस इज दी रॉड बच्चों आई आई नो मुश्किल है थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ अभी 900 यार तुम ना मुझे बहुत फक्र है मतलब अच्छा, नाइस अमेजिंग अगर तीन और आधे घंटे तो होने को ही आए हैं कितने हो गए तीन घंटे पंद्रह मिनट हो गए अब भी नौ सौ बच्चे बैठे हुए बहुत कमेंडेबल बात है ठीक है तो लाइक like किसी ने नहीं किया तो बच्चों कर दोगे अभी तुम लोगों ने मुझे कर दिया खुश देखो अभी मैं कितनी एनर्जी से पढ़ाऊंगी मैंने तुम्हें कल ही टेलीग्राम पे बोला था ऑल ऑफ यू आर अ सोर्स ऑफ माई मोटिवेशन जैसे तुम लोग बोलते हो मैं तुम्हें मोटिवेट करती हूँ यू ऑल मोटिवेट मी एज वेल और अभी देखो कितनी एंथुजियास्टिक आगे की हर एक क्लास का पल जाएगा क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये ये है तुम्हारे पास एक रॉड ठीक है रॉड के यहाँ पर एक एज है दूसरा एज यहाँ पर है तो अभी रॉड को तुम दो एज के ऊपर रखोगे तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पर दूसरा नॉर्मल रिएक्शन आएगा मानते हो ना रॉड है 6 के जी का लेंथ है दस मीटर तो अगर रॉड है छ के जी का तो ऑब्वियसली बात है इसका वेट साठ न्यूटन लगेगा यहाँ पे इसके अलावा मैंने गंदी हरकत ये करी कि 20 न्यूटन का मैं एक और फोर्स मैंने लगा दिया यहाँ पर एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री मीटर फ्रॉम दिस एज तो सिचुएशन तुम्हारे पास ये है जो कि तुम्हें डायग्राम की फॉर्म में दिख रही है अब तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालो और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालो तो तुम समझो बच्चों ये तो सबसे ज्यादा इजी केसेस होते हैं द रीजन बीइंग रॉड इज नाइदर मूविंग रोटेटिंग तो अभी अगर रॉड मूव भी नहीं कर रहा है और फिर अगर रॉड रोटेट भी नहीं कर रहा है तो आई कैन से यहाँ पर दोनों तरीके के इक्विलिब्रियम है मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है सबसे पहली चीज क्योंकि यहाँ पर जो रॉड है किसी भी तरीके का लीनियर मोशन नहीं शो कर रहा है अगर लीनियर मोशन शो करता शोइंग जीरो एक्सिलेशन वो भी ट्रांसलेशनल इक्विलीब्रियम uh, होता लेकिन यहाँ पर तो किसी भी तरीके का लीनियर मोशन नहीं है तो आई कैन से कि यहाँ पर डेफिनेट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन प्रेजेंट है दूसरी बात ये रॉड इज नॉट रोटेटिंग एज वेल रॉड इज नॉट रोटेटिंग एज वेल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोथ ऑफ देम आर जीरो तो आई कैन से कि यहाँ पर जो मेरे पास रॉड है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी शो कर रहा है और बिल्कुल सही बात है कर रहा है तो इस बेसिस पे दो इक्वेशन लिखो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास दो वेरिएबल है ना बच्चों एक तो तुम्हें एन वन नहीं पता एक तुम्हें एन टू नहीं पता तो जब दो बातें नहीं पता होती तो तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए दो वेरिएबल है दो इक्वेशन चाहिए यू निकालेंगे

60, तो आई ना तुम्हारे पास एक इक्वेशन दट एन वन प्लस अगर टॉर्क जीरो है तो मैं अपनी से, आ, आ, डिसाइड करूंगी मैं, कि मैं कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर रही हूँ जैसे कि बच्चों हम लोगों ने बड़े क्वेश्चन करे आज की क्लास में मान लो अगर मैं ये वाले सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं एंगुलर मोमेंटम को कौन से पॉइंट के अबाउट कंजर्व करना चाहती हूँ तो मैंने सोचा ऑन द बेसिस ऑफ माई कन्वीनियंस की वाई नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ वही चीज अभी मैं यहाँ पर करूंगी कि भाई अगर यहाँ पर पूरा, का पूरा सिस्टम रोटेशन में है की कर सकती हूं। मैं उसको ये वाले पॉइंट के अबाउट भी, 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 भी तो मैंने रैंडमली सोचा की तमन्ना ऐसा करो ये वाले पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर दो मैंने बोला ठीक है जैसा तुम बोलो मैं पता ही है तुम जो बोलती हो तो मैं कर ही देती हूँ तो मैंने क्या करा टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ को बार मैंने जीरो कर देना है तो करो। आज सबसे पहले टॉर्क देखते हैं एन टू की वजह से तो टॉर्क एन टू की वजह से बच्चों आया ही नहीं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी अगर मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर मैं निकाल रही हूँ यहीं पे तुम लोगों ने फोर्स लगा दिया तो ऑब्वियसली बात है इसकी वजह से टॉर्क थोड़ी प्रोड्यूस होगा इट इज लाइक कि जो तुम्हारे घर पे गेट है तुम पॉइंट ऑफ हिंजिंग के ऊपर चाहे हथौड़ा मारते रहो तो गेट थोड़ी खुलेगा तुम्हें क्या करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ हिंजिंग से एक सर्टन डिस्टेंस के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा तब गेट खुलेगा यहाँ पर बिल्कुल वही बात है कि दिस इज दी पॉइंट जिसके अबाउट मैं टॉर्क को मेजर कर रही हूँ यहीं पर मैंने फोर्स लगा दिया कोई टॉर्क नहीं आएगा टॉर्क ड्यू टू एन टू इज इक्वल टू जीरो दूसरे वाला फोर्स अब जरा सा देखते हैं साठ न्यूटन तो अभी साठ न्यूटन की वजह से अब दोबारा से बच्चों प्लीज समझने की कोशिश करना दिस इज ऑफ हिंजिंग साठ न्यूटन लगा ऐसे तो साठ न्यूटन लगा पांच मीटर की के डिस्टेंस के ऊपर इसकी वजह से ये घूमेगा ऐसे सो वॉट इज दिस डायरेक्शन एक ऐसे डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना तो आई कैन से जो टॉर्क आ रहा है साठ न्यूटन की वजह से इट इज इक्वल टू साठ न्यूटन मीटर के के डिस्टेंस ऊपर लग रहा है और ये है एंटी क्लॉक में फिर मैं गई न्यूटन के ऊपर तो बीस न्यूटन का भी सेम हाल था कि बीस न्यूटन की बात करूं तो बीस न्यूटन का फोर्स लग रहा है अब देखो कितने डिस्टेंस के ऊपर ये है 10 मीटर ये है 5 मीटर ये है पांच मीटर ये 5 मीटर ये 3 मीटर तो ये 2 मीटर ये पांच मीटर ये दो मीटर तो ये सात मीटर तो बीस न्यूटन का फोर्स कहां पर लगा है कितने डिस्टेंस के ऊपर लगा है सात मीटर के डिस्टेंस पे ये भी एंटी क्लॉक वाइज के डायरेक्शन में घुमाना चाहता है अल्टीमेटली अभी अगर मैं टॉर्क को एन वन की वजह से निकालू सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंजिंग जिसके अबाउट मैं टॉर्क ले रही हूँ डज नॉट मीन दैट दी रॉड इज हिंज फ्रॉम हियर इट मीन आई एम सिंपली यू नो कैलकुलेटिंग टॉर्क फ्रॉम दिस पॉइंट अब मैंने एन वन लगाया ऐसे तो बिल्कुल ऐसे घूमेगा ये रॉड जैसे घड़ी घूमती है ठीक है तो इसकी वजह से जो टॉर्क आ जाएगा इट इज n1 वन की फोर्स की वजह से है दस मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और क्लॉकवाइज है तो बच्चा बाटी इतना तो मैंने तुम लोगों को आई फील लाइक कि इतना तो मैंने सिखा दिया होगा कि तुम ये देख पाओ कि जितना भी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है इट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड बाय द क्लॉकवाइज टॉर्क आपके पास n1 की वैल्यू आ गई एक बार जरा सा देखिए एन वन की वैल्यू आ गई ना क्लॉक वाइज स्टॉक को एंटी क्लॉक वाइज स्टॉक से जरा सा बैलेंस कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा टेन टाइम्स ऑफ एन वन इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड प्लस वन फोर्टी आगे सॉल्व नहीं करूंगी नहीं करूंगी एन वन की वैल्यू आ गई एन वन की वैल्यू आ गई तो तुम्हारे पास एन टू की वैल्यू आ गई गौर फरमाइए यहां से आई एन वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया यहाँ से आई एन टू की वैल्यू

फिर बाद में बीस न्यूटन की वजह से भी ऐसे घुमा और अल्टीमेटली एन वन की वजह से ऐसे घुमा तो जो टॉर्क आया है साठ और बीस की वजह से उसको बैलेंस करेगा वो टॉर्क जो आया है एन वन की वजह से देखिए बिकॉज एन टू इज एक्टिंग ऑन ऑफ रोटेशन ना टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो वो क्या बात है एक और क्वेश्चन तुम्हारी तो लॉटरी लग गई ये देखो ये वाला कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन की हेल्प से ठीक है कुछ कुछ बच्चे सोच रहे हो वी गेट इट दैट यू लव अस ये थोड़ा तो सा ज्यादा हो रहा है लेकिन प्लीज इतने क्वेश्चन नहीं कर लेंगे है ना ठीक ट्वेंटी थर्टी सिक्स एंड फोर्टी फोर होगा वो तो तुम निकालो वो मेरा सर दर्द नहीं है अभी ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आओ आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों वेरी है ना ये तुम्हारे पास एक रॉड है रॉड का मास और लेंथ गिवन है लेंथ है दस मीटर तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ये है पांच मीटर ये है पांच मीटर अगर ये ये एक मीटर है तो ये चार मीटर है अब मैं इसको तुरंत तुरंत सॉल्व करूंगी ठीक है एन वन और एन टू की वैल्यू तुम लोगों को निकालनी है सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूँ की अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करू तो ऊपर वाले और नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस हो गए कोई ब्रेक नहीं मिलेगा ऊपर वाला फोर्स कितना आ गया एन वन प्लस एन टू नीचे वाला फोर्स कितना आ गया एक तो वेट ऑफ दी रॉड रॉड का मास है छह के सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे तो साठ न्यूटन का वेट नीचे की डायरेक्शन में लगा तो एक तो आ गया साठ न्यूटन और एक ही खाली फोकट का चुल फोर्स विच इज इक्वल टू हंड्रेड तो तुम्हारे पास आ गया एन वन की वैल्यू आ गई एक

साठ न्यूटन की वजह से ऐसे घूम रहा है सौ न्यूटन की वजह से ऐसे घूम रहा है एन टू की वजह से ऐसे घूम रहा है मतलब जो टॉर्क साठ और सौ की वजह से आ रहा है इट इज बैलेंस्ड बाय द टॉर्क जो एन टू की वजह से आ रहा है तो आपके बार में सीधा सीधा लिख देती हूँ कि जो टॉर्क आ रहा है साठ की वजह से और जो टॉर्क आ रहा है सौ की वजह से इट इज बैलेंस्ड बाय जो टॉर्क आ रहा है एन टू की वजह से आपकी बार यहां पर एन वन की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट से मैं टॉर्क को मेजर कर रही हूँ ये फोर्स वहीं पर जाके लग रहा है खत्म तो अभी देखो यहां से मेजर करना है है बाय डिस्टेंस ठीक तो साठ का फोर्स है पांच मीटर के डिस्टेंस पे लगा फिर बच्चों सौ का फोर्स है छ के डिस्टेंस के ऊपर लगा फिर एन टू का फोर्स था दस के डिस्टेंस के ऊपर लगा बिल्कुल नहीं सॉल्व करूंगी मैं बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करूंगी यहां से आया एन टू एन टू को आप जरा सा यहां पर सब्स्टिट्यूट करके एन वन की वैल्यू निकालिए हुआ ना सॉल्व एक बार जरा सा देखिए थकावट एग्जॉन ये सब हमारे मन में है एक बार जरा सा देखो हो गया योर सेल्फ थिंक क्लास की तुम जस्ट अभी एंटर हुए हो साढ़े ग्यारह बजे क्लास शुरू हुई है दो बजे तक क्लास जाएगी तो जस्ट कंडीशन योर ब्रेन इन टू थिंकिंग वॉट यू वॉन्ट टू थिंक सच दैट तुम्हारा भला हो गया खत्म है ना अब यहाँ पर देखिए ये, ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन इसके बाद आ, एनर्जीज और रोलिंग मोशन आ जाएगा रोलिंग मोशन में मतलब बहुत प्यारा टॉपिक है रोलिंग मोशन में कहीं तुम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी रोलिंग मोशन में टीसी कांस्टेंट आ जाएगा ठीक है अच्छा अभी यहां पर देखना मेरे पास इस तरीके से थ्रेड थे थ्रेड को मैंने एक सॉलिड सिलेंडर के अराउंड रैपअप करके सॉलिड सिलेंडर को ऐसे ऊपर रख दिया अब मैंने सॉलिड सिलेंडर को नीचे छोड़ दिया तो ही बात है वो अनवाइंड करता हुआ नीचे आएगा तो जब वो अनवाइंड करता हुआ नीचे आ रहा है, कि कितना है? तो अभी यहां पर हम आगे टेंशन में किया दी। ये कैसे होगा? तो हम लोगों ने ये वाली साइड को कंसिडर किया ठीक है मैंने ये वाली साइड को कंसिडर किया अब तुम अगर ध्यान से देखो बच्चों तो यहां से ना समझो यहां से एक स्ट्रिंग जा रही है और यहां से एक और स्ट्रिंग जा रही है तो बेसिकली अगर मैं सिलेंडर को यहां से देखूँ तो टूटी टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है तो आई कैन से यहां पर आया ऊपर की डायरेक्शन में टूटी टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में आया टूटी यहां पर आ गया mg नाउ अभी तुम लोग अगर सोच रहे हो कि यार दी ये क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसे हम लोग सॉल्व क्यों कर रहे हैं ऐसे हम लोग सॉल्व इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बॉडी घूम रही है अब बॉडी घूम रही है बॉडी क्यों घूम रही है कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है मैं कैसे बता पाऊंगी अगर मेरे पास टॉर्क ना हो टॉर्क को मैं कैसे डिफाइन कर पाऊंगी अगर मैं इंडिविजुअल फोर्सेस की स्टडी ना करूं तो अगर मुझे इंडिविजुअल फोर्सेस देखने हैं तो दो ही फोर्सेस है एक तो एम फोर्स है और एक टेंशन है तो मुझे क्या करना पड़ा ये वाला जो सेक्शन है सिलेंडर का इसको स्टडी करना पड़ा तो मैं देख पा रही हूँ ऊपर की डायरेक्शन में टूटी टेंशन लग रहा है यहाँ पर एम फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में अब ये जो हमारा सिलेंडर है ये मस्त घूमेगा ये घूमेगा ये वाले पॉइंट के अबाउट अल्फा के आंगुलर एक्सिलेशन से तो उसमें एम का थोड़ी ही कोई कंट्रीब्यूशन है एम जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है देखो हम अगर मैं इसको पॉइंट इट इज गोइंग टू ब्रिंग एन एंगुलर टॉर्क ठीक है उसकी से an angular, uh, an torque, तो ये जो टू टी का फोर्स है वो लगा है आर के डिस्टेंस के ऊपर तब टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड द एंगुलर एक्सेलरेशन करते चलते वरना रोते रहोगे तो ज्यादा ही बोलने लगी ना मैं रोते रहोगे रोते रहोगे तुम लोगों को एक बार जरा सा देख लीजिए रेडियस की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ ये जो मेरे पास इट इज बेसिकली डिस्क जो ऐसे रोटेट कर रही है दिस इज दोटेशन एम आर स्क्र बाय टू ना तो एम आर स्क्र बाई टू सब्सटीट्यूट कीजिए वन मल्टीप्लाइड बाई टू का स्क्वाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई अल्फा तो तुम यहां पर देख पा रहे हो तुम्हारे पास आया फोर टी इज इक्वल टू टू अल्फा तुम्हारे पास आ गया टू टी इज इक्वल टू अल्फा तो यह दिक्कत की बात है दिक्कत की बात है, की बात कैसे है कि या, कि यहां पर टेंशन भी पूछी हुई है अल्फा की वैल्यू भी पूछी हुई है लेकिन ना मुझे टेंशन पता ना मुझे अल्फा पता ठीक है ना तो मुझे टेंशन पता ना मुझे अल्फा पता तो यहाँ पर जो ट्रांस ये यहाँ पर जो रोटेशन मोशन है मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन दे सकता था इसने दे दिया और इसने हाथ खड़े कर लिए इसने बोला कि भाई मैडम देखो हम टॉर्क के विद रिस्पेक्ट टू तो आंसर कर सकते थे एंगुलर एक्सिलेशन के विद रिस्पेक्ट टू तो आंसर कर सकते थे एक ही इक्वेशन बन रही थी वो हमने बना दी अब अगर आपको दूसरी इक्वेशन चाहिए तो आप ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी करोगे तो अब की बार हम लोग ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी डेफिनेटली करेंगे तो देखो नीचे आया एक्सिलेशन ऑफ देंटर ऑफ मास नीचे नेट फोर्स तुम्हारे पास कितना आ रहा है नेट फोर्स आ रहा है एम जी माइनस टेंशन मतलब तुम समझ पा रहे हो नीचे आया एक्सीन नीचे की डायरेक्शन में आया नेट फोर्स तो जो नेट फोर्स नीचे की आ, कोई और बच्चा हो गया कोई और बच्चा गलती से ब्लॉक हो गया इस सिया को करना था अच्छा आ जाओ नेट फोर्स लगा नीचे की डायरेक्शन में देखो सिया हेली सब पृथ्वीराज मैं तुम्हें हर बार बोलती हूँ तुम लोग हंसते हो एक साथ आके क्राएंगे मुझे के साथ स्पैम कर रहे हैं कैसे नहीं है भाई ये रिश्तेदार या फिर भाई बहन डेफिनेटली लिख के दे सकते हो ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा तो अभी मैं ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी कर रही हूँ भले यहां पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं है ट्रांसलेशन मोशन तो है ना तो एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में तो जो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है इट इज एम जी माइनस टू टी जिस विच कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू मास इन टू

एम की वैल्यू है वन आर की वैल्यू है दो टू टाइम्स ऑफ अल्फा टू इक्वेशन टू वेरिएबल आगे सॉल्व नहीं करूंगी टू इक्वेशन टू वेरिएबल आगे मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगी टेंशन आ गई अल्फा आ गया अब यहाँ पर तुम लोग एक्सिलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो अगर इन केस पूछा जाता दैट इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाईड बाय आर खत्म इसके आगे अभी प्यारा प्यारी प्यारी चीजें शुरू होंगी दो तीन मिनट का ब्रेक ले लेंगे ठीक है देख लो मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ बच्चों रोलिंग मोशन में तुम्हें पता लगेगा कि जब भी बॉडी रोल करती है ना तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मासिस और मेगा मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस सेम चीज यहाँ पर है बॉडी रोल कर रही है तो आई कैन से दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ये वाला कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आगे मैंने सिर्फ सब्सटीट्यूट करा है दो इक्वेशन आ गई टेंशन और अल्फा के बीच में कितना रह गया बीस मिनट का रहेगा बीस मिनट का क्या फिर आधे घंटे का ही ले लूंगी चार घंटे तो मैं बोल के ही चली थी ये वाली क्लास में नहीं <laughs> ये वाली क्लास में नहीं <clears throat> वो जो दो मिनट दो दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी ना कि दैट चैप्टर जो सबसे ज्यादा परेशान करता है नीट एस्पायरेंट्स को यस दैट इज ओटेशनिक्स तो वो <laughs> दी सच में दो घंटे तक क्लास चलेगी क्या अरे कुछ बच्चा ही नहीं है ये भी रोलिंग मोशन का ही पार्ट है तुम देखो इसके अंदर सिर्फ एक स्लाइड आएगी और दो क्वेश्चन आएंगे ये भी रोलिंग मोशन का ही पार्ट है लेकिन मैं पहले कराना चाहती हूँ ताकि रोलिंग मोशन में थोड़ा और टाइम लगे बस ये स्लाइड है सेवेंटी वन स्लाइड कर ले थ्री पॉइंट फाइव आर्स आज बोला था मुक्के मारूंगी थ्री पॉइंट फाइव आर्स आज बोला था दो दिन पहले मैंने तुम्हें चार घंटे बोले थे अब मैं क्या करूँ क्वेश्चन ज्यादा हो गए <laughs> तुम्हारी टीचर लालची है <laughs> जाके जा टीचर बदलो ठीक है दैट इज दैट इज नॉट ऑन मी तुम टीचर ऐसे ही रखते हो फिर बिगड़ करते रहते हो लाइक कर देंगे सब बच्चे इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं हम दो मिनट में ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं ठीक है मोमेंटम बना हुआ है अभी रुक जाएंगे तो दोबारा से गेन करने में दिक्कत आएगी

ठीक है फ्रिक्शन कहा से आ गया भाई इसमें फ्रिक्शन होता है नॉन ऐसे रोलिंग मोशन में जो प्योर नहीं होता तो मैं तो ऐसा कोई केस ले ही नहीं रही भाई बहुत टाइप के क्वेश्चन कराती है बच्चों स्वेर लाइक अगर मैं ईयर लॉन्ग कोर्स भी लेती हूँ ना और उसमें रोटेशन मैकेनिक्स कराऊं तो वहां पर जितने मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं वो क्वेश्चन क्लास प्लस क्वेश्चन बैंक जो मैंने पचास प्रोवाइड किए हैं वो और सैटरडे सेट डाउन सब कवर हो जाएंगे हाँ, वाला क्लास के शुरू से ही कर रहे है। तीन और आधे घंटे से वो स्वाम हैं कि अटेंड करूं कि नहीं करूं करूं कि नहीं करूं पता नहीं वही बच्चा है या कोई और बच्चा है एड्स के साथ स्टार्ट करते हैं नहीं पेश वो सिर्फ प्लस के लिए होता है इंटेलेक्चुअल पार्ट गए हो बच्चो सो ट्रस्ट मी दिजरी थी ना तुमने एक्सट्रीम पुशअप्स लगा दिए अब तुम्हें क्या करना है रेस्ट करके बस काव्स और लगाने तो वो कोई बड़ी बात नहीं है तो अभी रेस्ट करके काव्स लगा लेंगे आराम से ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएगा आज कोई बहुत हॉर्नी फील कर रहा है जिस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ चार से पांचवी बार आई एम हाइडिंग अ चैनल

कैसे भाई बारह बज रहे हैं दोपहर के ऐसा क्या कंटेंट तुम लोग देख रहे हो ठीक है आ जाओ बिगिन विद बच्चे एनर्जी बड़ी प्यारी सी बात है ठीक है ठीक अभी तक हम लोगों ने जैसे कि नॉर्मल जो तुम्हारी मकानिक्स है अगर मैं रोटेशन मोशन को छोड़ दूं तो वो ट्रांसलेशन मोशन के ऊपर फोकस करती है है कि नहीं वहां पर आ जाती है हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी तो वहां पर हम सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन को कंसिडर करते हैं तो मैं बोल सकती हूँ ना कि अगर मान लो कोई भी बॉडी ट्रांसलेशन मोशन शो कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न टू हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है वापस आ जाएंगे सब बच्चे ट्रांसलेशनल एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फिर बाद में जब बॉडी घूमने लग जाती है तो वो वाले केस में मेरे पास एक रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर खत्म है ना ये भी तुम्हारे पास उल में है बच्चों ये भी तुम्हारे पास जाऊल में है जैसे तुम लोग काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल को लिख सकते हो एज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम उसी तरीके से बच्चों तुम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल को लिख सकते हो एज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ आई इसके ऊपर दो क्वेश्चंस कर लो और ये वाला टॉपिक खत्म क्वेश्चन तो तुम्हारे पास यहाँ पर ये है कि ये तुम्हारे पास रॉड है बच्चों एम मास का रॉड है और इसकी लेंथ है एल ये बिल्कुल इस तरीके से वर्टिकली लाई कर रहा है परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड तो तुमसे ये पूछा हुआ है कि जब भी रॉड ऐसे गिरता हुआ ग्राउंड को हिट करेगा व्हाट विल बी दी एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये ग्राउंड को हिट करेगा तो मान लो ये ग्राउंड को हिट कर रहा है और ग्राउंड को हिट करने के बाद दिस इज दिचुएशन ऑफ द रॉड

क्लियर है ना ये तो हमारे पास रॉड था इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी ग्राविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अब ये गिर के ऐसे आ गया अब इसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है काइनेटिक एनर्जी है तो मैं बोल सकती हूं कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल केस में थी वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस में कन्वर्ट हो चुकी है तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड इन द इनिशियल केस तो सेंटर ऑफ मास यहां पर लाइ कर रहे तो यहाँ पर ये ये जो डिस्टेंस लोगे वो वाला डिस्टेंस होगा तो कि जो एम मास है इट इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड ना तो मैं पूरे सारे के सारे डिस्टेंस थोड़ी डिफाइन करूंगी तो ये वाली वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड हो गया तुम्हारे पास हाफ ओमेगा स्क्वायर तो तुम्हारे पास आ गया एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जब भी रॉड ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री आता है ना

ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को रोप वाले करवाए थे वर्क एनर्जी एंड पावर वाले लेक्चर में तो यहाँ पर मेरे पास जो मास है यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना मुझे तो मास का सिर्फ एक डिस्टेंस चाहिए तो वो मास का मास uh, को कहाँ कंसेंट्रेटेड मानूंगी सेंटर ऑफ मास के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड मानूंगी तो मैंने ये वाला डिस्टेंस ले लेना है तो वो आ गया एम जी मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू विच इज एनर्जी ओमेगा की वैल्यू कैल्फुलेबर है

वट इज द लीनियर विलोसिटी विद विच पी पॉइंट इज गोइंग टू हिट दी ग्राउंड मतलब मान लो ये तुम्हारे पास पी पॉइंट है ये पी पॉइंट कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करना है तुम्हें वो निकालना है तो तुम एंगुलर वेलोसिटी निकालो इफ यू नो दर वेलोसिटी इफ यू नो देंस ऑफ द पॉइंट फ्राम दस ऑफ रोटेशन यू कैन कैलकुलेट द लीनियर विलॉसिटी ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो सबसे पहले हम लोग ओमेगा के ऊपर फोकस करेंगे और मैं लिख दूंगी कि भाई देखो पहले जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी रॉड की सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है कर देते हैं। तो ये आ गया थ्री। ये आ गया सिंप्ली -सिंप्ली आ गया गया पास ठीक एल बाई टू की वैल्यू तुम्हारे पास सिंपली सिंपली आ गई वन मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रॉड जरा सा देखो कितना है इट इज इक्वल टू एम एल स्क् तो ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास चार तो यहाँ पर आ गया फोर डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू आ गई ना एक बार जरा सा देखो बच्चों ठीक है एक बार जरा सा देखो तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आ गई तो तुम्हारे पास आ रहा है थर्टी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ पंद्रह रेडियन

सारू एक बार जरा सा देख लीजिए अभी ना मैं बहुत क्विक हो गई हूँ लाइक आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ है एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए ठीक है आई एम होपिंग दिस इज क्रिस्पी क्लियर टू ईच वन ऑफ यू अब आ गया रोलिंग मोशन तो रोलिंग मोशन में हम हमसे प्योर रोलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे प्योर रोलिंग वो होता है जो फिसलता नहीं है ठीक है बस खत्म होने वाले है ये इट इज अबाउट टू एंड मिजरी इज अबाउट टू एंड ठीक है अभी यहां पर देखो ये तुम्हारे पास बॉडी है ये प्योर रोलिंग शो कर रही है तो प्योर रोलिंग का मतलब क्या है कि वो फिसल नहीं रही है नहीं फिसल रही है दैट इज वन थिंग रोटेट करते करते वो आगे भी जा रही है मतलब मान लो अगर ये व्हील तुम्हें अभी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहां पर दिख रहा है कुछ इंस्टेंट के बाद यहां पर दिखेगा फिर यहां पर दिखेगा फिर यहां पर दिखेगा यहां पर दिखेगा तो यहां पर दो मोशन है एक है रोटेशनल मोशन बच्चों और एक है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन पंद्रह मिनट का टॉपिक है चुपचाप सुनते जाओ ठीक है प्योर रोलिंग है मतलब ये जो तुम्हारे पास नीचे वाला पॉइंट है दिस पॉइंट इज एट रेस्ट ठीक है तभी हम लोग प्योर रोलिंग को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि प्योर रोलिंग में किसी भी तरीके की कोई स्लिपिंग नहीं होती है अब बच्चों रोलिंग मोशन है, तो जब तक रोलिंग मोशन होगा तो ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है। अब मान लो ये बॉडी रोल करते प्योर रोलिंग कंसिडर करती हूँ सच वेलोसिटी इज ओमेगा और उसी तरीके से मान लो य पर ये वाली वेलोसिटी है v and this v एंड दिस इज रिलेटेड टू लीनियर मोशन ठीक है सुनते जाना यहाँ पर दो तरीके के मोशन है एक लीनियर मोशन है एक एक रोटेशन मोशन है फिर रोलिंग मोशन बन रहा है तो वो चीज मुझे वेलोसिटी में भी तो दिखेगी ना बच्चों कि मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये वाले पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है तो एक यहाँ पर वेलोसिटी आएगी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन एक यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी ड्यू टू दी रोटेशनल मोशन कोई बड़ी बात मैंने नहीं करी है रोलिंग में दो तरीके के मोशन है रोटेशनल ट्रांसलेशन तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहूंगी तो दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा वो वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी के ऊपर तो कंट्रीब्यूशन आएगा ड्यू टू दी कंट्रीब्यूशन आएगा एक तो तुम्हारे पास ये वाली वेलोसिटी का दूसरा कंट्रीब्यूशन आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो रोटेशन की वजह से आ रही है जैसे कि समझने की कोशिश करना अगर मैं चार पॉइंट्स ले लू ये आ गए मेरे पास चार पॉइंट्स ठीक है अभी बॉडी ट्रांसलेशन मोशन शो करिए वी की वेलोसिटी के साथ तो ये ट्रांसलेशन मोशन का बहुत बेसिक है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ बीस मीटर पर सेकेंड से तो मेरे अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके पास ये वाली डायरेक्शन में बीस मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है तो आई कैन से कि यहाँ पर भी वी होगा यहाँ पर भी वी होगा यहाँ पर भी वी होगा और यहाँ पर भी वी होगा दिस इज सिंपली ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ये ट्रांसलेशनल मोशन के कंट्रीब्यूशन की, की वजह से है अब अगर मैं रोटेशनल मोशन के कंट्रीब्यूशन की, की वजह से बात करूं तो रोटेशनल मोशन की वजह से आएगी टेंजेंशियल 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 वेलोसिटी वेलोसिटी और क्या होती है वेलोसिटी फॉर एनी पॉइंट मान लो टेंजेंशियल वेलोसिटी फॉर पी पॉइंट इट इज द एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ दैट पी पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई ओमेगा कैपिटल आर यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई ओमेगा कैपिटल आर यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई ओमेगा कैपिटल आर यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई ओमेगा कैपिटल आर नाउ यू हैव टू वेलोसिटीज डू नॉट टेल मी दैट यू कैन नॉट विक्टोरिकली ऐड देम एक बार देखो अगर मानो मैं ये वाले पॉइंट को कंसिडर करूं तो ये तो रेस्ट के ऊपर है ये तो रेस्ट के ऊपर है क्यों रेस्ट के ऊपर है क्योंकि दिस इज कंप्लीटली प्योर रोलिंग

Easy है, बहुत ईजी है मतलब इंटेलेक्चुअल पार्ट खत्म हो चुका है तो अभी बच्चों अगर मैं ये वाले पर्सपेक्टिव से यू नीड टू वी आ गया ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं तो यहाँ पर आया वी यहां पर आया वी तो इस डायरेक्शन में आ गया अंडर सीधा सीधा डिशन करूं तो यहाँ पर आ गया वी यहाँ पर बच्चों तुम्हारे यहाँ से ठीक है अल्फा आर ऑफकोर्स बच्चों अल्फा आर ठीक है अभी वो थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है ना तो ये मुझे करेक्ट करते रहना तो ये आ गया तुम्हारे पास अल्फा आर तो तुम लोग देख पा रहे हो नंबर वन टाइप के क्वेश्चन यहां से आते हैं वॉट आर दिलॉसिटीज आर डिफरेंट पॉइंट्स तो वेलॉसिटी के बारे में हम लोग और बात करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर लिख देती हूँ कि यहाँ पर ये जो कंपोनेंट मैंने लिया है पर्पल में इट इज ड्यू टू द रोटेशनल मोशन दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो कंपोनेंट बना है दिस इज रिलेटेड टू द रोलिंग दिस इज रिलेटेड टू द रोलिंग ये दो क्वेश्चंस करो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा ठीक है नहीं ऑल अबाउट सीरीज ऐसा कुछ नहीं होगा ये वाले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो हमें एक्सिलरेशन में नहीं जाना ये देखो तुमसे ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी पूछी हुई है अगर तुम यहाँ पर प्योर रोलिंग देख पा रहे हो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर करो तो प्योर रोलिंग में तुम्हें पता होना चाहिए वी इज इक्वल टू ओमेगा कैपिटल आर या फिर ओमेगा कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई आर ये तो पता होना चाहिए प्योर रोलिंग का ये गिवन सिचुएशन है ये तो होगा हो ही होगा अभी अगर मैं रोलिंग की बात करूं तो मुझसे वेलोसिटीज पूछी हुई है बच्चों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से कौन कौन सी वेलोसिटीज है तो वो तो दस मीटर पर सेकेंड ही होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों तुम्हारे पास दस मीटर पर सेकेंड उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा तुम्हारे पास दस मीटर पर सेकेंड क्योंकि ये तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है ठीक है उसी तरीके से मान लो अभी अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन की वजह से आई कैन से टेंजेंशियल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहां पर तो सिंपली सिंपली आ गया तुम्हारे पास ओमेगा कैपिटल आर जिसकी वैल्यू भी दस हो जानी है जिसकी वैल्यू भी तुम्हारे पास दस मीटर पर सेकेंड हो जानी है यहां पर आएगा इस डायरेक्शन में ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टू तो ओमेगा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है टेन डिवाइडेड बाय फोर देखो ओमेगा की वैल्यू है तुम्हारे पास डिवाइडेड बाय बाय इज बेसिकली मीटर पर सेकेंड खत्म एक बार जरा सा देखो बच्चों खत्म कि अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पे यहां पर है दस ए पॉइंट पे यहां पर है दस तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बच्चों यहां पर है तुम्हारे पास दस यहां पर है पांच तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट आ गया पांच मीटर पर सेकेंड और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन है ए और बी पॉइंट के ऊपर तुम्हें अगेन वेलोसिटी बतानी है तो सबसे पहले देखो कि ये जो हमारे पास सिचुएशन है ये सिचुएशन किसकी है बच्चों ये सिचुएशन है हमारी प्योर रोलिंग की तो ये क्वेश्चन करवा रही हो ना कंसेप्ट बताने में टाइम थोड़ी लगता है इतना लंबा लेक्चर इसलिए नहीं है मतलब ठीक है चैप्टर लंबे बट कितने क्वेश्चन क्वेश्चन कर समथिंग हो जाएंगे द द एंड ऑफ क्लास हमारे तो ये हमारा प्योर रूलिंग है प्योर रूलिंग के केस में ओमेगा कैन बी रिटन एज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर या फिर वी कैन सिंपली बी रिटर्न एज इक्वल टू ओमेगा आर तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पर भी है तुम्हारे पास टू पॉइंट फाइव रेडियन पर सेकेंड अब तुमसे पूछा हुआ है इंडिविजुअल पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटीज बताओ तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल पॉइंट्स के ऊपर कितनी वेलोसिटी है ड्यू टू दी ट्रांसलेशनल मोशन दस ही होगी तो यहाँ अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पे यहाँ पर भी दस है दस मीटर पर सेकेंड बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट के ऊपर भी दस मीटर पर सेकेंड है ये तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है उसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पर रोटेशन मोशन की बात करूं तो रोटेशन मोशन की वजह से जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इट इज गोइंग टू बी एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन चार घंटे होने वाले हैं हमारा ये टॉपिक भी खत्म होने वाला है ये देखो आए दो स्पैमर एक साथ आए अच्छा एक ही स्पैमर है क्या ठीक है आओ निकालते हैं तो इसके लिए तो सीधा सीधा आ गया तुम्हारे पास ओमेगा आर, ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे पास दस मीटर पर सेकेंड है यहां पर आ गया तुम्हारे पास देखो दो के डिस्टेंस के ऊपर रखो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टू इट इज गोइंग टू गिव यू फाइव मीटर पर सेकेंड तो अभी अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूं तो नेट वेलोसिटी यहां पर आ गई टेन अंडर रूट टू यहां पर आ गई फाइव अंडर रूट फाइव नाउ इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू सब बच्चे हाँ जी एक बार जरा सा देखो खत्म होने वाले है, चेतना अभी हम लाइक वो वाले टॉपिक के ऊपर यहाँ पर क्या दिमाग लगाया तुमने यहाँ पर मैंने तुम्हें ऐसा क्या बताया जो मैं ऑलरेडी नहीं तुम्हें बता के चल रही हूं मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं पढ़ाया है, जब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल फुल अटेंशन पे था कि किस तरीके से लीनियर वेलोसिटी एट अ पॉइंट या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सब तो हम बता के चल रहे हैं ना अब हम क्या करें वी आर जस्ट सिंपली सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन दो पॉइंट्स ठीक है अब बच्चों ये हो गया हमारा खत्म अभी उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन देखो कहां से आते हैं पहले क्वेश्चन तो आगे वेलोसिटीज पे दीज आर नंबर वन फिलोसिटीजर दूसरे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के ऊपर अभी देखो बच्चों यहाँ पर टीसी कॉन्स्टेंट आएगा तो बिल्कुल सब बच्चे खुश हो जाएंगे तो आई कैन से कि रोलिंग में दो तरीके के मोशन है अब भी 800 बच्चे बैठे हुए हैं यार मतलब सल्यूट दैट इज अमेजिंग ठीक है कमेंडेबल रोलिंग मोशन है रोलिंग मोशन में एक आता है रोटेशन मोशन एक आ जाता है ट्रांसलेशन मोशन तो आई कैन से रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी क्या कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है ठीक है सबस्टिट्यूट करो ये वाली वैल्यू आ गई हाफ एम वी स्क्वायर ये वाली वैल्यू आ गई बच्चों तुम्हारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अभी बच्चों अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ का स्क्वायर ओमेगा की बात करूं इट कैन बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर तो तुम लोग देख पा रहे हो दिस कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन लेके वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये जो आपको बहुत गंदा सा भद्दा सा टर्म दिख रहा है जो आप चाहेंगे कि आप इसको जिंदगी में दोबारा से कभी ना मिले ठीक है इसी भद्दे से टर्म का नाम है टीसी कांस्टेंट <laughs> यही हमारे पास टीसी कांस्टेंट है टीसी कांस्टेंट को मैं बीटा से डिनोट करूंगी तो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बीटा अब आगे क्वेश्चन आते कि यार दी आप ना ज्यादा चालाकी दिखाते हैं बीटा आपने ले लिया अब इससे आपने हमारी कैसे हेल्प करी नंबर वन हेल्प की दिखने में सुंदर लग रहा है नंबर टू हेल्प व्हाट इज बीटा ट्राई टू अंडरस्टैंड बीटा इज बेसिकली कि मान लो अगर मैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग की बात करूं जो रोटेट कर रही जो रोल कर रही है एम आर स्क्वायर होता है अगर मान लो मैं डिस्क की बात करूं एम आर स्क्वायर बाय टू होता है मानते हो ठीक है उसी तरीके से मानो अगर मैं सॉलिड स्पेयर की बात करूं तीन इन एग्जाम्पल दे दूंगी समझ जाओगे अगर सॉलिड स्पेयर रोल कर रहा है तो वो तुम्हारे पास तो टू है? है उसमें तुम्हें से प्लस वन कर रहा है करना है दिस इज एम आर स्क्वेयर की किसके साथ शादी हो रही है दिस इज प्लस वन जैसे कि यहाँ पर देखना एम आर स्क्वेयर की शादी हुई वन के साथ तो यहाँ पर अगर मैं बीटा की वैल्यू लिखने लगू ना तो बीटा मेरे पास

ठीक है अभी रिंग और डिस्क के लिए आ गया वही सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के लिए हो गया अभी अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर की बात करूं तो सॉलिड स्पेयर के लिए ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है टू बाई फाइव एम आर स्क्वे उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी हॉलो स्फेयर की बात करूं जो प्योर रोलिंग शो कर रहा है क्योंकि अब रोलिंग मोशन कर रहे हैं इट इज इक्वल टू टू बाई थ्री एम आर स्क्वेयर अभी बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी एक बार जरा सा देखिए बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी बीटा की वैल्यू सॉलिड स्पेयर के लिए आ गई स्क्वायर की किसके साथ शादी हो रही थी प्लस इज इक्वल टू स्फेयर के लिए बात करूं तो बीटा की वैल्यू कितनी एम आर स्क्वेयर की किसके साथ शादी हो रही थी प्लस वन विच इज इक्वल टू तो फाइव बाई थ्री सब बच्चे क्लास खत्म होने के बाद प्लीज हैश डे टेन कमेंट कर देना मतलब रात तक हजार कमेंट कराना है, इतनी लंबी क्लास ले ली हजार कमेंट तक तो जाने चाहिए ठीक है एक बार देख लो अभी बीटा का ना सिग्निफिकेंस है देखा है और एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं सॉलिड स्फेयर का कि अभी हम लोगों ने देखा है कि सॉलिड स्फेयर के बीटा की वैल्यू कितनी होती है बीटा की वैल्यू होती है तुम्हारे पास सेवन बाई फाइव आप इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब ये कि अगर रिंग रोल करेगी ना अभी इसका मतलब समझो कि अगर रिंग रोल करती है तो अगर उसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी दो जाउल है तो उसमें से जो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो वन जाउल होगी दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा जैसे गामा का सिग्निफिकेंस नहीं होता गामा का सिग्निफिकेंस जैसे गामा की बालू है तुम्हारे पास 4 3. मतलब अगर तुम चार की हीट तीन जाएगा एनर्जी एनर्जी दो जाऊल है ना उसमें से एक जाउल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है या फिर मान लो अगर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी सोलह जाउल है तो सोलह में से आधा हिस्सा मतलब कितना आठ ट्रांसलेशनल होगा बचा कुचा रोटेशनल तुम लोग हमेशा निकाल सकते हो वही चीज एक बार यहां से तुम थोड़ा सा और समझोगे मान लो बच्चों तुम्हारे पास सॉलिड फेयर है और सॉलिड स्पेयर रोल कर रहा था तो इसके बीटा की वैल्यू सेवन बाई फाइव है इसका मतलब पता हूँ क्या है इसका मतलब ये कि अगर रोल करता हुआ वो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हें सात जाउल की दिखा रहा है ना तो इसमें से जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी फाइव जाउल तो ऐसे क्वेश्चन कितने सारे बनते हैं कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फलाना ढमकाना सब बीटा से आएगा सब बीटा से आएगा डू यू अंडरस्टैंड मी तो अगर मान लो तुम्हारे पास सॉलिड स्फीयर है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी उसमें सत्तर जाऊल है तो उसमें से पचास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी बीस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी अगर तुम्हारे पास रोलिंग का एनर्जी चौदह जाऊल है उसमें से आई कैन से दस जाऊल तुम्हारी ट्रांसलेशनल का एनर्जी होगी बच्ची कुची जो चार जाउल है वो तुम्हारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी दिस इज दिग्निफिकेंस ऑफ बीटा एक यहां से क्वेश्चन आते हैं ठीक है अब फिर बच्चों क्वेश्चन आते हैं देखो तुम्हारे पास कैसे वेरी नियर द एंड मतलब खत्म होने वाली है क्लास ठीक है पांच मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास देखिएगा तुमसे रोलिंग एक्सेलरेशन पूछा जाता है व्हाट इज द रोलिंग एक्सेलरेशन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रोलिंग एक्सेलरेशन एंड ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रोलिंग वेलोसिटी एंड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी लेट मी ट्राई टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मैं बोलना क्या चाहती हूँ ठीक है मानो एक बॉडी ये बॉडी है ये बॉडी रोल करते हुए नहीं आ रही सीधा सीधा नीचे आ रही है तो ट्रांसलेशन एक्सिलरेशन बना मेरे पास ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन अरे भाई खत्म होने वाला है ये आखिरी पार्ट है इट इज लाइक कि यू हैव डिड एवरी थिंग इट इज नाउ इट इज टाइम टू बेयर सम ये रोलिंग मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यू आर अप्लाइंग द कंसेप्ट खत्म होने वाला है बिल्कुल ठीक है तो यहां पर देखिएगा मान लो अगर एक बॉडी नीचे गिर रही है तो ट्रांसलेशन एक्सिलरेशन जी है अब मैं बोल रही हूँ कि बॉडी मान लो अगर रोल करते करते अगर रोल करते करते नीचे गिर रही है

ठीक है तो यहाँ पर जरा सा देख, देखना बच्चों मान लो तुम्हारे पास ये एक प्लेन है ठीक है देखो देखो विराज अभी तुम्हें कैसे भगाते हैं हाउ डू यू नॉट फेयर मे आईपैड बंद हो गया आईपैड भी बोल रहे है बच्चों को जाने दो ऐसे कैसे जाने दो बिल्कुल खत्म होने वाला है मेरा भी ब्रेन सैचुरेट हो चुका है भाई लेकिन अभी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा तो ये क्या होता है हम्म ये जरा सा देखिए दिमाग लगाने वाली बात नहीं है अब अब जो आपके आपको ऑलरेडी ट्रांसलेशन मोशन पता है बस वहीं से मैं कंक्लूजन निकालूंगी ठीक है पहला तो आ गया तुम्हारे पास ये वाला कंक्लूजन अगर ट्रांसलेशन एक्सिलरेशन तुम्हारे पास है रोलिंग एक्सिलरेशन निकालने के लिए तुम्हें ट्रांसलेशन एक्सिलरेशन को सिर्फ बीटा से डिवाइड करना होता है पहला एग्जाम्पल आ गया ऊपर दूसरा एग्जाम्पल देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या मान लो ये वाली बॉडी है ये थीटा का इंक्लाइन प्लेन है तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर ये बिना रोल करते हुए आएगी तो तुम्हें पता है ना यहाँ पर ट्रांसलेशन एक्सिलरेशन कितना आता है इट इज इक्वल टू जी साइन थीटा उसी तरीके से मान लो मेरे पास ये बॉडी है और ये बॉडी रोल करते करते आ रही है डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन जिसकी वैल्यू की जिसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू है थीटा तो यहाँ पर जो एक्सिलरेशन आएगा इट इज ट्रांसलेशन एक्सिलरेशन डिवाइडेड बाई बीटा जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया है विच इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई बीटा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं कि अगर बहुत सारी बॉडीज क्या कर रही है रोल करते करते नीचे आ रही है तो किसका एक्सिलरेशन सबसे ज्यादा होगा किसका एक्सिलरेशन कम होगा तो वो बीटा के ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है दिस इज लास्ट स्लाइड जैसे अभी हम लोगों ने रोलिंग एक्सीन के ऊपर बात की ठीक है यहां पर हम लोगों ने ए रोलिंग पढ़ा अब हम यहाँ पर वेलोसिटी रोलिंग पढ़ेंगे वेलोसिटी रोलिंग देखो कैसे होता है अगेन दिस इज वेरी इजी जैसे कि यहाँ पर देखिएगा मान लो मेरे पास इस तरीके से एक बॉडी है बॉडी नीचे नीचे आ गई मर जाऊंगी मैं ठीक है बॉडी नीचे आ गई एच की हाइट से गिरते हुए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो यहां पर वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या बनती है अंडर रूट ऑफ टू जी एच बनती है ना टू जी एच बनती है वही चीज यहां पर है मान लो ये मेरे पास बॉडी है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी रोल करते करते अगर वो एच के डिस्टेंस से गिरेगी तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा इट इज आल्सो गोइंग टू बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए जी एच बस फर्क यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन था दैट वाज़ दी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी द रोटेशनल एक्सेलरेशन विच इज ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय बीटा एक क्वेश्चन बना यहां से सो दिस कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाई बीटा वही सेम चीज मैं अभी यहां पर इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी डिफाइन कर सकती हूँ देखते रहना इंक्लाइन प्लेन के लिए भी डिफाइन कर सकती हूँ कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके से बॉडी थी अगर मान लो मैं बच्चों ये वाली हाइट को एच ले लेती हूँ इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो थी तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जब तक बॉडी नीचे आएगी उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी उसके पास वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ टू जी एच ये सब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में करते हैं सेम चीज यहां पर है कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक बॉडी है जो पहले रोल नहीं कर रही थी जिसके इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है वो एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन से नीचे गिरने लगती है जिसकी हाइट की वैल्यू है एच और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा तो अब जब ये रोल करते करते बच्चों यहां पर आएगी ना तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा इट इज गोइंग टू तो बी सेम अंडर रूट ऑफ टू जी एच डिवाइडेड बाई बीटा देखो अंडर रूट ऑफ टू जी एच डिवाइडेड बाई बीटा ठीक है लास्ट स्लाइड ऑफ दिस क्लास लेकिन उससे पहले कंक्लूजन रोलिंग एक्सेलरेशन इज ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई बीटा अगर तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो देन आई कैन से वेलोसिटी एच हाइट को कवर करने के बाद इट इज अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए एच ठीक है एक बार जरा सा देखो, इट इज़ टू टू टाइम अंडर रूट ऑफ़ ऑफ़ टाइम्स ए तो आई कैन से वेलोसिटी हम लोग बात करेंगे मेरा भी हांग कर है। बहुत लंबी क्लास हो गई ज्यादा बड़े बड़े कमेंट मत करना ठीक है सिर्फ टैग डेटन लास्ट टाइम ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट

टू टाइम्स ऑफ एच एच की वैल्यू मतलब यही तुम्हारे पास रोलिंग यही तुम्हारे पास ट्रांसलेशन डिस्टेंस था यही तुम्हारे पास रोलिंग डिस्टेंस था एच ये तुम्हारे पास ट्रांसलेशन एक्सिलेशन था यहाँ पर रोलिंग एक्सिलेशन आएगा रोलिंग एक्सिलेशन आ गया जी बीटा जी डिवाइडेड बाय बीटा ठीक है यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो नेक्स्ट वाली साइड में इंक्लाइन प्लेन्स वाला भी बता देती हूँ एंड वी आर डन ये जरा सा देखिएगा एक बार जरा सा देखिएगा अब उसी तरीके से यहाँ पर भी आते कितना टाइम लगेगा बॉडी को नीचे आने में देखो मान लो अगर मेरे पास बॉडी यहाँ पर इस तरीके से ये वाली हाइट है मेरे पास h तो बच्चों इसको नीचे आने में यहां से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय वॉट दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ

अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी वही चीज बच्चों वही चीज बच्चों मान लो अभी रोल करते करते हो कि ये मेरे पास बॉडी है रोल करते करते यहां पर नीचे आ गई वो नीचे आई है टाइम टी के ऊपर तो जी की जगह तुम्हें सिर्फ क्या लगाना है जी डिवाइडेड बाई बीटा तो यहां पर वो वाली वैल्यू आ जाएगी वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा अंडर रूट ऑफ टू एच डिवाइडेड बाय जी बाय बीटा देखो एक बार रुको मैं देख लेती हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं की क्योंकि मैं भी होगी सोचो साइन थीटा एच बाई ए साइन थीटा एच बाई ए तो एच हो गया बिल्कुल दिमाग सुन हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एक्सटी एक्स टी की वैल्यू आ गई एच बाई थीटा बिल्कुल आपने सही करा है तमन्ना टेंशन मत लीजिए ये देखो बस यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तुम्हें सिर्फ बीटा के ऊपर डिपेंडेंस देखना है कि किस तरीके से यहां पर जो टाइम है इट इज ये बीटा के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी बीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करती है ठीक है एक्सेलरेशन बीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करता है एक क्वेश्चन करा दूं अरे एक क्वेश्चन करो यार एक क्वेश्चन कर लो तुम्हें तो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन से पूछ रही हूँ ठीक है इंक्लाइन प्लेन से पूछ रही हूँ सॉरी यार एक है तुम्हारे पास रिंग सिर्फ एक एग्जाम्पल ठीक है एक है तुम्हारे पास रिंग एक है तुम्हारे पास सॉलिड स्फीयर बच्चों आ जाओ एक क्वेश्चन कर लो तीनों चीजें ताकि समझ आ जाए तो यहाँ पर वो थीटा के इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहे ये वाली वैल्यू है तुम्हारे पास एच ठीक है ये वाली वैल्यू है तुम्हारे पास एच वापस आओ रिंग के बीटा की हैं? It इज इक्वल टू टू सॉलिड स्पीय के बीटा की वैल्यू कितने सेवन बाय फाइव विच कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर तो मैं सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन लिखना चाहती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक्सीन आएगा दोनों का इट इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय जो वेलोसिटी जब वो नीचे आ चुके होंगे एक बार तो यार इसको अप्लाई करोगे जो विलोसिटी जब वो नीचे आ चुके होंगे दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ टू जी एच बाई बी अगर यहां पर बॉडी टाइम इज इक्वल टू जीरो पे थी यहां पर बॉडी टाइम टी पे है तो किस तरीके से दिस टाइम इज वन डिवाइडेड बाई सा रूट ऑफ टू एच बीटा बाई जी तो तुम देख पा रहे हो बीटा की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा तो बीटा की वैल्यू मोर है रिंग के लिए रिंग के लिए तो एक्सेलरेशन रिंग का कम होगा कम वेलोसिटी वो गेन करेगी नीचे आने जब तक वो नीचे आएगी और इसको ज्यादा टाइम लगा है नीचे आने में अब ठीक है नाउ आई एम सेफाइड नाउ वी आर डन द क्लास एवरीवन तो बहुत लाइक like, बहुत बुली चैप्टर था तुम देखो ये तो अभी ऑप्टिक्स भी आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी को तो हम लोग फिर भी निपटा देंगे अभी तो रे ऑप्टिक्स भी बचा हुआ है

आई एम एंडिंग एंड क्लास हैशटैग डे फोर बच्चे चैट सेक्शन में नहीं बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे बड़े बड़े कमेंट रहने आई नो यू आर ग्रेटफुल एंड स्टाफ ठीक हैशैग डेट एंड कमेंट सेक्शन में होना चाहिए क्लास पीडीएफ अभी दे...